<coughs> अच्छा जी सलामकुम आप लोग मुझे ये कंफर्म कर दें कि अगर आप सबको मेरी आवाज सही आ रही है आम, सब कुछ ठीक है आपके एंड पे तो आप लोग मुझे इसकी कंफर्मेशन दे दें पहले ठीक है जी ओके uh, okay. uh, हम लोग स्टार्ट करते हैं तो uh, आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट uh, है आप लोगों के लिए स्पेशली जो नए आने वाले लोग हैं और मैं आप लोगों के, लि के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड uh, करना चाहूँगा वो ये है कि तीन घंटे लग जाए चार घंटे लग जाए पांच घंटे लग जाए आपने सुनना पूरा क्योंकि ये एक, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आ, Amazon के परस्पेक्टिव से मैं बात नहीं कर रहा Amazon की तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों की जिंदगी की आप लोग ये जिंदगी के तीन या चार घंटे डेडिकेट करके लगा दें आ, दो किस्म के लोग मेरे सेमिनार्स में आमतौर पे आते हैं एक वो है जिनको मेरी बातें सुनने के बाद रात को नींद नहीं आती और एक वो जो सुकून की नींद सो जाते हैं। तो अगर तो आप उस ग्रुप से निकलेंगे जिनको आज रात को नींद नहीं आएगी मेरा सेशन अटेंड करने के बाद तो आप लोग बहुत लकी हैं। उसकी वजह यह है कि आपके दिमाग की तारें हिला दूंगा मैं आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि आज तक आप जिंदगी में जो भी कह रहे थे गलत कह रहे थे ये वो क्लास है टीयर वन जिसे मैं कहता हूं जो हाई इंटेलेक्ट होते हैं आमतौर पे ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं जो जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचते हैं हम पैदा क्यों हुए क्यों आए हैं इस दुनिया में करके आ रहे हैं मकसद क्या है मर तो जाना है हम लोगों ने तो पर ये सब क्या हो रहा है क्यों बनाए मिलियन डॉलर तो ये है कहलाती टीयर वन क्लास टीयर वन वालों को नींद नहीं आएगी हाँ आज रात को मुझे सब सुन लें एक बार आप लोग वाले सकुन की नींद सोएंगे आज रात वो बोलेंगे क्या सेमिनार था वक्त जाया गया हमारा Amazon के तो स्क्रीन शॉट तो दिखाई भी नहीं इन लोगों ने इन्होंने तो ये नहीं बताया कि भाई वो पीपीसी का एड कैसे खुलता है ये सिखाएंगे हमें अमेजॉन ये है टीयर थ्री क्लास लो इंटेलेक्ट एक हाई इंटेलेक्ट शख्स जो है वो दिमाग की तारे उसकी वाइब्रेट करती हैं सोचता है वो बहुत ज्यादा सोचता है लो इंटेलेक्ट इंसान बहुत ज्यादा नहीं सोचता वो वो, वो समझता है या देखता है जो उसको सामने नजर आ रहा होता है जो सामने है जो दिख रहा है वो उसका ईमान उसका बिलीव उन्ही चीजों के ऊपर होता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि कुछ घंटे आज अपनी जिंदगी के लगाई दें आप लोग सबको बोले अम्मी अब मुझे तंग ना करें आज, आज आप लोग आगे आपकी मर्जी आपकी जिंदगी है एक बार सुन लें अब आए हम स्टार्ट करते हैं क्या एक्सपेक्ट करेंगे आज के इस वेबिनार में जो कि मैं आमतौर पे पाकिस्तान में अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में यूरोप में पूरी दुनिया में यह सेमिनार करता हूं मेरा इस पूरे दिन का सेमिनार आमतौर पे 9 से 10 घंटे पे जाता है इन नौ से दस घंटों के अंदर हम क्या समझते हैं क्या सीखते हैं जिसको मैं आज समराइज करके कोशिश करूंगा कि तीन से चार घंटे में लेकर आऊं मैं इसको आठ नौ दस घंटे भी नहीं लेकर जाऊंगा वैसे मेरे लिए मसला नहीं है मैं अपने बेडरूम में ही हूं उस वक्त और मेरे लिए आठ नौ दस घंटे अपने सब्जेक्ट पर बोलना कोई बड़ा मसला नहीं मेरे लिए मामूली सी बात है आम, लेकिन आ, मैं इसको तीन से चार घंटे में रैप अप करने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से मैंने आप सब लोगों को बोला था कि आप लोग सब पॉपकॉर्न ले आए अपने चाहे बिस्किट वगैरह ले आए और सुकून से बैठ जाए और सुने अच्छा क्या एक्सपेक्ट करना है इस सेमिनार के अंदर इस वेबिनार इस सेमिनार में क्या एक्सपेक्ट करेंगे सुन लीजिए अब आप लोग एमेजोन का कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखने को मिलेगी आप लोगों को कुछ खास नहीं मिलेगा आप लोगों को अमेजोन का पीपीसी uh, तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं आप लोगों को लिस्ट कैसे बनाते हैं ना मैं वो भी नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को अः uh, तो क्या करेंगे आज हम सेमिनार के अंदर जब सनी भाई लिस्ट भी नहीं दिखा रहे हमें हमें ये भी नहीं बता रहे पीपीसी एड कैसे बनाते हैं तस्वीर कैसे लगाते हैं राइट क्लिक माउस के बटन को कैसे करते हैं लेफ्ट कैसे करते हैं अः कैसे अपलोड करते हैं तस्वीरें है, ये तो बताया नहीं सनी भाई ने कद्दू सेमिनार था उनका ठीक है ना मैं ये बताऊंगा क्योंकि ये सब सीखना है तो भाई आप बीबीसी से सीख लेना फ्री में बीबीसी मिल रहा है जाएं सीख लें वहां से अगर आपको ये सब सीखना है तो जाए फिर आप यूट्यूब पे जाए यूट्यूब भरा हुआ है ना यूट्यूब है ना आपके पास जाए यूट्यूब से ये सब मेरे पास आप एक चीज सीखने के लिए आए हैं कि सनी भाई बिजनेस कैसे बिल्ड होता है और मिलियन डॉलर का एक पाथ बता दीजिए हम दो या तीन साल में तो मिलियनर बनेंगे नहीं दस साल में मैं मिलियनर बनना चाहता हूं मुझे पात बता दें मुझे वो डायरेक्शन बता दें जिसको मैं आज फॉलो करना शुरू करूं तो पोटेंशियली दस साल में मैं मिलियनर बन सकूं ये है आज के सेमिनार में ये डिस्कस करेंगे हम लोग दौलत कैसे क्रिएट करनी है वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है एमेजॉन मेरा एक टूल है एमेजॉन एक टूल है जिसकी मदद से मैं मिलियन डॉलर क्रिएट करता हूं मेरे लिए एक टूल है आ, मैं कोई ना मुझे कोई अमेजोन पे कर रहा है ना मुझे कोई बड़ी मोहब्बत है अमेजोन से मुझे उसकी लॉजिक समझ आती है मैं इसको एज ए टूल यूज करता हूँ तो आज ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को कि आज आप लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे कि जी पीपीसी का एड कैसे क्लिक करते हैं लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये बटन कैसे दबाते हैं वो वाला बटन कैसे दबाते हैं यूट्यूब से जाए सीख ले बीबीसी जाए बीबीसी से जाके सीख लें आप लोग मुझसे नहीं सीखिएगा ये पार्ट आप लोग ठीक है क्या कवर करेंगे अच्छा सनी भाई क्या कवर करेंगे फिर आज आप सेमिनार के अंदर अब सुन आप सुन लीजिए आप लोग सबसे पहला सेक्शन हम सेमिनार के अंदर जो कवर करते हैं वो ये है कि आईडी कैसे क्रिएट होती है पाकिस्तान से आईडी कैसे बनाई जाती है सैडली स्पीकिंग बहुत सारी चीजें मैं ओपनली बोल नहीं पाऊंगा आपको तो पता ही लोग क्या क्या करते हैं आ, आ, लेकिन हम जितना कोशिश मैं कर सकूंगा मैं कर लूंगा इनफैक्ट आप लोगों को रेफरेंसेस दे दूंगा मैं उन वीडियोस के जहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट सीखने को मिल जाएंगे तो फॉर एग्जांपल आईडी कैसे बनती है सनी अली डॉट कॉम स्लैश आई लाइफ ये ये भी एक दो घंटे का पूरा सेशन है पूरा जाके आईडी कैसे बनानी पेपल कैसे बनाना है अमेजोन कैसे, कैसे बनाना है वहां से सीख लीजिएगा आप लोग हाँ बल्कि ये लिंक आ गया ठीक है जबरदस्त सनी अली डॉट कॉम स्लैश पार्टनर सनी अली डॉट कॉम स्लैश आई डी लाइफ ये दो लिंक देख लीजिए दो घंटे में आप काफी कुछ यहां से सीख लेंगे यही वो वजह तीन से चार घंटे में सेमिनार को लाने की कोशिश करूंगा आज उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसके बाद हम लोग एमेजॉन के बिजनेस मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि अमेजॉन पे बिजनेस कैसे किया जाता है हम एमेजॉन के ऊपर कैसे कैसे बिजनेस मॉडल्स के पोटेंशियल हैं पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं पैसे तो कचरा जमा करने वाला भी बना लेता है फाइव स्टार होटल करने वाला भी बना लेता है हर इंसान पैसे कमाता है रक्षा वाला भी पैसे कमा रहा है टैक्सी वाला भी कमा रहा है नाई भी कमा रहा है कसाई भी कमा रहा है आईटी का कंसल्टेंट भी बना रहा है एयरफोर्स का पायलट भी बना रहा है पैसा हर इंसान बना लेता है दौलत नहीं बनाते लोग दौलत नहीं बनते दौलत की साइंस असल में किसी ने सीखी नहीं थी क्लास में स्कूल में दौलत की साइंस ही नहीं सिखाई आज तक किसी ने नहीं सिखाई हम लोगों को तो दौलत के परस्पेक्टिव से हम बात करेंगे कि भाई कैसे तो मॉडल्स बताऊंगा एफ बी एम एफ बी ए होल सेल ड्राप से तो FBM, FBA, PL, shape, किस मॉडल में क्या प्लस पॉइंट्स हैं क्या माइनस पॉइंट हैं इस मॉडल को करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमें किस उम्र में क्या करना चाहिए 20 साल का बच्चा एमेजोन पे किन किन मॉडल्स में काम कर सकता है और 40 साल का बाबा किन किन मॉडल पे काम नहीं कर सकता है या कर सकता है ये है मेरी असल में ये मेरी स्पेशलिटी कह लें आप ये मेरा डोमेन है ये वो एरिया है जहां पे मेरी ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग है मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं कि दौलत के परस्पेक्टिव से क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ठीक है हम इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छा अब आ जाइए उसके बाद हम लोग FBA, PL की तरफ जाएंगे वो हम सबको पता है एफ बी ए पी एल हम क्यों करना चाहते हैं उसकी वजह यह है कि एफ बी ए पी एल के अंदर एफ बी ए पी एल प्राइवेट लेबल के अंदर वेल्थ क्रिएशन का पर्सपेक्टिव ज्यादा निकलता है बाकी मॉडल्स में कम निकलता है पीएल में ज्यादा निकलता है तो हम पीएल इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी हमें हमारे एसेट क्रिएट हो वेल्थ क्रिएट हो तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे उसको डिस्कस करने के लिए हमें प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी पड़ेगी जी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइंस दे दूंगा और मजीद डिटेल्स आपको कहां से मिलेंगी बीबीसी से मिल जाएंगे अच्छा अब आ जाइए हम जब वो वाला पार्ट कवर कर लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाएंगे वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम 20 साल का बच्चा फंडिंग कहां से लाएगा कैसे लाएगा उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी हैं चालीस साल का जो शख्स है वो क्या करेगा आ, वो बिल्ड नहीं कर सकता तो उसके बाद क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हम वो डिस्कस कर लेंगे खातिन की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हाउस वाइफ्स हैं बच्चे हैं घर में आ, बिजी हैं उन्हें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए वो अपने आप को इस इकोसिस्टम में फिट कर सकती हैं अच्छा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरसीज um, पाकिस्तानी और लोकल पाकिस्तानी हम ये वाले पार्ट डिस्कस कर लेंगे uh, उसके बाद हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे uh, एसिड की फ्लिपिंग कैसे होती है लेकिन उससे पहले एसिड क्रिएट कैसे करते हैं आप लोग तो एसिड की क्रिएशन कैसे की जाती है कैसे हम लोग अपनी लिस्टें बनाते हैं कैसे हम अपना सामान अमेजॉन के वेयरहाउस तक पहुँचाते हैं कैसे एफ बिजनेस चलता है रैंकिंग कैसे की जाती है ये सब आपको गाइडलाइंस दे दूंगा मैं मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट तो कई कई दिन चलता रहेगा आप बीबीसी उठा के देख लेंगे तो कई महीने लग जाएंगे आपको खाली एक सब्जेक्ट ही कवर करने में इतना समंदर है बेसिकली ये तो मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा हर डोमेन हर एरिए अच्छा ये पार्ट कवर करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट uh, कितनी होती है कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी कितने पैसे लगाने पड़ेंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अमेरिका uh, में क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हैं यूके में क्या प्लस माइनस पॉइंट्स हैं माइक्रो माइक्रोपीएल क्या है माइक्रो माइक्रोपीएल एसिड्स कैसे बनाए जा सकते हैं हम ये वाले पॉइंट डिस्कस कर लेंगे अः uh, उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे जो कि हमारा रैंकिंग का सब्जेक्ट होता है आमतौर पर रैंकिंग के लिए पक्षी मार्केटिंग आर्मी Uh, क्या है बेसिकली प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है आ, क्या रोल है प्रॉक्सी मार्केटिंग का फिर इसके अलावा वी वी आर ओ इसे कहते हैं आ, और रैंकिंग की बेसिक्स क्या है ठीक है ये वो सारे एरियाज हैं जो हम लोग कवर करेंगे लेकिन ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन से ज्यादा मैं बिजनेस बिल्ड करने की डिस्कशन ज्यादा करूंगा तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक लिस्ट बनाना लिस्ट को निकालना एफबीए शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट सोनी भाई ने तो दिखाई नहीं हमें वो एक्सपेक्ट नहीं करें वो गलत हो जाएगा वो आप किसी और से सीख लें जाके यूट्यूब से सीख लें पूरा यूट्यूब में फ्री कंटेंट भरा हुआ जाके किसी से भी सीख लें ठीक है मुझसे तो आप ये सीख लें बिजनेस कैसे खड़ा होगा इसका बीज कहाँ से लगेगा कैसे लगेगा छोटा सा पौधा कैसे बनेगा दरख कैसे बनेगा मेरा मिलियन डॉलर का एसेट मैं दस साल में मिलियन कैसे बनूंगा आप मुझसे ये सीख लें ठीक है चले स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर वन से इस वक्त कितने लोग हैं पांच हजार छह सौ लोग नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त साढ़े पांच पांच हजार छह सौ यानी ऑलमोस्ट जा रहे हैं पौने छह हजार लोग यूट्यूब और फेसबुक दोनों मिलाकर तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी आप लोग सारे आए यहां पे आ, और अपना तीन चार घंटे अपनी जिंदगी के लगाने जा रहे हैं आप लोग और really आई रियली को कोई रिटर्न मिले बाद में ठीक है सबसे पहले स्टेप Amazon का बिजनेस हम क्यों करें वाई Amazon हम बाकी बिजनेसेस जो बिल्ड करते हैं और Amazon के बिजनेस में प्राइमरी फर्क कहाँ पे आता है प्राइमरी फर्क मैं बता देता हूं आप लोगों को जो आइडिया था हमारा वो ये था कि हम एक महंगी जमीन में ट्रेडिंग का बिजनेस बिल्ड करें और पैसे सस्ती जमीन में लेकर आए जहां हम रह रहे हैं तो महंगी जमीन से कमाएं और सस्ती जमीन पे खर्चें महंगी जमीन से जब कमाएंगे सस्ती जमीन पे खर्चेंगे तो आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं आपकी सेविंग्स जब बढ़ेंगी तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपकी वेल्थ एडिशन होनी शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से हम अमेजोन के बिजनेस को पसंद करते हैं अच्छा ई कॉमर्स क्यों ट्रेडिंग क्यों बाकी बिजनेसेस क्यों नहीं आ, उसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग में सम हाउ समाउ ट्रेडिंग में ज्यादा बरकत नजर आती मुझे मुझे नहीं पता कैसे ट्रेडिंग मुझे जब लोग कहते हैं ना इनोवेशन करें अमेजोन सनी भाई आप अमेजोन क्यों नहीं बना लेते भाई मेरे बस की बात नहीं मैं नहीं बना सकता आई एम सॉरी Uh, मैं नहीं बना सकता अमेजॉन एमेजॉन जैसी कोई बिजनेस बनाने के लिए मुझे कोई चालीस पचास लाख लाख डॉलर से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले पांच मिलियन डॉलर से मैं स्टार्ट करूंगा उसके बाद मैं राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री में जाता रहूंगा हंड्रेड टू हंड्रेड मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी होती रहेंगी होते रहेंगे दस साल के बाद इस बिजनेस से प्रॉफिटेबल होना है कि जाके मैं नहीं करूंगा uh, मैं सबको एक ही बात कहता हूं कि इनोवेशन हमेशा अः uh, एक भरे हुए पेट का काम है जो बच्चे भरे हुए पेट के होते हैं उनको इकोसिस्टम में लाया जाता है उनको फंडिंग दी जाती है उन्हें दिए जाते हैं उन्हें एक इनवायरमेंट दी जाती है और भरे हुए पेट का बच्चा कोई ना चीज इनोवेट कर लेता है आप सुल्ताना से बेचारे भूखे नंगे बच्चे को लेकर आए बोले चलो बेटा गूगल डॉट कॉम में दिखाओ बोलेगा पहले पेट तो भर ले मेरा तो भूखे बच्चे को ट्रेडिंग सिखाई जाती है कि बेटा जाके ट्रेडिंग कर लो आप तो भूखे बच्चे को मैं बोलूं ये लो ये फूल है जाके बेच कर आओ किसी को वो बेचारा नंगा बच्चा गलियों में जाएगा किसी न किसी को दस रुपए का बेच कर आ जाएगा ट्रेडिंग आसान है ट्रेडिंग भूखे पेट का बच्चा ट्रेडिंग करके मिलियनर या बिलियनर बन सकता है लेकिन इनोवेशन डिफिकल्ट काम है हाँ अब आप कहते हैं जी एलन मार्स को बिल गेट ये लोग तो इन्होंने इनोवेशन क्यों की भाई वो अमेरिका में रहते हैं वो पानी भर भर के कई कई किलोमीटर जाते नहीं पानी भरने के लिए और घर में बिजली भी आती है उनके और वो उस इकोसिस्टम में रहते हैं जहाँ फंडिंग अवेलेबल है मेंटर्स अवेलेबल हैं तो अगर कोई उस इकोसिस्टम के अंदर जाके फंस गया तो वो कुछ ना कुछ बना के निकलता है वहां से और ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं मार्क जोकरबर्ग या बिल गेट सब ने हाफ मिलियन डॉलर मिलियन डॉलर की फंडिंग से स्टार्ट किए थे अपने बिजनेस तो इनकी एग्जाम्पल्स ना ले तो बेहतर है अच्छा चले ठीक है सनी भाई ये लॉजिक समझ आ गई अच्छा अब बताएं कि अमेजोन का अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या मॉडल्स हैं हमारे पास क्या क्या किया जा सकता है तो आइए सबसे पहले एमेजॉन की बात करने से पहले हम बात करते हैं दराज डॉट पीके की पाकिस्तान में क्यों ना बेचें आप बेचें पाकिस्तान में बिल्कुल बेचें लेकिन पहले आप पाकिस्तान की ई e कॉमर्स और दुनिया की ई e कॉमर्स का फर्क समझ लें पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट का साइज है वन बिलियन यूएस डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स की ई कॉमर्स मार्केट का साइज है साढ़े पांच सौ बिलियन यूएस डॉलर तो अब आप साढ़े पांच सौ बिलियन डॉलर की मार्केट में काम कर ले बिलियन डॉलर की मार्केट में काम कर ले आपकी मर्जी अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कौन सी मार्केट आपको पोटेंशियली मिलियनर बना सकती है सनी भाई तो मिलियन डॉलर की बातें करते हैं हर बात हमारे यहाँ पेट भर नहीं रहा हमारा सनी भाई से बात सुनो मिलियन डॉलर की बात कर रहे होते हैं देखिए सोच लें आप मैं ये नहीं कह रहा आप कल मिलियनर बन जाएंगे सोच तो लें बात। एक बार एक बार दिमाग में कीड़ा तो ले आए कि मुझे मिलियनर बनना है मुझे वन मिलियन यूएस डॉलर बनाना है सोच तो लें दस साल के बाद बन ही जाएंगे आपके भी आज सोचेंगे दस साल के बाद बन जाएंगे तो पोटेंशियली अगर मैं ये टारगेट रखता हूँ जी मैंने मिलियन डॉलर बनाना है तो छोटी मार्केट एक बिलियन डॉलर की मार्केट पोटेंशियली क्या आपको मिलियन बना सकती हाँ कुछ लोग तो बन जाएंगे ज्यादा नहीं बन पाएंगे कुछ बन जाएंगे अच्छा एक बड़ी मार्केट साढ़े पांच सौ बिलियन डॉलर की मार्केट क्या वो मुझे मिलियन बना सकती है हाँ उसमें ज्यादा मिलियन बनेंगे इसमें कम मिलियन बनते हैं पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को तो आपकी मर्जी मैं दराज बेचने से बिल्कुल माना नहीं करता किसी को इनफैक्ट मैं तो कहता हूं दराज पे जाएं अपने माइक्रो पीएल एसिड्स बनाएं दराज को मैं माइक्रो पीएल एसिड्स के लिए कंसिडर करता हूँ कि हाँ यहाँ माइक्रोपियल बनाए जा सकते हैं सऊदी अरब के अंदर नून पे माइक्रो पीएल एसिड्स बन सकते mm. हैं एमेजोन पे माइक्रो पीएल एसिड बनेंगे दुबई में माइक्रो पीएल एसिड्स बनाए जा सकते हैं मलेशिया के अंदर के ऊपर माइक्रो पीएल एसिड बन सकते हैं लजादा पे माइक्रो पीएल एसिड बनाए जा सकते हैं माइक्रो पीएल एसिड्स क्या है डॉलर की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें पांच सौ छे सौ सात सौ आठ सौ डॉलर महीने का रिटर्न आ जाएगा आपका इतने वैसे तो मनी जाएंगे ये एक लिस्ट की बात बात कर कर रहा हूं आप दो लें चलें कोई नहीं तीन कर लें आप पंद्रह हजार डॉलर की मैंने इन्वेस्टमेंट की और मैंने तीन टॉप की हाई वॉल्यूम की प्रोडक्ट उठाई जो उन मार्केट में हाई वॉल्यूम है लेकिन इस मार्केट में हाई वॉल्यूम नहीं है लेकिन मैंने वो प्रोडक्ट उठाई और मैंने उसकी लिस्ट बनाई

परेशानी होगा जी सनी की नदियों की बात कर रहे हैं हमारी टर्म्स है इंग्लिश में ब्लीडिंग कहते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मार्केटिंग का बजट इतना ज्यादा होता है हम लोगों का अमेरिका के अंदर कि दस हजार बारह हजार डॉलर ब्लीडिंग का बजट होता है जिसमें हम लोगों को कहते हैं आओ मुझे लूट लो ये मेरी प्रोडक्ट है मुफ्त में ले लो मुझसे मुफ्त में ले लो जाके खरीदो और ये लो पेपल में पीछे से खमोशीज में आपको ये पैसे दे रहा हूं बताना नहीं किसी को

स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट अप्रूवल के प्रोसेस बन रहे हैं इसी के अंदर और वो डिटेल्स आप लोगों के पास आ जाएंगे अच्छा जी अभी हो गए हैं साढ़े छ हजार में साढ़े छे हजार आए जा रहे हैं लोग तो पिछले जो सेशन है अब आप लोगों को मेरा खाली रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आप लोग थोड़ा बाद में पिछली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ठीक है अच्छा जी अब तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बिलियन डॉलर की मार्केट है मलेशिया जो है वो पांच बिलियन डॉलर की मार्केट है यू ए पांच छह बिलियन डॉलर की मार्केट है अमेरिका साढ़े पांच सौ बिलियन डॉलर की मार्केट है यूके जो है वो रफली रफली पचास बिलियन डॉलर की मार्केट है सॉरी हंड्रेड बिलियन डॉलर की मार्केट है अब वो हम हम उन मार्केट्स में जाए या छोटी मार्केट्स में जाए आपकी मर्जी छोटा बजट है छोटी मार्केट में चले जाएं बड़ा बजट है बड़ी मार्केट में चले जाएं मिलियन डॉलर बनाना है उस सालों में बनाना है बड़ी मार्केटें बना सकती हैं और आप बन भी जाएंगे पॉइंट क्लियर हो गया नेक्स्ट पॉइंट मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करता हूं मैंने आज से 12 साल पहले स्टार्ट किया था और मैं उस दौर में वेबसाइटों पर बेचता था मुझे याद है 2010 में, में मेरी एक वेबसाइट होती थी और उस पर हम लोग क्वांटम पेंडेंट्स बेचा करते थे वो ज्वेलरी होती है ना क्वांटम पेंडेंट पहन ले दादियाँ मोड़ना शुरू हो जाएंगी दौड़ना शुरू हो जाएंगी वो कोई मैग्नेटिक कोई ताकत आ जाएगी दादी अम्मा के अंदर वो वाले पेंडेंट्स होते थे इफेक्ट था पता नहीं क्या था लोग बड़े शौक से उसको यूज किया करते थे मैं वो बेचता था वेबसाइट पे बेचता था पचास हजार डॉलर महीने की मेरी सेल होती थी वो बहुत अच्छा जमाना था बड़ा वैसे जबरदस्त जमाना था लोग गूगल पे जाया करते थे उस दौर में गूगल डॉट कॉम पे जाके टाइप करते थे क्वांटम पेंडेंट और हमने seo ऑप्टिमाइजेशन की होती थी और हमारी वेबसाइट जो है वो नंबर 1 स्पॉट पे लोगों को नजर आती थी लोग उस पे क्लिक करके आते थे खरीद के चले जाते थे तो वो जमाना था जब वेबसाइटों पे सामान बिका करता था लोग वेबसाइटों पे गूगल पे सर्च करके जाते थे वेबसाइटों पे जाके खरीदा करते थे और वो जमाना खत्म हो गया खत्म हो गया वो जमाना 2011 में ये 2000 हां 2000 दस ग्यारह ही की, दस ग्यारह ग्यारह का टाइम होगा मैंने उसकी डिक्लाइन देख लिया था उसका मैंने देख लिया था उसका तो लकीली मैंने 2010 में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मैंने 2010 में ही ebay.com, amazon.com सारे अकाउंट बनाने शुरू कर दिए थे और उस दौर में ही मैंने अमेजोन ई बे के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्टें भी कर दी थी मुझे नहीं पता था ये ई बे डॉट कॉम एमेजो कितनी सेल हो जाएगी क्या हो जाएगा मैं तो खुद ई कॉमर्स बिजनेस में 2009 में मैंने पहली बार स्टार्ट किया था और मैंने दुनिया जहान के ऑनलाइन बिजनेस ट्राई किए मैंने मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था उस वक्त मलेशिया ट्रांसफर हुआ था मैं दो की अपनी बैंक से फारिग होकर निकला था ऑस्ट्रेलिया से और वो मैंने कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए अब तो मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा आप लोग कभी गूगल कीजिएगा की ट्वेंटी के के की थी वो अब वो मेरी थी बेसिकली मेलबर्न बेस्ड था और वो बैंक हो गई क्यों टू का फाइनेंशियल क्राइसिस ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स ने हाथ खड़े कर दिए सबने हाथ खड़े कर दिए

मेरा पहला मिलियन डॉलर बनाते बनाते मेरी लाइफ का अच्छा खासा टाइम लग गया 2017 में के जाके बने मेरे तो मेरे 2016-2017 के दरमियान तो वो आ, हो तो गया लेकिन बहुत पेनफुल वक्त गुजारा मैंने उसका तो मुझे ये एक एक तो फैंटेसी थी मेरी कि मुझे आ, सस्ती जमीन पर रह के महंगी जमीन से कमाना है ताकि मेरे खर्चे कम हो तो जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन बिजनेस ही करना था अच्छा मैं नया नया आया मलेशिया मैं सबसे पहले ये flipa.com डॉट कॉम के ऊपर मैंने जाके खरीदने शुरू कर दिए मैंने कमिशन की वेबसाइटें खरीदी मैंने उस दौर में गूगल एडवर्ड्स का गूगल एडसेंस का बिजनेस होता था मैंने वो साइटें खरीदनी शुरू कर दी मैंने कुछ उस दौर में एक्स कॉमर्स के ओस्ट कॉमर्स औस कॉमर्स के कुछ स्टोर्स होते थे मैंने वो स्टोर्स खरीदने शुरू कर दिए वहां से भी लर्न करना शुरू कर कभी पेपल सस्पेंड कभी गूगल सस्पेंड कभी, ये कभी वो मेरा ना ईबे रहा ना एमेजोन रहा ना पेपल रहा ना गूगल रहा वन वन थक बना बना के, बना बना के गया पूरे खानदान के नाम के आ, मैंने अकाउंट बना दिए मैंने उसमें कुल लगा दिए मेरा ख्याल दो दो तीन लाख डॉलर लगा दिया मैंने सारे तजर्बों के अंदर इन सारे तजर्बों के करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ की ये जो एफिलियट और जो कमीशन रिलेटेड जो वेबसाइट है सारी हवाई इनकम है मैं एक बंदे से वेबसाइट खरीदता हूं और पता नहीं उसने क्या किया था कि वो चल रही थी चार सौ पांच सौ डॉलर महीने की सेल आ रही थी मैंने उससे पंद्रह हजार डॉलर में वेबसाइट खरीद ली मेरे पास आती सेल डिक्लाइन हो जाती है उनकी तो समथिंग स्ट्रॉन्ग तो मैं करता रहा करता रहा मैंने काफी एसेट्स खरीदे बेचे आ, मेरे गूगल एडसेंस के उस दौर में मुझे याद है दस हजार डॉलर आता था, था मेरा महीने का आ रहा था बहुत सारी वेबसाइट इतनी वेबसाइटें थी इतनी थी इतनी थी वो मुझे खुद याद नहीं कितनी है मेरे पास लेकिन इतना याद है कि दस हजार डॉलर तक मैं पहुंच गया था ई e कॉमर्स में मैंने नोट किया कि ये सही बिजनेस लग रहा है उसकी वजह यह है कि फिजिकली सामान खरीदो सामान बेचो और शिप कर दो ये बिजनेस क्या तक चलता रहेगा ये चलता रहेगा क्योंकि ये फिजिकल बिजनेस है इसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो चलो इस बिजनेस में काम करते हैं फिर मैं एक्सपेंड करना शुरू किया की की तरफ गया, की तरफ गया गया और मैंने वहां से बिजनेस स्टार्ट कर दिया और लकीली मैंने सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया क्योंकि वेबसाइटों की सेले वक्के साथ नीचे, नीचे 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 तो हुआ ये था कि आज आप में से जो लोग ये फैंटेसी रखते हैं कि हम भी वेबसाइट पर वे बिजनेस करेंगे आप लोग इस चीज को जेहन में रख लें। वेबसाइट है, है लेकिन आईफोन अलेवन लोग। लोग और, और किसी वेबसाइट से खरीद लेते हैं कितने लोग जाते हैं पंद्रह से बीस परसेंट लोग सेवन परसेंट लोग गूगल डॉट कॉम पर जाकर टाइप करेंगे और बाकी की जो परसेंटेज है वो फेसबुक से कोई ना कोई एड क्लिक करके उस वेबसाइट पे या उस पेज पे या उस शॉपिफाई के स्टोर पे चले जाते हैं ये ट्रैफिक है 15 से बीस यूनाइटेड स्टेट्स में कितने लोग हैं जो वॉलमार्ट डॉट कॉम पर जाके टाइप करेंगे वहां से कुछ खरीद लेंगे थ्री पॉइंट फाइव परसेंट कितने लोग हैं जो एमेजॉन डॉट कॉम पर जाएंगे वहां पर आई इलेवन टाइप करके खरीद लेंगे किसी से 57% जो कि इस साल 66% के पास चला गया है तो कोरोना की वजह से और ये जो भी मसाइल आए हैं तो अमेजॉन की ट्रैफिक पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब 66% अमेरिकन कंज्यूमर ई कॉमर्स का जो बायर है वो इस वक्त अमेजॉन डॉट कॉम से जाके खरीद रहा है तो अमेजोन इतना ह्यूज है तो अब आपकी मर्जी आप छोटी मार्केट प्लेस में चले जाएं और मिलियना बनने की कोशिश करें या एक बड़ी मार्केट प्लेस में चले जाएं और मिलियनर बनने की कोशिश करें मैं आपसे ये नहीं कह रहा मिलियनर बन जाएंगे मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोशिश करें शायद दस साल में बन जाए लॉजिकली सोचें आपको कहां जाना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी मंडी में जाना चाहिए या दुनिया की सबसे छोटी मंडी में जाना चाहिए बड़ी मंडी आपको मिलियन बना बना सकती है पोटेंशियल रखती है या छोटी मंडी रखती है ये अब आप लोग डिसाइड कर लें ठीक है चलें तो हमने सबने मिल के डिसाइड किया कि हाँ ये बात तो सही है बात तो ठीक है कि अमेजोन डॉट कॉम चूंकि बहुत बड़ा है उसका मार्केट शेयर इतना ज्यादा है तो चलो वहां पे चले जाते हैं वहां बायर भी बहुत है तो अगर मैं मैंने बिजनेस ईबे पे भी कर दिया वेबसाइट पे भी कर दिया अमेजोन पे भी कर दिया और मुझे हर जगह से ऑर्डर आने शुरू हो जाए और मेरे दिन के सौ ऑर्डर आते हैं तो समझ जाए कि सिक्सटी आपके अमेजोन से आ रहे हैं और सेवन ऑर्डर्स आपके ई से आ रहे हैं तीन आपके डेली जो है वॉलमार्ट से आ जाएंगे बाकी के पंद्रह या बीस आपकी वेबसाइट से आ जाएंगे ये हो गया ब्रेकडाउन ये क्लैरिटी आ गई आप लोगों के पास अच्छा अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया हाँ अमेजोन तो वाकई बहुत बड़ा है वो जो फेंटेसी थी ना कि वेबसाइट बनाएंगे वेबसाइट पे बेचेंगे वो भी अपनी जगह मैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें आप लोग वेबसाइट वाला भी आइडिया बुरा नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है उसमें इन्वेस्टमेंट अमेजॉन जितनी है नहीं असल में तो जिसकी वजह से मैं उसको डिस्करेज भी नहीं कर सकता कि नई नई वेबसाइट छोड़ दें बात वहीं घूम फिर के आ जाएगी मिलियन डॉलर का चांस लेना है भाई अमेजॉन की तरफ चले जाएं अगर आपने बड़ी गेम खेलनी है छोटी गेम खेलनी है आप शॉपिफाई की तरफ चले जाएं वेबसाइट की तरफ चले जाएं वहां आप ये काम कर लें आपकी मर्जी अब आप आ जाइए नेक्स्ट स्टेप हमने डिसाइड कर लिया जी अमेजॉन जाने आप में से कितने लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है हमें अमेजोन की तरफ जाना चाहिए इसलिए कि बहुत बड़ी मार्केट है तो। वो इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी है है कि चलो वहां हमारा कुछ चांस है कुछ बनने का और मजे की बात है कि जितना अमेजोन एक साल में बेच देता सौ बिलियन यूएस डॉलर हमारा पूरा मुल्क पाकिस्तान इतना नहीं बेच सकता दो सौ मिलियन लोग मिलकर इतना नहीं बेचते जितना वो अकेली एक ही कंपनी बेच देती है वो इतना बड़ा है वो तो चांस है हाँ मेरा चांस है मुझे लगता है कि मेरा कुछ बन सकता है इसके ऊपर अब आइए सेकंड स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या किया मैंने 2010 में जब स्टार्ट किया था अमेजॉन और ईबे मुझसे मिस्टेक असल मुझसे जो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी लाइफ में जो हुई है मैं मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा अलमिया राय से जो लोग आप में से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरी वीडियोस देखते हैं आप लोग सनी अली डॉट कॉम स्लैश वी वी आई वी ये वाजिब है ये वाजिब है आप एमेजॉन बिजनेस करें या ना करें वीडियो जरूर देख लीजिएगा सनी अली डॉट कॉम स्लैश वी वी आई वी अगर आप लोग ये वीडियोस देख लें तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा जिंदगी को जिस एंगल से देख रहे थे उसका तरीका बदल जाएगा बिजनेस जो करने जा रहे थे हो सकता है आप वो करें ना आपकी सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो बजाय ये कि जिंदगी के दस साल के साल बाद आप बजाइए देख लें आप चालीस के देख लें आपको पता लग जाएगा वो हो पिछले बीस साल में क्या कर दिया मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने देख लें एक बार जरूर देख लें मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा मैं बड़ा महान इंसान हूं मैं तो दुनिया का सबसे सब सब सताया हुआ इंसान बेसिकली इतनी मार खाई है मैंने इतनी मार खाई है इतनी मार खाई है बड़ी मुश्किलों से तो मेरा मिलियन डॉलर बना है बड़ी मुश्किल से तो बना है मेरा तो देख लें वैसे एक बार आप लोग वीवीआईवी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं आप लोग लाइफ में तो दुनिया का सताया हुआ मारा हुआ इंसान आपको बता रहा है कि मैंने कहां कहां गलतियां की हैं तो ये गलतियां आप लोग मत कीजिएगा मुझसे गलती क्या हुई मुझसे गलती ये हुई कि मैं था बहुत ही कोई एग्रेसिव बिजनेसमैन इतना एग्रेसिव इतना एग्रेसिव आ, मैंने जब स्टार्ट किया और मुझे समझ आ गया हाँ ये इसे कहते हैं बिजनेस ये बिजनेस बड़े पैसे बन सकते हैं यहाँ पे तो मैंने स्टार्ट कर दिया अमेजोन ई वेबसाइट मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की कि मैंने दुनिया की हर मार्केट प्लेस में अकाउंट खोल लिया और उस दौर में मैं ये पेंडेंट्स वगैरह के अलावा जो मैंने कोई नई चीज जो बेचनी थी बेचनी शुरू की वो थी लेदर जैकेट्स कराची वालों के हैं कुछ मसाइल तो हैं ऑफ कोर्स कराची में जो भी ई कॉमर्स बिजनेस करता है वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है लेदर जैकेट आप कभी कराची जाके देख लें किसी से भी मिले ई कॉमर्स बिजनेस क्या बेचते हैं लेदर जैकेट्स हर बंदे की दो मशीनें लगी हुई हैं दो उसके कारीगर बैठे हुए हैं और वो एक्समैन और सुपरमैन और स्पाइडरमैन ही बेच रहा है सारा ठीक है अच्छा पाकिस्तान के हर शहर का एक मसला है बेसिकली फैसलाबाद वाले में किसी से जाके वो तोलिए तोलिया बेचना है बस वो तोलिये से नहीं आ रहा बेसिकली वजीराबाद वालों से जाके मिले वो छुड़ियों से बाहर नहीं आ रहे वो उनके दिमाग में छुड़िया बैठी हुई कुछ भी हो जाए छुरी बेच रही है हमने तो वो हर शहर का एक मसला है पाकिस्तान में हर शहर के लोग अपनी ही नीच के अंदर बैठे हुए हैं उस नीच में घुन चक्कर के अंदर घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा, जा रहे हैं निकल नहीं रहा उस लूप से कोई बाहर नहीं निकल रहा तीन साल पहले 2017 में मैंने ये स्टार्ट किया था और लोगों को मैंने बताना शुरू किया बहुत मुश्किल से लोग मेरी बात माने बड़ी मुश्किल से माने अब तो खैर मेरी एक आवाज के ऊपर पूरी कौम खड़ी हो जाती है कि जी ठीक है अब यही काम करना हम लोगों ने तीन साल पहले बड़ा मुझे गालियां पड़ती थी लोग मुझे छोड़ते नहीं थे कहते थे कौन सा फ्रॉड कौन सा स्कैमर आ गया पाकिस्तान में कौन सा अमेजोन कौन सा पेपैल कौन सी बातें कर रहे क्या है ये प्राइवेट लेबल खैर बहुत सुनी है मैंने 2017 में फिर 2018 फिर 2019 अब ये 2020 हो चुकी है अच्छा चलिए खैर मैं उस पॉइंट पे वापस आता हूँ मैंने लेदर जैकेट बेचनी शुरू की ईबे के ऊपर लिस्ट कर दी मैंने फिलिपींस के अंदर सोलित के ऊपर डॉट

मैंने उनसे कहा कि सो मार्केटों में सो दुकानें होनी चाहिए आपकी और हर दुकान में आपकी सो प्रोडक्ट होने आप मिलियन बन जाएंगे अबू बेचारे हमारे कहते थे अच्छा बेटा चलो बड़ी अच्छी बात है दिखाओ कैसे होता है मिलियन डॉलर बनाना दूर की बात है मिलियन डॉलर बर्बाद कर दिया मैंने इन सारे तजर्मों के अंदर एक टका नहीं बना मेरा दो बार मैं बैंकल्ट दो हजार नौ जब से मैंने मलेशिया से स्टार्ट किया है 2009 से लेके 2015 तक दो बार बैंक हुआ दो हजार में हुआ ग्यारह बारह के दरमियान हुआ और पंद्रह में हुआ पैसे नहीं बनते थे पैसे नहीं बनते हैं काश पैसे बनाना इतना आसान होता आप लोग बहुत लकी हैं आप लोग बहुत लकी हैं बहुत लकी हैं आप लोग कोई चीख चीख के आपको बता रहा है ये गलत है ये गलत है ये गलत है ये भी नहीं चलने वाला ये भी नहीं होने वाला ये भी बकवास है ये भी बकवास ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो ये, ये है राइट तरीका ये है राइट तरीका इसको फॉलो करो ये हो जाएगा इसको फॉलो करो ये हो जाएगा बहुत लकी हैं आप लोग मेरी किस्मत ही फूटी हुई थी इसलिए कि मैं अपने आप को बड़ा महान समझा करता था हाई इंटेलेक्ट लोगों के कुछ मसाइल होते हैं बहुत हाई इंटेलेक्ट लोग होते हैं वो समझते हैं कि बहुत महान इंसान है बेवकूफ होते हैं हाई इंटेलेक्ट लोग असल में मेरी वीडियो दिखिएगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ किसे कहते हैं हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ इंसान की क्या पहचान होती है वीडियो देखिएगा अच्छा चलें दोबारा आते हैं उस पॉइंट में मैंने जैकेटें बेचनी शुरू की मैंने अपने सारे दोस्तों को लगा दिया पाकिस्तान में मैंने सारे दोस्तों को कहा कि मिलियन डॉलर बनाने का फॉर्मूला आ गया मेरे पास शुरू हो जाओ सारे जैकेटें बेचने इसे कहते हैं बिजनेस मेरे दोस्त भी बड़े खुश सबने लेदर जैकेट बेचने शुरू कर दिए मैंने अपने बहुत दोस्तों को लेदर जैकेट पे लगा दिया मजे की बात है वो आज तक लेदर जैकेट बेच रहे हैं वो कहते हैं क्या बिजनेस है? दो हजार डॉलर महीने का बनता है मेरा तीन हजार डॉलर बन जाता है मैं पाकिस्तान में रहता हूँ कराची में रहता हूँ क्या बिजनेस है वो बहुत खुश है आ, मैं मूव ऑन करता गया नए नए मॉडल्स पे आता गया आता गया जम्प करता गया करता गया करता गया करता गया वो बहुत खुश हैं, वो आज भी लेदर जैकेट ही बेचते हैं ठीक है मैंने रियलाइज किया मुझसे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई दुनिया जहान की मार्केट प्लेस में जब मैंने अकाउंट्स खोले तो फैंटेसी फैंटेसी में हवाओं में उड़ा करता था मैं कहता था कि जब कोई लोग मुझसे पूछते थे कि क्या बिजनेस है आपका तो मैं कहता था फिलीपींस में, में मेरा ऑफिस है लंदन में है जापान में है पाकिस्तान में है इंडोनेशिया में है मलेशिया में है लोग कहते थे सुबहान अल्लाह क्या बिजनेस है आपका क्या इंसान है आप दुनिया जहान में बिजनेसिस आपके मैं कहता हूँ जी बिल्कुल क्या बिजनेस है पता लग रहा है बिजनेस करता था मैं तो दिल को खुशी होती थी जब लोग सल्यूट करते थे बहुत सारे और बॉस भी सोचता था यार पैसे कब बनेंगे मेरे पैसे नहीं बनते थे मेरे दुनिया जहान में मैंने पंगे ले लिए फिलीपींस में मैंने जाके ओटिगा में जाके ऑफिस खोल लिया आ, वहां पे मेरा स्टाफ बैठा हुआ काम कर रहा है पांच पांच सौ डॉलर सैलरिया जा रही है सबकी मलेशिया में ऑफिस है मेरा रकुतन के लिए मैंने जैपनीज लड़की हायर की जो सिर्फ रकुतन संभालती थी मैंने इंग्लैंड में ऑफिस खोल लिया मैंने दुनिया जहान में ऑफिस खोल लिए मैं ये समझता था कि मिलियन डॉलर ऐसे बनेगा मेरा बेवकूफ हैं वो लोग जो दुनिया जहान में बिजनेस करते हैं आज मुझे कोई बोल देना अगर कोई शख्स बोल दे कि सनी भाई हम तो पूरी दुनिया में हमारे ऑफिस मैं दिल में कहता हूँ बेचारा बेचारे का क्या इसके दिल में क्या बीती होगी बेचारा जब रात को सोता होगा बेचारा क्या सोचता होगा मेरा क्या गया मेरे क्या होगा मेरा इसलिए कि जब मुझे आज कोई शख्स ये बोलता है ना कि जी क्या बिजनेस है मेरा चाइना में भी ऑफिस है इधर भी ऑफिस है उधर भी ऑफिस है उधर भी ऑफिस है पूरी दुनिया में मेरे ऑफिस हैं और मैं बस अभी आ रहा हूँ आपने नोट किया होगा अक्सर लोगों से मिले होंगे आप जी कहा से, से आ रहे हैं जी चाइना से आ रहे हैं क्या करने गए थे चाइना क्लाइंट से मिलने गए थे क्या बिजनेस है आपका चाइना में क्लाइंट से मिलने गए थे आप बेचारा खलाकन चला गया था चाइना

इन बेचारों से कभी जाके पूछो भाई कितने पैसे हैं आपकी जेब में बैंक अकाउंट खाली मिलेगा आपको इनका मेरा कभी बैंक अकाउंट में जिंदगी में पैसे नहीं होते थे मेरे ट्रैवलिंग बड़ी करता था था मैं मैं बिजनेस वैसे बड़ा जबरदस्त मेरा मैं पूरे यूरोप में घूमता था पूरी दुनिया घूमता था जहाज में रहता था बी एमडब्ल्यू चलाता था पता लगता था कि बिजनेस हो रहा है पता लगता था बिजनेस मैन हूं मैं बैंक अकाउंट खाली होता था समझ में नहीं आता था पैसे क्यों नहीं बनते मेरे तो फेंटेसी से बाहर आ जाइए अगर आपकी पैसे नहीं बनते तो मुंह पे बोले मेरे पैसे नहीं बनते मुझे बताएं मैं कहाँ गलती कर रहा हूं किसी तजर्बाकार इंसान से मशवरा ले लें इमाम अली का कॉल है कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवरा तीन जवानों के बाजुओं से ज्यादा भारी होता है किसी तजर्बाकार इंसान से जाके सीख लें यूट्यूब से नॉलेज सीख सकते हैं तजर्बा नहीं सीख सकते किसी इंसान का आप बेवकूफ हैं वो लोग जो कहते हैं यूट्यूब से सीख लो क्या ये अमेजोन सीखना है भाई सही तो कह रहे हैं यूट्यूब से सीखें आप जाके मुझसे तो आप जिंदगी का तजर्बा सीख लें यूट्यूब छोड़ दें जाए यूट्यूब से सीखें मैं अमेजॉन ही सिखाऊंगा आप लोगों को तजर्बा सिखाऊंगा मैं आप लोगों को ठीक है अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर साढ़े सात हजार लोग हुए हैं। अच्छा जी अब वो लोग आ रहे हैं आ, बढ़ते जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है अब ये साढ़े सात हजार लोग काफी आप लोगों को मेरा ख्याल है रिवाइंड करके दोबारा शुरू से देखने होंगे जो नए आने वाले हैं अच्छा चलें अब हम बात करते हैं कि मॉडल मॉडल क्या है मॉडल को कैसे फिक्स किया जाए मैं ये सब करता रहा करता रहा करता रहा और मैं सेकेंड मिस्टेक बता देता हूँ आप लोगों को अपनी तो एक मिस्टेक मैंने ये की तो मैंने दुनिया जहान की दुकानें खोल ली जाके फिलीपींस इंडोनेशिया मलेशिया सारे मुल्कों में मैं ये समझ रहा था कि दुकान है पूरी दुनिया में लेदर जैकेट्स मैंने लिस्ट कर दें मेरे फिलीपींस से भी आ जाते थे ऑर्डर्स बड़े और वैसे ऑर्डर्स बड़े आते थे मैं जब दिन के देखता था दिन की दस जैकेटें पंद्रह जैकेटें बिक रही हैं क्या बिजनेस है पता लग रहा है पांच सौ जैकेटें बिक गई हैं आपकी महीने की कभी एक हजार बिक गई कभी पांच सौ बिक गई मसला यह था कि फिलीपींस से पंद्रह ऑर्डर आते थे पूरे महीने के अंदर इंडोनेशिया से भी पंद्रह आ, जा, आ जाते थे पाकिस्तान से इंडोनेशिया शिप कर रहे हैं फिलीपींस शिप कर रहे हैं कस्टम ड्यूटी में जाकर फंस जाते थे बाहर कहता था ये क्या मुसीबत है मैं नेगेटिव फीडबैक डाल दूंगा कहते थे कोई बात नहीं जो कस्टम ड्यूटी की फीस होगी हमें बता देना हम पे कर देंगे तो सारा दिन ये आग से खेलते रहते थे सारा दिन हम बायर्स के चिक, चिक 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 में ही लगे रहते थे सारा दिन हमारा गुजर जाता था इन बायर्स को हैंडल करते करते कभी ये बायर तंग कर रहा है कभी ये बायर तंग कर रहा है कभी ये बायर तंग कर रहा है इटली में हमने बेचना शुरू किया ईबे के ऊपर भी अमेजोन के ऊपर भी हमने कॉफी बेचनी शुरू कर दी मुझे कॉफियां मिल गई बहुत सारी उस दौर में ऑर्गेनो गोल्ड कॉफी आती थी एम

तो मैं चाहता था कि जब मैं अमेजन यूके में बेच रहा हूं तो मैं कहता था इंटरनेशनल शिपिंग अवेलेबल पूरी दुनिया से कहीं से भी ऑर्डर कर दो आप घाना ऑर्डर करेंगे हम घाना शिप करेंगे सऊदीया से करेंगे हम सऊदीया भी शिप कर देंगे आप फिलीपींस से करेंगे को कोई बात नहीं हम फिलीपींस से शिप कर देंगे पूरी दुनिया का पंगा ले लिया हम लोगों ने बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माइ लाइफ कि ऑर्डर ना निकल जाए मेरे हाथ से ऑर्डर ना निकल जाए ऑर्डर ना निकल जाए ऑर्डर ना निकल जाए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आज मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट उठाओ और एक दुकान लगा के बैठ जो एक ही प्रोडक्ट लगा के बैठ जो एक प्रोडक्ट एक दुकान आपको मिलियन बना देगी एक प्रोडक्ट एक दुकान और ऐसी एक नहीं मेरे पास इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं इतनी सारी एग्जाम्पल हैं एक प्रोडक्ट बंदे को मिलियन बना देती है बेवकूफ है वो लोग जो सौ प्रोडक्ट्स लगा देते हैं सो दुकानें खोल देते हैं सनी भाई हम तो अमेजोन जर्मनी में बिजनेस करते हैं आपको तो हम तो अमेजोन जापान में भी करते हैं हमारा वहां भी बड़ा सेटअप चल रहा है अच्छा सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे कोई इंग्लैंड से फोन कर देना स्टूडेंट को नया नया आ जाए आ, मैं उससे पूछता हूँ हाँ जी उम्र क्या है सनी भाई सत्ताईस साल मैं समझ जाता हूँ बेचारे की बड़ी खतरनाक उम्र है यही तो उम्र है गलतियां करने की यही तो उम्र है अच्छा जी क्या करते हैं आप जी क्या बिजनेस है वैसे सनी भाई मेरा हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है अच्छा जी कितना बेचते हैं महीने का सनी भाई ढाई लाख पाउंड तीन लाख पाउंड महीने की सेल है मेरी वाह जबरदस्त कितने ऑर्डर दिन के आते हैं ढाई सौ तीन सौ अच्छा आ, कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास आप बहुत प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कम से कम मेरे पास पचास साठ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बेचता हूँ अच्छा आप ये बताएं कि आपकी जो पचास साठ प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हैं इस वक्त आपका कोई वेयर हाउस है जी सनी भाई बहुत बड़ा वेयर हाउस है पता लगता है वेयर हाउस है

आप जो इस वक्त जिंदगी में जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं या जो कर रहे हैं सब कर चुका हूं सब कुछ कर चुका हूं एक टका नहीं बनता इन लोगों का एक सेंट बनता है वेयर जिनके बड़े बड़े हाउस होते हैं पांच पांच इंप्लाइज होते हैं और फोकलिफ्ट चलती है वेयर हाउस के अंदर पता लगता है बिजनेस हो रहा है वेयर हाउस जाते हैं तो फोकलिफ्ट घूम रही होती है इंप्लॉयज घूम रहे होते हैं पता लगता है जी बॉस आया है ये लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं आमतौर पे एंटी

पैसे नहीं बनते बस मेरे समझ में नहीं आती क्यों नहीं बनते पैसे मेरे। इसलिए और पचास साठ सत्तर प्रोडक्ट्स डाल देंगे तो कद्दू पैसे बनेंगे आपके हा आप पैसे नहीं बनेंगे अच्छा बनते बनते पते कितने हैं वही दस हजार डॉलर महीने का बन जाता है मेरे भी बनते थे दस हजार बारह हजार डॉलर तो मेरे वैसे ही बन जाते थे महीने के घर तो चलता नहीं था उससे मेरा खर्चे पूरे नहीं होते थे मेरे पूरी दुनिया में उड़ता ही रहता था पैसे नहीं बनते तो बिजनेस मैंने तो जिंदगी में यही सीखा है कि बिजनेस हो तो ऐसा हो कि बस एक ही प्रोडक्ट हो एक ही अकाउंट हो और डेली के उसी की तीन सौ ऑर्डर आ जाए बजाय कि मैं कोई तीन सौ प्रोडक्ट रख के तीन सौ ऑर्डर दिन के लूं एक ही प्रोडक्ट मेरे दिन के तीन सौ ऑर्डर दे दे अगर तो मसला नहीं हल हो गया मेरा अच्छा वेयर हाउस क्यों ले रहे हैं वेयर हाउस लेके पांच इंप्लॉइज डाल के फोर्कलिफ्ट जब आप लगाएंगे उसके अंदर कैसे बनेंगे पैसे आपके नहीं बनने वाले नहीं बनने वाले अच्छा जब मैं बोलूँ ना नहीं बनने वाले समझ नाइन्टी परसेंट के नहीं बनने वाले दस परसेंट एक्सेप्शन दुनिया की हर कॉम हर रेस हर नीच हर जगह मिलेगी आपको दस परसेंट लोगों के बनते भी होंगे नब्बे नहीं बनते पैसे बनेंगे भी नहीं पॉसिबल नहीं है तो अब तो फिर मॉडल क्या होना चाहिए सेकेंड मिस्टेक आपको बताता हैं ये तो एक समझ आ गई आप लोगों की आपको समझ आ गया मैंने कहा मिस्टेक्स की वेयर हाउसे दुनिया जहान के पंगे दुनिया जहान में ऑफिस दुनिया जहान में इंप्लॉइज सेकेंड मिस्टेक मुझसे ये हुई इंटेलिजेंस ले डूबी मेरी मुझे हाई इंटेलेक्ट, इतना कोई हाई इंटेलेक्ट, हाई इंटेलेक्ट लोग तो पैसे बना ही नहीं सकते अब बहुत सारे हाई इंटेलेक्ट नाराज हो जाएंगे मुझसे वो अक्सर देखें औरतें मुझसे नाराज हैं बाबे मुझसे नाराज हैं हाई इंटेलेक्ट मुझसे नाराज हैं सारे नाराज रहते हैं मुझसे एक बात आप लोग समझ समझें मैं जब बोलू ना कि नहीं बनने वाले नाइंटी परसेंट लोगों पर मेरी थ्योरी अप्लाई हो जाती है दस परसेंट नहीं होती दस परसेंट एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगी मेरी ही फीमेल स्टूडेंट्स मिलेंगी आपको जिन्होंने बड़े बड़े एसेट्स बना लिए हैं वो दस परसेंट में आती है आ, मेरे पास बबे हैं मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं पचास साल के हैं साठ साल के हैं उन्होंने बड़े बड़े एसेट्स बना लिए हैं मेरी हर थ्योरी 90 परसेंट पे अप्लाई होती है 10 परसेंट में नहीं होती है अगर आप समझते हैं जी सनी भाई हमें बाबा कहते हैं और कहते हैं जी मारा कुछ नहीं होने वाला अगर आप दस परसेंट में आते हैं आपका कुछ हो जाएगा नाइनटी परसेंट का नहीं होगा अब इसका यह मतलब नहीं है कि जी बाबों का कुछ नहीं हो सकता बाबों का भी हो सकता है लेकिन बाबों को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी बाबों की स्ट्रैटेजी अलग है फुल स्टॉप इस पर आप बहस नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद एक बाबे से बात कर रहे हैं जिसने दुनिया की मारे खा के पैसे बनाए बड़ी मुश्किल से बनाए हैं सुल्तानावास से मैं निकला हूं और कहां से निकल के कहां पहुंचा और बड़ी मुश्किल से पहुंचा तो आप लोग लॉजिक सुन लें लॉजिकली ओपन रखें अपने दिमाग को डिप्रेस ना हुआ करें नाराज ना हुआ करें ठीक है अच्छा दोबारा आते हैं इस पॉइंट के ऊपर इंटेलिजेंट हाई इंटेलेक्ट लोग उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो कहते हैं सिस्टम पहले बना दें परफेक्ट किस्म का सिस्टम बना लें बिजनेस बाद में करेंगे हाई इंटेलेक्ट इंसान को मिठाई की दुकान लेके दे दें चलाओ मिठाई की दुकान तो वो बोलेगा कि सॉफ्टवेयर तो हो पहले पहले एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं पता लगे जी एप्लीकेशन है लाइटें लगाओ कुछ वाईफाई लगाओ कुछ करो भाई कुछ पता लगे बिजनेस हो रहा है यहाँ पे परफेक्ट सिस्टम बनाना है पहले मुझे मैं पहले एक एप्लीकेशन तो बनाऊँ पता तो लगे भाई मेरे दिन के कितने लड्डू बिकते हैं लड्डू बाद में बेचेंगे पहले सॉफ्टवेयर बनाते हैं जरा तो देखें भाई कितने लड्डू बिकते हैं मेरे हाई इंटेलेक्ट लोग फाइन लाइनर्स होते हैं फाइन लाइंस पे काम करते हैं बॉटम लाइनर नहीं होते ये लोग मेरा छोटा भाई मुझसे पहले मिलियनर बना है मैं चार साल के बाद बना वो मुझसे चार साल पहले बन गया चार साल छोटा है और चार साल पहले बन गया प्योर बॉटम लाइनर चाइना से सामान लाता था जमीन पे फेंक देता था लोगों को कहता आओ जिसने लेने ले लो अच्छा मैं क्या कर रहा था उस दौर में मैं सॉफ्टवेयर बना रहा था एप्लीकेशन पता लगे कि जी बिजनेस हो रहा है पता लगे कि जी आ, कितनी सेल मेरी ईबे से आती है कितनी अमेजोन से आती है कितनी मेरी वेबसाइट से आती है और क्या क्या परसेंटेजेस हैं पता लगे जी कि अच्छा इतना प्रॉफिट हो रहा है अच्छा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है कौन सा कम बिक रहा है मैं हाई इंटेलेक्ट हाई इंटेलेक्ट फाइन लाइनर था और मैं परफेक्शनिस्ट था तो मैं सॉफ्टवेयर में चला गया नहीं बिजनेस तो हो ही रहा है बिजनेस तो करते नहीं है सॉफ्टवेयर तो हो पहले पता चला कि बिजनेस क्या हो रहा है मेरा 2011 के कैश रन आउट सारा पैसा तो मैंने एप्लीकेशन बनाने लगा दिया एक लाख रिंगिट लगाया था डेढ़ लाख रिंगेट लगाया मुझे तो याद ही नहीं कितना लगाया था मुझे इतना पता है कि इतना लगाया था इतना लगाया था कि मैं बैंक हो गया उसके उस चक्कर में बैंक हो गया बैंक हो गया तो कैसे सरवाइव किया मैंने वही ही कर्जे कर्जे ले लेके बैंकों से इधर से उधर से जमीन बेचो गाड़ी बेचो ये बेचो वो बेचो बैंक दोबारा खड़े हो गए तो ये था ये था प्रॉब्लम सबसे बड़ा मेरा तो हाई इंटेलेक्ट ले डूबी मुझे तो भाई हाई इंटेलेक्ट लोगों का फिर सोल्यूशन क्या है क्या करें हम फिर हाई इंटेलेक्ट लोग आदत से मजबूर हैं वो कहते हैं कि बिजनेस करने से पहले सिस्टम विस्टम जरा शशका वशका लगाएं पता लगे जी दोस्त आए पता लगे बिजनेस हो रहा है अच्छा वेयर हाउस में सामान नहीं है मेरा भी मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपकी क्या एग्जाम्पल मैं तो अपनी बता रहा हूं आपको शिकागो में मैंने वेयर हाउस लिया सामान आ रहा है फोकलिफ्ट तो ले लें पहले फोकलिफ्ट ले लेते ले। जी वेयर हाउस बनाने जा रहे हैं तो फोकलिफ भी होनी चाहिए ना इसके अंदर पता लगे जी वेयर हाउस में आए आप पता लगे समान नहीं फोकलिफ्ट आ गई पहले मेरे पास तो ये था प्रॉब्लम अब मैं क्या करता मुझे कोई बताने वाला नहीं था अच्छा मुझे बताने वाला कौन बताता मुझे हाई इंटरलेक्ट लोगों को आप जाके बोलें जी आप तो बड़े बेवकूफ इंसान है हाई इंटरलेक्ट लोगों की अपनी साइंस होती है उनका अपना दिमाग उनको पता है भाई मैं हाई इंटरलेक्ट हूं मुझे बेवकूफ कह रहे हैं आप आप ही बेवकूफ होंगे जो मुझे बेवकूफ समझ रहा है बेसिकली हाई लोगों को आप आसानी से समझा नहीं सकते बात उन्हें लॉजिक से साबित करना पड़ता है कि आप गलत हैं ये मिस्टेक कर रहे हैं आप तो मुझे उस दौर में मैंट्रोल ले लेना चाहिए था मुझे उस दौर में चले जाना चाहिए था किसी मेंट्रोल के पास अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम पर मुझे बता दें मैं क्या गलत कर रहा हूं अपने बिजनेस के अंदर मैं तो कहता हूं डिसीजन लेनी बंद कर दें हाई इंटलेक्ट लोग खास तौर तो पर डिसीजन ही ना ले अपनी जिंदगी के अंदर क्योंकि आपके डिसीजन बेवकूफ लोगों वाले डिसीजन होते हैं हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ लोग गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में क्यों साइंटिस्ट दिमाग उनका दिमाग साइंटिफिक तरीके से चल रहा होता है सिस्टम की डिटेल में चले जाते हैं ये लोग डिटेल्स के अंदर चले जाते हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट में डिटेल्स में परफेक्शनिज्म के अंदर चले जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग असल बिजनेस को भूल जाते हैं

और कहती है कि चलो कोई चीज तकलीफ करके दो हमें बनाओ ये टेक्नोलॉजी बनाओ कुछ इजाद करो और हम आपको बड़ी सैलरियाँ देंगे तीन लाख रुपए चार लाख रुपए महीने का देंगे हाई इंटेलेक्ट लोग बड़े खुश होते हैं क्रिएटिविटी सिस्टम सॉफ्टवेयर बिजनेस एप्लीकेशंस बनाते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छा अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर तो मैंने अपनी लाइफ में ये सारी मिस्टेक्स करने के बाद मैं किस कंक्लूजन पे पहुंचा अच्छा चले ये तो एक किया मैंने अब मैं आपको बताता हूँ मैं 2010 से कर क्या रहा हूं मैं अमेजोन के ऊपर ब्रांड्स बेचा करता था और गैनो गोल्ड जिसकी मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दी है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड था कॉफी का मैं ये बेचता था दो uh, में मैंने शिकागो में किसी के साथ पार्टनरशिप की और मैंने बड़े बड़े क्लोथिंग और फैशन के ब्रांड्स बेचने शुरू कर दिया एडिडास के जूते थे उसके अंदर नाइके के जूते थे उसके अंदर ट्रू रिलीजन एक ब्रांड है बहुत बड़ा अमेरिका का वो बेचता था फिर इसके अलावा काफी सारे बहुत सारे ब्रांड्स मैंने बेचने शुरू कर दिए मैं ये ब्रांड्स बेचा करता था इसे हम लोग अमेजोन के अंदर कहते हैं ब्रांड रिसेलिंग का बिजनेस ये बहुत आसान होता है आसान इसलिए होता है कि आपको कोई रैंकिंग वैंकिंग करनी नहीं पड़ती कि स्पॉन्सर एड चलानी नहीं पड़ते आपको कुछ नहीं करना पड़ता आप सीधा सीधा जाकर एडिडास के जूते पे जाके मीटू कर कर चिपक जाते हैं ठीक है तो अब मैं आप लोगों को एक क्विक एग्जाम्पल दू एक क्विक एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को ठीक है मैं आप लोगों को एक नाइके जॉर्डन का एक जूता दिखाता हूं ये नाइके जोर्डन है ठीक है अच्छा नाइके जोर्डन के जूते के अंदर मैं एक जूता निकालता हूँ क्लासिक जूता इनका और मैं भी आप लोगों को स्क्रीन भी दिखा देता हूँ मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसी निकालनी है जिसमें मल्टीपल सेलर्स चिपके हुए हों इस वक्त मल्टीपल सेलर्स तो यहां मुझे नजर नहीं आ रही इस वक्त मैं कोई ऐसी एग्जाम्पल निकालता हूं जिसमें आप लोगों को मैं दिखा सकू फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ बल्कि और गोल्ड ही दिखा देता हूं आपको ठीक है चलें मैं ये स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आप लोगों के साथ जरा आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा शेयर स्क्रीन ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये वाली स्क्रीन शेयर करता हूं अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को अच्छा ये मैं अमेजोन के ऊपर ये आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं ये लिस्ट ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं ये लिस्ट मेरे हाथों से क्रिएट हुई है ये लिस्ट मैंने अपने हाथों से क्रिएट की थी और ये आज भी अमेजोन डॉट कॉम में पड़ी हुई इस लिस्ट की उम्र दिखा देता हूँ आप लोगों को ये लिस्ट मैंने अपने हाथों से बनाई थी और ये लिस्ट मैंने तैयार की थी 2011 में किस टाइम पे मैंने तैयार की थी 2011 ये तस्वीर मेरे हाथों से ली हुई मैंने ये तस्वीर ली थी ये लिस्ट मैंने क्रिएट की थी एमेजोन के ऊपर और ये मेरी तारी तस्वीरें हैं मैंने अपलोड की मैंने ये लिस्ट क्रिएट की मैं पहली बार ऑर्गेना गोल्ड को अमेजोन में लेकर आया था उसके बाद वो मीटू का ऐसा कोई सिलसिला शुरू हुआ कि लोग आगे मीटू 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 करके गए सारे हर बंदा कह रहा मुझसे ले लो हर बंदा कह रहा मुझसे ले लो मीटू मीटू और अब आप ये देखें शिप फ्रॉम मलेशिया 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 इसका सप्लायर है मिस्टर चैन वो सिर्फ में रहता है मैं उससे लेता था ये एक भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि मैं एफ बी ए

आ, ये अमेजॉन की जो अभी मैंने ऑर्गेनो गोल्ड को दिखाई थी आप सब लोगों को नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही यस ओके 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 ठीक है ठीक है अच्छा तो अब होता यह है कि अच्छा ये इसमें रिव्यूज भी होते थे सैकड़ों होते थे फिर अमेजोन रिमूव कर देता फिर सैकड़ों आते हैं फिर रिमूव कर देता है अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं अगर आप कभी ऑर्गेनो गोल्ड अगर टाइप करें इसका सप्लाई अगर आप में से किसी को शौक होगा ये वाला बिजनेस करने का तो मैं आप लोगों को सप्लायर के साथ कनेक्ट भी कर दूंगा मैं निकल चुका हूँ मैं, मैं, मैं दुनिया का कोई गंदा बिजनेस नहीं करना मुझे आ, सारी विजस, आ, विजस मैं आप लोगों को क्लियर कर सारी मेरी तस्वीरें जितनी तस्वीरें देख रहे हैं सवाए ये इस वाली के अः एक दो के जो मैंने नहीं ली हुई ये सारी सच देख रहे हैं मेरे हाथ की तस्वीरें ये सारी मैंने ली हुई ये डब्बा देख रहे हैं कैफे मौका का ही मैंने बनाया था सारी मेरे हाथ की बनी हुई तस्वीरें हैं और मैंने ये दर दर मैं उस दौर में जैसे होते हैं फिर क्या किया मैंने कहा कि ये चार डब्बे ले लो और साथ में एक्स्ट्रा लो तो मैंने ये तस्वीरें बनाई छह डब्बों की और साथ में एक्स्ट्रा साचे लगा दिए उसके मैं ये समझता था लोग मीटू करके चिपक नहीं पाएंगे लोग मीटू करके चिपक देते मैं लड़ता भी था उनसे कि भाई आप ये मेरी लिस्ट पे क्यों चिपके हुए हैं मुझे वो कॉन्सेप्ट तो पता नहीं था उस दौर में जब नया नया स्टार्ट किया था 2010 की मेरा की एग्जांपल है शायद 2010 में मैंने स्टार्ट किया था 2009 या 10 के दरमियान है बेसिकली ये पीरियड है जब मैं मैं पहली बार मैं को ईबे की तरह ट्रीट करता था लिस्टें बनाता था और फिर लोगों को मैं अपनी लिस्ट को डिफेंड करने की कोशिश करता था ताकि कुछ चिपके ना मेरी लिस्ट के साथ फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक कॉफी के साथ एक ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन लगा देता था तो लेकिन जो मलेशियन सेलर्स थे हम लोग सारे एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते थे, थे और सारे मीटू करके चिपकना शुरू हो गए वो तो मुझे बाद में अच्छा अब मुझे आप लोग पहले कंफर्म कर दें कि जो स्क्रीन में दिखा रहा था आप लोगों को एग्जैक्टली एज इट इज स्क्रीन नजर आ रही थी uh, कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी उसके अंदर ताकि मैं नेक्स्ट उसके ऊपर केयरफुली आप लोगों को बता दूंगा ओके okay. अच्छा जी अब हो ये रहा था कि वहां से मैंने अमेजोन का एक्सपीरियंस गेन करना शुरू किया मैंने अमेजोन को ईबे की तरह ट्रीट किया पहले धड़ा धड़ लिस्टें बनाई धड़ा धड़ मैंने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट शुरू कर दी है क्वांटम पेंडेंट्स मैंने आ, मिस्टर चांद से मैं लेता था उस दौर में फ्यूजन एक्सेल के पेंडेंट्स आते थे 2009 2010 की बता रहा हूं आपको तो बात फ्यूजन एक्सेल के पेंडेंट्स और वो फ्यूजन एक्सेल एक ब्रांड था एमएलएम ब्रांड था फिर उसके अलावा क्यू नेस्ट वालों की बायोडिस्क आती थी कि उसके ऊपर पानी डाल के पिए तो दादी अम्मा दौड़ना शुरू हो जाएंगी वो में एनर्जी आ जाएगी बहुत ज्यादा क्वांटम एनर्जी कहते थे उस दौर में तो लोग खरीदते थे गोरे भी खरीदते थे तो मैंने अपना ब्रांड बनाया मैं चाइना से अपना सामान लाना शुरू कर दिया चाइना से अपना सामान लेकर आया और मैंने अपना ब्रांड बना के शुरू कर दिया मेरा ब्रांड लेकिन हमें उस दौर में ना ब्रांड रजिस्ट्री ट्रेडमार्क और आईपी राइट्स और प्रोटेक्शन और ब्रांड ये सब तो पता ही नहीं था हम लोगों को तो हम लोग ईबे की तरह ट्वीट करते थे अमेजोन के उस दौर में मैंने नोट तक मैंने की सेल बढ़ती अमेजोन तो ज्यादा है यहाँ पे अच्छा काश उस दौर में मुझे नंबर्स का पता होता कोई मुझे नंबर्स वैसे ही बता देता इतनी तो अकल थी नहीं है हम रिसर्च करें जाके अमेजोन धर के स्टोर्स बनाने शुरू कर दिया मैंने और मैंने सब जगह भी लिस्ट कर दिया एफ मैंने 2011 से यूज करना शुरू किया उस वक्त मैंने कहा यार ये तो मलेशिया से शिप करते हैं तो चलो हम सामान एफ बी भिजवाना शुरू कर देते हैं तो एफ बी ए में होता ये कि आपका सामान अमेजॉन के वेयर हाउस में चला जाता है मैंने मलेशिया से और गैनोगोल के बहुत सारे डब्बे उठाए फॉर एग्जाम्पल मैंने बारह डब्बे उठाए और बारह यूनिट बारह डब्बे उठा के मैंने अमेजॉन के वेयर हाउस में रखवा दिए और मेरी लिस्ट के आगे एफ नजर आना शुरू हो गया अब ये आप लोगों ने देखा था कि

ऑर्गेनो गोल्ड का पैक ऑफ टू का डब्बा है और मजे की बात है आज भी बिक रहा है ना मैं लेकेट बेचता हूँ ना मैं मैंने कॉफिया की जिंदगी गुजारता हूँ अब मुझे ये वाला बिजनेस ही नहीं करना तंग आ गया हूं मैं इस बिजनेस से अभी आप लोगों जिनको शो के तंग आने क्या हो जाए हो जाए मैं आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है ये पैक ऑफ वन है ये है पैक ऑफ टू Uh, मैं देखता हूं सबसे ज्यादा सेलर्स इस वक्त किस पे नजर आ रहे हैं पैक वन कोई देख लेते हैं मैं यहाँ पे कहता हूं कि अमेजोन ने इस वक्त अगर बायर कहता है बाई नाउ तो ये ऑर्डर इस वक्त जा रहा है इन भाई साहब को सोल्ड बाई अलेवन आई स्टोर ये अलेवन आई स्टोर होगा कोई होगा क्योंकि ये ये प्रोडक्ट्स प्रोडक्टन ही बेचते हैं अलेवन आई स्टोर नाम का बंदा है आ, ये भाई साहब इनका सामान फुलफिल बाय अमेजोन है तो इन मीन्स के अमेजॉन आपके लिए पिक करेगा पैक करेगा शिप करेगा और आपके घर पर पहुंचा देगा यानी कि मलेशिया से कोई डीएचएल की थैली में नहीं भेज रहा कोई भी ये वाला डब्बा ठीक है अच्छा एक घंटे के बाद आके रिफ्रेश करें तो हो सकता है अमेजोन किसी और को बाय बॉक्स दे दे ये वाला आई स्टोर के अलावा किसी और को दे दे तो बेसिकली यहां पे पांच लोग कह रहे हैं मुझसे ले लो मुझसे ले लो मुझसे ले लो मुझसे ले लो दिन पांच में से इसने भी प्राइम यानी कि इसने भी एफ किया हुआ 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 ये वाहिद बंदा है जिसने एफ नहीं किया हुआ और ये कह रहा है कि मुझसे ले लो और मैं फ्री शिपिंग दूंगा आपको तो एमेजोन आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा बाय बॉक्स किसको देगा इसको दे देगा इसको दे देगा इसको दे देगा इसको दे देगा इसे कम देगा अच्छा इनमें से भी आप देख रहे हैं सबसे पहले इसको दे देगा जिसके बारह सो ऑलमोस्ट ग्यारह सौ प्लस पॉजिटिव फीडबैक है इन भाई साहब को सबसे ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है इसलिए कि इनकी 98 परसेंट पॉजिटिव फीडबैक भी है और बहुत ज्यादा इनकी रेटिंग है सेकंड नंबर पे इन भाई साहब को मिल जाता होगा तीसरे नंबर पे हो सकता है इस भाई साहब को मिल जाए चौथे नंबर पे इसको मिल जाए इन ये भाई साहब सबसे एंड पे आते हैं एक तो इनके रिव्यू खराब है और खराब क्यों होंगे अगर आप जाके कभी इनकी फीडबैक को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि ये

हाँ, उस वक्त बेचा करता था अब तो मैं नहीं बेचता तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं ये मैं अमेरिका से ही सोर्स करता था मैं पता क्या करता था उस दौर में मैं फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन इस वक्त छह लोग कह रहे हैं मुझसे ले लो मुझसे ले लो मुझसे ले लो मुझसे ले लो एक बंदा कह रहा है मुझसे फोर्टी फोर सेवेंटी फाइव में ले लो एक कह रहा है में ले लो फिफ्टी फाइव में एक कह रहा है सिक्सटी में ले लो एक कह रहा है में में एक कह रहा है दूंगा आप हौसला देखें इनका क्या था चार घंटे के बाद शिप कर दूंगा आपका ऑर्डर तो मुझे बॉक्स बहुत ज्यादा मिलता था अच्छा बॉक्स जब मिलता था तो मैं ये फोर्टी फोर वाले से खरीद लेता था मैं इसी से खरीद के ए टू कार्ड करके अपने बायर को भिजवा देता था जिस बेचारे ने मुझसे

मर्जी है आपकी अगर किसी ने करना है तो अभी आप देखें किसके पास पास बाय बॉक्स अभी 44, वाले के बाद उसे प्रोडक्ट इस वक्त छह लोग मुझसे ले लो मुझसे ले लो मुझसे ले लो मुझसे ले लो अमेजॉन का एट्टी परसेंट बायर तो जानता ही नहीं इस साइंस को वो कहता है बाय नाओ उसे नहीं पता, उसे नहीं पता वो कहता है कि ये क्या चक्कर है कुछ दिन पहले तो मैंने 4475 का देखा था आज ये 56 का क्यों है फिर वो एक घंटे के बाद आते कहता है ये ये क्या कभी ये 44 का होता है कभी ये 60 का हो जाता है कभी ये 76 का हो जाता है ये हो क्या रहा है ओ खरीद लो भाई से पहले ही कहीं आउट ऑफ स्टॉक ही ना हो जाए तो बड़ा महंगा होता जा रहा है वक्त के साथ एमेजॉन के बायर्स को नहीं पता इस चीज का तो ये कहलाता है एफ बी ए होलसेल का बिजनेस सारी जिंदगी यही तो किया है मैंने एफ ये होलसेली तो करता था मैं दौलत नहीं बनी मेरी किचन मनी बनती थी बस किचन मनी बनती है किचन चल जाता, रहा तीन हजार चार हजार पांच हजार छह हजार आठ हजार दस हजार डॉलर मैं ऐसे ऐसे सेलर्स को जानता हूं जो एक एक मिलियन डॉलर इस मॉडल में बेचते हैं और एफबीए होलसेल के इस मॉडल के अंदर 44 परसेंट अमेजोन के सेलर्स एफबीए होलसेल मॉडल में बिजनेस करते हैं 44 परसेंट यानी के ऑलमोस्ट आधे अमेजोन के सेलर्स यही तो बिजनेस करते हैं और गोल्ड की लिस्ट बनी हुई है जाए मीटू करके चिपक लें आप में से पता नहीं इस कितने लोग हैं मलेशिया से सुन रहे हैं या मलेशिया से ये वीडियो देख रहे हैं मिस्टर चैन श्री पटाली ने आप लोगों को कनेक्ट कर देता हूँ उनसे बोले भाई ऑर्गेनो गोल्ड हमें भी सप्लाई सप्लाई मिस्टर चैन बोलेंगे क्या करनी है ऑर्डर भेजो मैं ही शिप कर दूंगा आपके लिए मैं ही शिप कर दूंगा कोई मसला ही नहीं है आप बेचो अपने अमेजोन पे लिस्ट कर दो आपने क्या करना है अमेजोन का अकाउंट है आपके पास मीटू करके चिपक जाएं अच्छा मीटू कैसे करें बहुत सिंपल है आप अगर हैं इस वक्त मलेशिया से सप्लायर मैं आपको दे देता हूँ आपने सीधा सीधा जाकर इस लिस्ट के ऊपर जाना है और यहां पर आपने सारे सेल्स को क्लिक करना है यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा कि क्या आपके पास भी ये आइटम शिप करने के लिए आ, यहां पर एक ऑप्शन आएगा अभी मुझे नजर नहीं आ रहा मैं एक लिस्ट मैं और लिस्ट पे देख लेता हूँ बल्कि मैं ऑर्गेना गोल्ड की लिस्ट खोलता हूँ उस उसपे चेक कर लेता हूँ uh, एक छोटा सा लिंक आता है उसके ऊपर जिसपे अमेजॉन आपसे पूछ रहा होता है कि क्या आपके पास भी ये आइटम है बेचने के लिए क्या आप ये देखें, ये देखें सेल ऑन देख रहे हैं आप ये वाला आपको छोटा सा नजर आ रहा है हैव वन टू सेल के नाम से क्या आपके पास भी ये आइटम है सेल करना है आपने अमेजोन पे आप कहते हैं जी बिल्कुल है सेल करना है मैंने अमेजोन कहता आप कितने में बेचने के लिए तैयार हैं आप बोले मैं तो थर्टी नाइन नाइनटी में मुझे ऐसा लगता है मिस्टर चैन ने सबको डंडा दिया वक्त ये देखें 41, 13, 41, 15। उन्होंने मेरा सब हमारे जमाने में इतनी ऑर्गेनाइज प्राइस हुआ नहीं कहती थी और उस वक्त हर बंदा अपनी मर्जी से प्राइस लगा के बेचता था अच्छा तो होगा ये कि आपने कोई तस्वीर अपलोड की नहीं आपने कोई टाइटल लिखा कोई बुलेट पॉइंट लिखा कोई डिस्क्रिप्शन डाली आपने कुछ डाला नहीं आपने तो कुछ नहीं डाला आपने जाके मी टू का बटन दबाया डन आप भी सेलर बन गए पता लगा सुबह उठे तो एक ऑर्डर भी आया हुआ आपके अकाउंट में कि मुबारक हो ऑर्डर आ गया शिप करो जल्दी से मिस्टर चैन ऑर्डर आ गया जल्दी से शिप कर दें मिस्टर चैन ने थैली में डाला डीएचएल की शिप कर दिया ये रही आपकी ट्रैकिंग आईडी आपने जल्दी से जाके ट्रैकिंग आईडी डाल दी आपने कहा मेरे तो बैठे बिठाए पांच डॉलर बन गए एक ऑर्डर के ऊपर से आपकी एफ होलसेल बिजनेस का पहला बीज है, इतना मजा आता है ना उस बीज के बाद पांच डॉलर एक ऑर्डर पे बना दिया अगले दिन सो के उठे फिर एक ऑर्डर आपने कहा सुबह अल्लाह क्या बिजनेस है मिस्टर चांद एक और ऑर्डर आया शिप कर दें मिस्टर चांद ने वो भी शिप कर दिया आपने उनका बिल सेटल कर दिया आपने कहा क्या बिजनेस है एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरे एक एक और दिन के आ रहे हैं चलो मैं दूसरी प्रोडक्ट को भी मी टू करके चिपक जाता हूं मजे की बात बताऊं आपको amazon के पीएल के पता कितने सेल्स हैं 33%

आपने देखा नेस्ट कैफे मैं यही तो करता था मैंने देखा इतना आसान बिजनेस मीटू करो चिपक जाओ ये ऑर्गेनो वर्ड तो बाद में आया है ना मैं तो इससे पहले तजुर्बे कर रहा था देख रहा था क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास मैं टेस्को गया टेस्को जाके मैंने निकाला नेस्ट कैफे मैं आपको नेस्ट कैफे की अब लिस्ट दिखाता हूँ ये वो सारे वो हैं जो मैं करता रहा हूँ बेसिकली सारी जिंदगी यही तो किया मैंने बिजनेस ही तो किया और क्या किया आ, ये देखिए इन आप जो देखेंफे ने मलेशिया में सबको ही पता है बहुत पॉपुलर है हर घर के अंदर मिलेगा आपको अच्छा मैं इसकी कभी थाईलैंड से सोर्सिंग कर रहा हूं कभी मैं वियतनाम से निकाल के ला रहा हूँ कभी मैं मलेशिया से निकाल के ला रहा हूँ मैं ये नेस्क कैफे के, के मैंने पैक ऑफ टू पैक ऑफ वन मैंने जनाब नेस्ट कैफे धड़ाधड़ मैंने अमेजोन भेजना शुरू कर दिया और मैंने हर लिस्ट पे जाके मीटू कर दिया जब ऑर्डर आते थे तो मैं जाके टेस्को से खरीद के शिप करता था आज के दौर में तो एफ बी एफ बी एम प्राइम 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 में इतना कंपटीशन हो गया हमारे दौर में कोई नहीं करता था तीन मुल्कों से ज्यादातर सैलरी मिलते थे हमें जो ये प्रोडक्ट बेचा करते थे उनसे मैं कंपीट किया करता था ये वो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं तो अच्छा अब आइए तो होता ये था कि हमने बिजनेस दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लें आप जिस दिन आप किसी बिजनेस से एक डॉलर कमाते हैं ना आप हो जाते हैं इनकरेज्ड आप उस बिजनेस की दलदल में फंसते चले जाते हैं फंसते चले जाते हैं फंसते चले जाते हैं फंसते चले, चले जाते हैं मैं इस दलदल में फंसता गया फंसता गया फंसता गया फंसता गया फंसता गया और मैं बिजनेस को बड़ा करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया दो में मेरी फाइनल तीसरी बैंकअपसी उससे पहले मैं पांच लाख यूएस डॉलर चार से पांच लाख यूएस डॉलर अमेजोन पर बेच रहा था एमेजॉन ने उसमें खैर ई का छोटा सा पोर्शन था वॉलमार्ट का छोटा सा पोर्शन था ई बे यूके का अलग था ऑस्ट्रेलिया का अलग था लेदर जैकड़ी भी बिक रही थी उसके अंदर उसमें कॉफियां भी बिक रही थी डब्बे भी बिक रहे थे रोडन भी बिक रहा था एम एरिडास के जूते भी बिकते थे मैं दुनिया जहान की प्रोडक्ट्स बेचा करता था मुझे खुद नहीं पता था मेरे बिजनेस में क्या क्या बिकता है इतना कुछ बिकता था पता लगता था बिजनेस हो रहा है शिकागो में मेरा हाउस भरा होता था जब मुझसे लोग मिलने आते थे मैं उनको बताता था कि ये वेयर हाउस है ये सब हम एमेजोन पे बेचते हैं वो कहते सुबह अल्लाह क्या बिजनेस है आपका क्या बिजनेस है आपका मेरे एम्प्लॉज मलेशिया से मैंने सबके अमेरिकन वीजा लगवाए सबके लगवाए सबके एक का एल्वन करवा दिया अमेरिका ही मूव कर दिया मैंने कहा चलो भाई अमेरिका ही आ जाओ यहीं रहो अब और बाकियों के मैंने पांच पांच साल के वीजा लगवा दिए तो था अमेरिका जाते थे जब वो अपने रिश्तेदारों को बताते थे अमेरिका जा रहे हैं बॉस ने भेजा है बिजनेस हो रहा है खानदान वाले भी कहते थे क्या बिजनेस है क्या बॉस होगा आपका पता लगता है जी बॉस है वो तो बिजनेस हो रहा है किसी को ये तो पता ही नहीं था कि बॉस बेचारा रो रहा है रातों को रोता है वो बेड के ऊपर बेचारे को नींद नहीं आती वो कहता है मैं खर्चे कैसे पूरे करूंगा मेरे साथ हो क्या रहा है पैसे क्यों नहीं बनते मेरे मेरे मुझे ये नहीं समझ आती थी मेरे पैसे क्यों नहीं बनते हाई इंटेलेक्ट दुनिया जहान में बिजनेसिस लंदन में ऑफिस बार्किंग में मेरा ऑफिस था वहां मेरा स्टाफ बैठा होता था और अमेरिका से एडिडास के डब्बे यूके शिप हुआ करते थे वहां से इटालियन और जर्मन कस्टमर्स को शिप करते थे क्योंकि यूके से शिप करते थे कस्टम ड्यूटी के मसले नहीं आते थे अमेरिका से सीधा जर्मनी इटली करते थे तो दो दो सौ यूरोते थे हमारे कस्टम्स ड्यूटी तो हम डब्बे जमा कर करके सारे इकट्ठे भिजवा दिया करते थे उसमें ब्यूटी स्किन क्रीमे, शरीमे, जान के क्रीमें शरीमें दुनिया जहान के ब्रैंड होते थे हमारे ये करते थे हम लोग तो दुनिया का कोई भी बिजनेस करें आप मैं अपनी जिंदगी के सारे तजर्बों के बाद एक नतीजे पर पहुंचा दुनिया का कोई भी बिजनेस करें उस बिजनेस का आने वाला दस साल पहले से कैलकुलेट करके रख लें दस साल की प्रिडिक्शन कर लें ये दस साल के बाद होगा क्या मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, भाई आपको नाई की दुकान से ऑफर आएगी नाई बन जाए हमारी दुकान पे आके आपने कभी देखा नाई की जाए बाल कटवाने के लिए एक बच्चा होता है वहां पे छोटा सा उस बच्चे से पूछे बड़ा होकर क्या बनना है वो कहता है जी मास्टर बनना है मैंने बड़ा होकर मैं मास्टर बनूंगा मैं एक दिन आपके बाल काटूंगा उसने अपनी जिंदगी की दस साल की फोरकास्ट पहले कर ली आपने भी करनी कर ले भाई दुनिया का कोई बिजनेस करना कर ले लेकिन उस बिजनेस के बाबों को जाके पहले स्टडी करेंगे चालीस साल का बाबा कितना कमाता है इस बिजनेस के अंदर आईटी आईटी में मुझे में की जॉब करनी है सैप का क्या पोटेंशियल है चालीस साल का बाबा सैप के अंदर कितना कमा लेता पीपल स्टॉक में कितना बना लेते हैं सिबल में कितना बना लेते हैं अगर मैं ये इंडस्ट्री में जाऊंगा चालीस साल तक मैं कहा तो पहुंच पाऊंगा मैं अगर अकाउंटेंट बन आज तो चालीस साल की उम्र में मैं कितना कमा सकता हूँ आप इंडस्ट्री की फोरकास्ट पहले देख लें तो मैं होलसेल एप भी मैंने स्टार्ट किया और मैं उस दलदल में घुसता चला गया घुसता चला गया घुसता चला गया घुसता चला गया चलाइए दस बारह हजार डॉलर तो बनता ही था मेरा ओवरहेड्स इतने ज़्यादा थे, पाकिस्तान से बैठ के से करना है, वाइबल है। सस्ती जमीन पे रहते हैं हजार पंद्रह से दो हजार भी बना ना महीने का मजा आ जाएगा आपको क्या बिजनेस है घर वाले भी बोलेंगे क्या बिजनेस है दो हजार डॉलर कमाते हो हम अमेरिका में रहकर होल सेलबिय करते थे दस हजार डॉलर पूरा नहीं पड़ता था ठीक है तो आप फोरकास्ट कर लें पहले देख लेंगे एंड अप कहाँ होगा ये बिजनेस कहां लेके जा सकता है तो आज भी मैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर लोगों को देखता हूं लोग अच्छे पैसे कमाते हैं अच्छे पैसे बनाते हैं मिलियन नहीं बन पाते किचन मनी अच्छी बन जाती है किचन मनी बनेगी आपकी मर्जी आपने किचन मनी बनानी है या दौलत बनानी है अब आते हैं नेक्स्ट तरफ मैं दो मैंने 2010 में अपना पहली बार ब्रांड खड़ा किया था Amazon के ऊपर मेरा अपना ब्रांड था मेरी अपनी लिस्ट थी आप लोगों को बताया मैंने क्वांटम बेचा करता था चाइना से वो फ्यूजन एक्सल नाम का एक बड़ा ब्रांड था मलेशिया में वो मिस्टर चाइनी देते थे हमें तो वो फ्यूजन एक्सल बेचते थे तो मैंने डिसाइड किया मैं अपना ही ब्रांड बना लेता हूँ इनफैक्ट मैं इतना कोई हाई इंटेलेक्ट था इतना कोई फाइन लाइनर था

अपना ब्रांड बनाया अपनी लिस्ट बनाई चाइना से लाया चाइना से डब्बे अपने बनवाए अपनी पैकेजिंग अपना सब कुछ चाइना से मेरे डब्बे आते थे और उन डब्बों के अंदर शेप्स होती थी डिफरेंट शेप तीन सौ किस्म के पेनल होते थे मेरे पास स्टाफ सारा दिन बैठ के डब्बों के अंदर फिक्सिंग कर रहा होता था, था जिसका ऑर्डर आता था वो पैंतालीस डॉलर का ऑर्डर आया है उस डिजाइन का शेप काटते थे मैंने मशीनें ली हुई थी अपनी हर शेप की एक मशीन थी मेरे पास वो फॉर्म उस शेप का कट्टा था उसके अंदर वो पेंडेंट जाता था खूबसूरत डब्बे में पैकेजिंग होके डीएचएल की थैली में डाल के वर्ल्ड वाइड हम शिप कर दिया करते तो तो थे ये मैं ये सब करता रहा अच्छा अब ये था मेरा अपना ब्रांड लेकिन प्रॉब्लम मुझसे ये हुई कि मैं होलसेल अब्बी में चलता गया चलता गया चलता गया अमेरिका में जब जाके मैंने अपना पूरा वेयर हाउस ले लिया इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो मैं निकल नहीं पाया उसमें से पैसे बन रहे हैं सेल हो रही है सारा दिन 16 16 घंटे में थक जाता था कस्टमर सपोर्ट कर करके मेरे पास कुछ छह छह सात सात इंप्लाइज होते थे कस्टमर सपोर्ट वाले लेकिन कॉन्स्टेंट एस्केलेशन 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 क्यों आती थी इतनी एस्केलेशन वो सनी भाई इटालियन कस्टमर कह रहा है सो यूरो मैं नहीं दूंगा मज़ी हमारा जूता फंस गया वहां पे इतने जूते पड़े हमें इतने वो जूते बेचते बेचते इतने जूते खाए हमने इतने जूते पड़े मुझे पांच लाख डॉलर बेचना आसान है प्रॉफिट निकालना सबसे मुश्किल है बेसिकली बेच तो लेंगे प्रॉफिट ही निकलेगा आपका तो कभी इधर अच्छा मुझे पता ही नहीं लगता था ब्लीडिंग वो कहाँ रही है कभी इधर ब्लीडिंग हो रही है कभी इधर ब्लीडिंग, कभी ब्लीडिंग जी लेदर जैकेट ने कहा जी फटी हुई आई है

मलेशिया टाइम पे था, मैं मलेशिया में होता था अमेरिका में होता था सुबह से लेकर रात तक लगे रहते थे बस वो सारा दिन बिजनेस ही संभालते थे बिजनेस करता कोई नहीं था संभालते थे बस इसको ये था मसला तो आपने अगर पैसे बनाने तो एफ बिजनेस ना ही करें अमेजॉन कह रहा है ना आपको कि अपना सामान मुझे भेज दो मैं आपके लिए पिक भी करूंगा पैक भी करूंगा शिप भी करूंगा रिटर्न भी करूंगा रिफंड भी करूंगा लेकिन मैं कौन कौन सी लेदर जैकेट भिजवाता है अमेजोन को महीने में पांच तो ऑर्डर एक डिजाइन के आते हैं पांच दूसरे डिजाइन के आते हैं पांच तीसरे डिजाइन तीन सौ तो डिजाइन मैंने लिस्ट किए हुए थे तो किस किस डिजाइन को किस किस साइज को किस किस कलर को मैं करता मैं किस किस को उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में रखता किस किस को रखता मैं इतनी क्रीमें हम बेचा करते थे इतना ऑर्गेनो गोल्ड में बेचता था मैं किस किस फ्लेवर को एफ बी करता इतनी अपफ्रंट कैपिटल कहाँ से लाता तीन सो तो मैं प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ और पूरी दुनिया में बेच रहा हूँ कहाँ कहा एफ बी करूं यूके में करूं यूएस में करूं कैनेडा भी में भी मैंने बेचा हुआ था अब्बा जी कैनेडा में रहते थे तो अब्बू को मैंने लगा दिया अब्बू जी ऑर्डर आया करेंगे शिप कर दिया करें सामान थोड़ा सा हमने अब्बू के पास भिजवा दिया ये तो बिजनेस था शिकागो में इतना बड़ा वेयर हाउस डेलिस में इतना बड़ा वेयर हाउस सेक्रामो में इतना बड़ा वेयर हाउस लंदन में ऑफिस टोरंटो में तो ऑफिस तो 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 नहीं था वो घर से ही काम चला रहे थे पूरी दुनिया के पंगे ले लिए हमने तो मैं फाइनली पीएल में 2010 से कर रहा हूं लेकिन तवज्जो से नहीं कर रहा तवज्जो से, से नहीं किया कभी इस पर फोकस नहीं किया मैंने 2015 में पंद्रह में जिंदगी में तीसरी बार बैंक करप्ट और ई कॉमर्स बिजनेस में दूसरी बार हुआ हूं मैंने मैं वो मेरी लाइफ की सिवियर तरीन बैंक बैंक थी इतनी सिवियर थी कि मैं डिप्रेशन में चला गया इतना सिवियर डिप्रेशन था कि बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता इंसान मैंने अपने सारे एम्प्लॉज को मैसेज भेजा सबको मैंने कहा कि जी वक्त आ गया है छह महीने हो गए मैंने अपना घर का मोकेज नहीं पे किया हुआ और अब मैं ये पूरा बिजनेस शट करने लगा हुआ आप लोग जाए सब अपनी अपनी जॉबे ढूंढे सैलरी आधी कर दें लेकिन हम छोड़ के नहीं जा रहे आप ही ने अब इसको फिक्स करना है मैंने अब्बू से मशवरा लिया की ये कह रहे हैं सारे अब मैं क्या करूं तो अब्बू ने कहा बेटा आपकी जो सिचुएशन है इस वक्त आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप बेटा जाओ किसी के पास जाओ कोई अपने एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन स्टार्ट करो आपको इस वक्त डिप्रेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है चला गया मैं डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब ने फिर मुझे एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करवाई पता नहीं क्या थी वो गोली क्या थी पंद्रह दिन लगे मैं शेर की तरह दोबारा खड़ा हो गया मैंने सारे स्टाफ को ईमेल किया कोई मसला ही नहीं दोबारा करेंगे ये बिजनेस हम लोग वो मेरी इतनी सिवियर बैंक थी उसकी वजह ये थी कि कहाँ मैं चार पांच लाख डॉलर बेच रहा था और कहाँ मैं पचास हजार डॉलर पर आ गया पूरे पूरा बिजनेस ही शट डाउन हो गया मेरा और वो मेरे अमेजोन में अच्छे खासे अकाउंट सस्पेंड कर दिया उस दौर में अच्छे खासे अकाउंट सस्पेंड हुए मेरे मेरा एडिडास का एक सिंगल अकाउंट एक लाख डॉलर महीना बेचता था सिंगल अकाउंट एक ही अकाउंट का एक लाख डॉलर अमेजॉन ने कहा जी हमें ये अथेंटिक नहीं लग रहा आपका सामान मैंने सारी इन्वासेस दिखाई है एरिडाज के ऑरिजिनल इन्वायसेस दिखाई है सब कुछ दिखाया है अमेजोन मानने के लिए तैयार नहीं था नहीं ये नहीं अब आप बेच सकते अकाउंट सस्पेंड uh, मेरे कुछ और भी अकाउंट थे वो भी मैंने ऑरिजिनल इन्वाइस दिखाई अमेजोन को मानने के लिए दिखाई अमेजोन क्या मसले थे अमेजॉन के अपने इश्यूज थे उस दौर में अमेजॉन टफ हुए जा रहा था रहा था हुए जा रहा था हुए जा रहा था, हुए जा रहा था। मैंने जब दोबारा लाइफ का स्टार्ट किया दो हजार पंद्रह की एंड पे मैंने दोबारा स्टार्ट किया आई तो डिसाइडेड कि अब मैं कुछ भी हो जाए डिस करूंगा अब मैं अपनी जिंदगी में दोबारा मी टू की तरफ नहीं जाऊंगा मैं ही ये काम नहीं करूंगा कितना ही आसान क्यों ना हो कितना ही ईजी क्यों ना हो मी टू करके चिपकना ही है ना और इन्वेंट्री लेके एफ बी ए कर देनी है और वो घूमना शुरू हो जाएगा मैंने अपनी जिंदगी में एक लेसन सीखा इतनी सारी प्रोडक्ट्स पे जब आप पचास प्रोडक्ट्स पे जब आप अपनी तवनाई लगाते हैं तो पचास प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाती है एक ही पे लगा दें एक ही पे लगा दें वो एक ही प्रोडक्ट दिन के दो तीन सौ दो सौ तीन सौ ऑर्डर दिन के आ जाएंगे एक प्रोडक्ट से आप सिर्फ एक डॉलर बना लें एक प्रोडक्ट के ऊपर तीन सौ ऑर्डर आगे ना ये नौ हजार डॉलर महीने का प्रॉफिट बनता है ये आपका एक प्रोडक्ट एनर्जी अपनी दिमाग की पूरी तवनाई पूरी एनर्जी एक राइट right प्रोडक्ट पे लगा दें ठीक है अच्छा, अब मैंने ये आ, मैंने पीएल का कसम खा ली है अब मैं पीएल ही करूंगा अच्छा पीएल में क्या गेम है पीएल की क्या साइंस है पीएल की साइंस ये है कि मैं इस ट्रेडमार्क को ओन करता हूं मैं अमेजोन के ऊपर एक लिस्ट क्रिएट करता हूं और मैं कहता हूं कि ये डेंटल फ्लॉस है ये डेंटल फ्लॉस है और मैं मेरे नाम का ब्रांड है सनी डेंटल फ्लॉस के नाम से और ये बिकेगा एमेजोन के ऊपर पांच डॉलर का इसमें प्रॉफिट होगा वन डॉलर फिफ्टी सेंट डेढ़ डॉलर का प्रॉफिट होगा दिन के दो सौ तीन सौ ऑर्डर आ सकते हैं इस डेंटल फ्लॉस के लेकिन आते कैसे हैं? हम जिस दौर में अमेजॉन पे लेदर जैकेटें बेचा करते थे जिस दौर में मैं अमेजॉन के ऊपर अपना ब्रांड क्वांटम पेंडेंट्स बेचता था बायोडिक्स बेचता था और मैंने बड़ी प्रोडक्ट्स बेचा करता था तो उस दौर में अमेजोन के ऊपर हम लिस्ट कर दिया करते थे फिर हम कहते थे अल्लाह मियाँ जरूर ऑर्डर भेजेंगे हमें इतनी ही हमारी साइंस थी इतनी ही अकल थी और इतनी ही साइंस थी हमारी यही लॉजिक थी फिर हम कहते थे हम थोड़ा ज़्यादा डेढ़ होशियार बन जाते थे हम कहते थे हम एमेजोन के ऊपर ऐसे आ, दस ब्रांड्स बना लेंगे और यही प्रोडक्ट होगी यही तस्वीरें होंगी लेकिन दस ब्रांड्स होंगी दस लिस्टें होंगी हम ये सोचते थे कि हम सौ लिस्टें क्रिएट करेंगे एक ब्रांड के अंदर और दस ब्रांड करेंगे तो एक हजार लिस्टें होंगी और आते थे ऑर्डर वाकई आते थे डेली दस ऑर्डर आ जाते थे मजा आता था पता लगता था ऑर्डर आ रहे हैं बिजनेस हो रहा है और ये हमारा अपना ब्रांड है बस इतनी ही अक्ल थी हमारी इतनी ही हमारी साइंस थी इतनी ही लॉजिक थी इतनी ही पहुंच थी इतनी ही सोच थी हमारी इससे ज्यादा की थी नहीं हमारे पास क्यों अब भी होलसेल में मजा बड़ा आता था मी टू करके चिपक जाओ टक 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 डेली ऑर्डर कोई रैंकिंग नहीं करनी कोई ब्लीडिंग नहीं कोई को नहीं कुछ भी नहीं बस मी टू करके चिपक जाओ उस बिजनेस में एक प्रॉब्लम ये होता था मजा आता था तो दूसरी प्रोडक्ट तीसरी प्रोडक्ट चौथी प्रोडक्ट पांचवी प्रोडक्ट छठी प्रोडक्ट सातवीं प्रॉडक्ट आठवीं प्रोडक्ट एक्सपेंड करना शुरू कर देते एक्सपेंड करते थे तो ये नहीं पता लगता था वेयर हाउस में रिटर्न्स भी आ रहे हैं मार्जिन होते थे पंद्रह परसेंट के रिटर्न आता था वो एक रिटर्न पांच प्रोडक्ट का प्रॉफिट खा जाता था हमारा एक नाइके का जूता वापस आता था, था तो दस जूतों की सेल खा जाता था हमारी सारी दस जूतों का प्रॉफिट खत्म हो जाता था रियलाइज नहीं करते थे हम हम तो ये देखते थे पचास डॉलर एक जूते के प्रॉफिट बन रहा है मेरा मैं ये नहीं देखता था कि रिटर्न्स जो आ रहे हैं वो डैमेज कर रहे हैं और रिटर्न जमा हुए सारे इन्वेंटरी अच्छा कभी आप इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री ज्यादा मंगवा लेते हैं कभी इसकी कम मंगवा लेते हैं फोरकास्टिंग नहीं कर पाते आप लोग तो हम कभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया कैश फ्लो इसके दस पीस ऑर्डर कर दिए इसके सो कर दिए इसके दो कर दिए इसके पचास कर दिए इसके तीस कर दिए जब आप तीस से पचास प्रोडक्ट में जाते हैं तो आप ट्रैक लूज कर देते हैं अपना आपको पता ही नहीं लगता आप कर क्या रहे हैं बिजनेस करना है भाई दस प्रोडक्ट्स पे काम करें दस प्रोडक्ट नजर तो आए आपको सामने के दस प्रोडक्ट तो में मेरा ये बिजनेस तो हो रहा है किसने कहा था आपसे पचास और सौ प्रोडक्ट पे बिजनेस तो करने को आप ट्रैक लूज कर देते हैं फिर आप दो दो हजार डॉलर के सॉफ्टवेयर लाएंगे खाली देखने के लिए एनालिटिक्स में कहाँ खड़ा हुआ मेरा बिजनेस किधर जा रहा है कितने पैसे बन रहे हैं कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है किसमें कम बन रहे हैं किसमें ज्यादा बन रहे हैं स्टाफ को कहते हैं कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट में पैसे क्यों नहीं बन रहे वो कहते हैं ओहो वो, वो तो बाय बॉक्स नहीं है हमारे पास तो भाई आप रिप्राइजर लगाओ उसको रिप्राइजर लगा के सेटिंग करो इसकी वो सनी भाई रिप्राइजर लगाया हुआ है लेकिन वो कोई नया सेलर आया हुआ उसने बड़ा सस्ते में डाला हुआ तो हमारी बारी नहीं आया अच्छा बारी का वेट करो एक महीना हो गया वो प्रोडक्ट खत्म क्यों नहीं हुई है आपकी अभी तक इतनी प्रोडक्ट इतनी प्रोडक्ट किस किस को डील करें आप क्योंकि मजा जो आया था आपको मीटू करके चिपक जाओ कोई तस्वीर नहीं लगाई कोई लिस्ट नहीं लगाई ऑर्डर आना शुरू हो गया अच्छा एक एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट की की लाइफ लाइफ कितनी होती है एक लाइफ है महीना महीना महीने में इतने मीटू, इतने मीटू इतने मीटू इतने मीटू आएंगे उसके अंदर के आपका सारा प्रॉफिट खा जाएंगे आप जहां पच्चीस परसेंट बना रहे थे बीस पर आ गए बीस से आप पंद्रह पे आ गए पंद्रह से आप दस परसेंट पर आ गए दस परसेंट अब आप प्रॉफिट बनाए उसके अंदर भी पांच अगर आ गए तो गया तो गया आपका सारा प्रॉफिट खत्म तो उसमें एहतियात से अच्छी प्रोडक्ट में काम करना पड़ता है अच्छी प्रोडक्ट की उम्र होती है एक साल तो उस बिजनेस में कांस्टेंट एनर्जी चाहिए कांस्टेंट एनर्जी चाहिए कांस्टेंट हंटिंग कांस्टेंट हंटिंग कांस्टेंट हंटिंग हर छह महीने में नई प्रोडक्ट हर छह महीने में नई प्रोडक्ट नया ब्रांड नई प्रोडक्ट तो बिजनेस बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा आपके घंटे चूसता जाएगा चूसता जाएगा चूसता जाएगा चूसता जाएगा एक वक्त आएगा कि आपके 16 घंटे उपाय हो जाएंगे खत्म बस जिंदगी निकल जाएगी 16 घंटे जो इंसान काम करता हो और वो कहता जी मैं महीने का पांच हजार डॉलर कमाता हूं आप उसको बोले अच्छा दस बना के दिखाओ आपके ख्याल में दस घंटे क्या वो दस हजार डॉलर बना पाएगा इसके तो सोलह घंटे बिक गए हैं हम तो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं कि घंटा ना बिके घंटा अपने हाथ में आ जाए घंटा ना बिके मेरा किसी और का घंटा खरीद लू मैं मेरा घंटा ना बिके बस हम तो ऐसा बिजनेस करना चाह रहे थे तो हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल में चले गए जहां मेरे घंटे बिके जा रहे हैं बिके जा रहे हैं बिके जा रहे हैं बिके जा रहे हैं जा रहे है। ग्रो हुए जा 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 रहा 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 है 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 और मेरे घंटे बिके जा रहे हैं बिके जा रहे हैं बिके जा रहे हैं बिके जा रहे हैं और एक टाइम आया कि मैं चौदह घंटे जाके फ्लैट हो गया चौदह घंटे के बाद मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई चलिए अब बताएं चौदह घंटे में कितने पैसे बनते हैं आपके जी मेरे महीने के दस हजार डॉलर बनते हैं सुबह चले बीस बना के दिखाएं। अब बीस नहीं बन सकते मेरे चौदह घंटे बिक गए अब मैंने अच्छा के, जी मेरे इंप्लॉयज्लॉयज है मैंने उनके घंटे भी खरीद लिए हमें तो ऐसा बिजनेस करना है जो ज्यादा ऑटोमेशन पे चलता हो तो मैंने अपनी जिंदगी में सब करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट इंसान को मिलिया बना देती है फकत एक प्रोडक्ट फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं दूसरी कर लीजिएगा फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं तीसरी कर लीजिएगा तीन सौ तक की नौबत नहीं आएगी ज्यादा से ज्यादा दो हो जाएंगी तीन हो जाएंगे तीन सौ तक नहीं जाना आपको ज्यादा घंटे में नहीं बेचना चाहता तो पीएल के अंदर मैंने खैर मुझे अकल आई दो में आई और मजे की बात है खैर जो लोग मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं बीबीआईवी उन सबको पता है मेरा 2015 में आ, मुझे पहली बार इमाम अली का कॉल पता लगा था कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा मैंने अपनी जिंदगी के अगर मैं उस दौर से काउंट करूं जब से मैं काम कर रहा हूँ तो तेईस साल लग गए मुझे मिलियनर बनते बनते अगर मैं 2009 से काउंट करूं तो मुझे सात आठ साल लग गए मिलियनर बनते बनते मैं अगर ऑस्ट्रेलिया से 2005 से काउंट करता हूं तो मुझे बारह साल लगे मिलियनर बनते बनते बारह साल आसान नहीं है आसान नहीं है वो, आ, वो क्या नाम है वो वो आर्टिस्ट नवाजुद्दीन सद्दीकी उसका कभी आप सुनिएगा इंटरव्यू वो कहता है कि मैंने दस साल स्ट्रगल किया और इंडस्ट्री में मेरी जब मुझे नहीं इतनी जॉब्स मिलती थी तो मुझे मेरी माँ कहती थी कि कोई बात नहीं दस साल के बाद तो कूड़े की भी किस्मत बदल जाती है तो तेरी भी बदलेगी मैं वो सुनता था मेरे दिमाग में वो गूंजता था वो वो डायलॉग गूंजता था कि मेरी भी बदलेगी बारह साल आसान नहीं है बारह साल में तीन बार बैंक हो जाना रोड पर आ जाना और एक मिलियन डॉलर बर्बाद कर देना अपनी इंटेलिजेंस के चक्कर में मैं बहुत लकी हूं मैं बहुत लकी हूं मेरे तो फिर बन गए आप कितने लकी हैं आप लोग कितने लकी हैं लोगों की जिंदगी गुजर जा जाती हैं पचास पचास साल के जाते हैं लोग कब्र में चले जाते हैं टका नहीं बनता उनका दौलत तो दूर की बात है किचन की लूप से बाहर नहीं आते लोग कि दौलत छोड़ ही देना दौलत की तो बात ही ना करें दौलत क्या है मिलियन डॉलर तीन मिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तानी कितना चालीस करोड़ पचास करोड़ इसे कहते हैं ना दौलत आप लोग दौलत तो दूर की बात है पचास लाख नहीं होते लोगों के बाद पचास साठ साल की उम्र में तो मैं लखी हूं मेरे बन गए कैसे बने इमाम अली का ये कॉल जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली मेरी सोच बदल दी मेरा सोचने का तरीका बदल दिया मेरा जिंदगी को देखने का तरीका बदल इमाम अली का ये एक कॉल इनके इतने कॉल हैं इतने कॉल हैं कभी ने लगा आप लोग खोल के देखें आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा उस किताब को पढ़ने के बाद उनके खाली कॉल पढ़ लें आप ये एक कॉल था जिसके बाद मैंने नसीब के ऊपर काम शुरू कर दिया ये नसीब क्या है मैंने नसीब की किताबें गोल दी सारी मैंने मैं उसके बाद सब वो मुझे इतना क्लिक हुआ ये कॉल मुझे समझ आ गई कि मेरी इंटेलिजेंस ने एक टका नहीं बनाया मेरी वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि दौलत कभी इंटेलिजेंस से नहीं बनती दौलत कभी हार्ड वर्क से नहीं बनती बेवकूफ हैं वो लोग जो आके बहस करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर सोनी भाई कहते हैं हार्ड वर्क नहीं करो दौलत बन जाएगी बेवकूफ हैं ये लोग इसलिए कि इनके बैंक अकाउंट खाली हैं मैं तो खुद मल्टी मिलियन मेरे पास पैसों की कमी नहीं है मेरे तो बन गए ना तो आपको बता तो रहा हूं मेरे कैसे बने तो दौलत दौलत कभी हार्ड वर्किंग से नहीं बनने वाली है आपकी हार्ड वर्किंग जितनी तो कर हार्ड वर्किंग क्या है देखिए हार्डवर्क मैंने भी बड़ा किया मैं भी बहुत हार्डवर्किंग हूं मैंने बहुत हार्ड वर्किंग किया है लेकिन समझ आ गई मुझे 2015 के अंदर के अंदर ओ हो दौलत हार्डवर्किंग से नहीं बनती दौलत तो नसीब से बनती है समझ आ गई ना मुझे मुझे रियलाइज हो गया कि ओ हो मैं क्या हार्डवर्क कर रहा था इतनी दुनिया जिंदगी गुजार दी मैंने हार्डवर्क करते करते मेरे तो पैसे ही नहीं बने समझ आ गई एक्चुअली मुझे तो नसीब है आपके डिसीजंस इमाम अली से किसी ने पूछा कि नसीब व मुकदर में क्या फर्क है तो उन्होंने कहा कि एक टांग उठाओ उठा ली अच्छा दूसरी उठाओ नहीं उठा सकते अच्छा जो तुम्हारे इख्तियार में है वो नसीब है जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है वो मुकद्दर है जिस माँ के घर पैदा होना था वो तुम्हारे मुकद्दर में था और नसीब वो है जो तुम आज करते हो और उसका खाते हो आज तुम जो काम करोगे उसका तुम खाओगे जो करोगे उसका रिजल्ट आए जो करोगे उसका तुम्हारे नसीब पर असर पड़ता है नसीब आपके किए हुए फैसले हैं एक गलत फैसला कर दें पांच साल पीछे एक फैसला सही कर दें पांच साल आगे कभी आपने चेक करना इस थ्यूरी को अपने क्लास फेलोज को ठाक देखना बचपन के सारे क्लास फेलोज को इकट्ठा करें बोले क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या, 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 क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है तो आप देखेंगे कोई करोड़ों पे बैठा हुआ कोई दस लाख पे बैठा हुआ कोई रोड पे बैठा हुआ कोई आसमान में बैठा हुआ कोई कुछ कर रहा है कोई हर इंसान की परफॉर्मेंस अलग है हालांकि आप लोग सब एक ही क्लास में पढ़े थे क्यों फैसला एक एक फैसला आपको पांच साल आगे लेके जा रहा है या साल पीछे लेके जा रहा है आप लोगों को तो मेरे फैसले थे मेरी 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 ज़िंदगी इंटेलिजेंस हार्डवर्क सब एक जगह पे मेरे सारे गलत फैसले मैं लॉस में जाता गया जा दलदल में फंसता गया फंसता गया फंसता गया फंसता गया और मैं माइनस वन मिलियन डॉलर पे था सात लाख यूएस डॉलर मेरे कर्जे थे मेरे ऊपर तीन लाख यूएस डॉलर मेरा अपना था एक मिलियन यूएस डॉलर में माइनस में था 2015 की बैंक में अच्छा तो मुझे जब भी अकल समझ आई तो मुझे मैंने रियलाइज किया कि अब मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं जिसमें मेरे घंटे कम इस्तेमाल हो और आउटपुट ज्यादा हो तो गुड बिजनेस बैड बिजनेस वाली मेरी वीडियो देखिएगा आप लोग जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया गुड बिजनेस किसे कहते हैं गुड बिजनेस वो होता है जिसमें ऑटोमेशन ज्यादा होती है घंटे कम इस्तेमाल होते हैं आउटपुट ज्यादा होता है और वो फ्लेपेबल होता है दुनिया का हर गुड बिजनेस फ्लिपेबल होता है और दुनिया का हर बैड बिजनेस फ्लेपेबल नहीं होता होलसेल एफबीआई का बिजनेस फ्लिपेबल नहीं होता फुलिस दौलत हमेशा फ्लेपेबल एसेट से बनती है दौलत हमेशा गुडविल से बनती है सारी जिंदगी जाए मेहनत कर ले आप लोग दौलत नहीं बनने वाली सारी जिंदगी गुजर जाएगी आपकी दौलत नहीं बनेगी तो दौलत हमेशा बनती है गुडविल से फ्लिपेबल एसिड से अच्छा जी आप सनी भाई बता रहे हैं गुडविल क्या है और फ्लिपेबल एसिड कैसे कहते हैं मिठाई की दुकान ले लें आप लोग मिठाई की दुकान आप लोग एक काम करें मिठाई की दुकान लें उस पर मेहनत करें दो साल मेहनत करके उसको बड़ा करें लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी मिठाई की दुकान में सक्सेस हो तो एक मिठाई की दुकान का टॉप का मेंटोर उठा के लाएं, उसको बोले अल्लाह के नाम पे मैं सिखा दो भाई मिठाई की दुकान कैसे बनाते हैं पैसे ले लो आप उसको पैसे दें वो आपको हेल्प करेगा गाइड करेगा क्यों उसका बीस साल का तजर्बा है आपका नहीं है इमाम अली ने यही कहा था ना कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवर तीन जवानों के बाजुओं से भारी है कर तजर्बाकार करूंगा, तो करूंगा और बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करूंगा मैं करूंगा तो पिटूंगा बहुत ज्यादा आप तो पहले पिटे हुए दुनिया जहां के मारे हुए इंसान है आप बताएं भाई मिठाई की दुकान कैसे चलाते हैं अच्छा उसने आप कुछ कहा दिया आपने मिठाई की दुकान बिल कर दी दो साल के बाद अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं क्या आप इस मिठाई की दुकान को फ्लिप कर सकते हैं yes no. अगर ये फ्लिप कर सकते हैं यहां से बनती है दौलत मिठाई की दुकान पे आपके पास हैं दो ऑप्शंस आप या तो सारी जिंदगी लोगों को मिठाइयां बेचें या मिठाई की दुकानें बना बना के बेचें सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे मिठाई की दुकान बेचने पे मिठाई बेचने पर इतने पैसे नहीं बनेंगे जितने मिठाई की दुकान बेचने पे पैसे बनेंगे आपके यानी फ्लिपेबल एसिड एक ऐसा एसिड आपने कहा जी मिठाई की दुकान क्या दुकान है वैसे महीना मेरा पांच लाख रुपए प्रॉफिट आता है इसमें से बायर कहता है अच्छा पांच लाख रुपए आता है मैं ये आपकी दुकान खरीद लेता हूँ आपसे पूरी दुकान मुझे दे दो आपने कहा ले लो भाई दो साल का प्रॉफिट दे दो और ये दुकान ले लो उसने कहा ठीक है जी पांच लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर मंथस ये आपको पैसे दे देता हूं ये बनता है एक करोड़ बीस लाख रुपए ये लीजिए भाई साहब एक करोड़ बीस लाख रुपए आपने कहा ये लो चाबी दुकान आज के बाद आपकी हुई आपने एक झटके में बनाया एक करोड़ बीस लाख रुपए आपने अपने आने वाले दो साल का प्रॉफिट एडवांस में ले लिया अच्छा अब आप लोग ये पूछेंगे कि जी क्यों बेच रहे हैं हमारे तो पांच लाख रुपए बन रहे हैं देखे पांच लाख रुपए से किचन मनी बन रही है दौलत नहीं बन रही है। नहीं सनी भाई ये तो हम सवा करोड़ से हम क्या करेंगे भाई दूसरी दुकान बनाए ना वो आप क्यों इसलिए कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं दुकानें बना बना के बेचने के जो तजर्बा आपके पास है ना मिठाई की दुकान बना के बेचने का वो दूसरों के पास तो नहीं है दूसरे कहते हैं कि अल्लाह के नाम कोई बिजनेस बता दो हमारे पास सवा करोड़ पड़ा हुआ कोई मिठाई की दुकान ही दे दो हमें हमारा घर चलना दूसरा कहता है मेरा मसला हल हो जाए पांच लाख रुपए आप जवान हैं आपने दुकान खड़ी की सवा करोड़ की बेची सवा करोड़ जेब में लिए फिर 20 30 लाख रुपए लगा के दूसरी दुकान बनाई दो साल के बाद फिर सवा करोड़ की फ्लिप की फिर आपने तीसरी दुकान बनाई फिर सवा करोड़ की फ्लिप कर दी आप तो प्रोफेशनल हो गए हैं आपको तो आदत पड़ गई बेचने की जो नया ओनर आएगा उससे मिठाई बेचने में आप ना बेचे मिठाई आप दुकान बेचे यहां से बनती दौलत तो एमेजॉन पीएल के बिजनेस में हम यही तो करते हैं हम अपनी एक लिस्ट बनाते हैं एमेजोन के ऊपर मैं सनी कॉफी बनाता हूँ मैंने कॉफी बनाई और मैंने कॉफी बनाकर अपनी Amazon की लिस्ट ऑन कर दी Amazon के ऊपर अच्छा मेरी कॉफी की लिस्ट ऑन हो गई और मुझे दिन का एक ऑर्डर आता है क्यों लोग जब टाइप करते हैं ब्लैक कॉफी तो मेरी लिस्ट जो है वो दसवें बारहवें सफ़े पे नजर आती है लोगों को लोग जाते ही नहीं दसवें बारहवें सफ़े के ऊपर लोग तो पहले टॉप टेन से खरीद के पारी हो जाते हैं तो अब मैं रैंकिंग पर काम करूंगा यहाँ पे लगेंगे मेरे पैसे तो लगने देना कितने लग जाएंगे अजी दस हजार बारह लगा देना दस बारह हजार डॉलर जी हम तो गरीब आदमी हैं कहां से लाए दस बारह हजार सोच बड़ी करें आप दस बारह हजार डॉलर छोड़ें दस बारह हजार डॉलर उड़ के आ जाएगा आपके पास कभी प्लेटफॉर्म पे जाके एक पोस्ट डाल दें कि मैं सनी भाई का स्टूडेंट हूं और सनी भाई ने मेरी प्रोडक्ट अप्रूव कर दी उसके बाद आप बताएं चालीस हजार पचास हजार डॉलर एक घंटे में आएगा आपके पास एक घंटा पूरे दुनिया से लोग टूट पड़ेंगे आपके ऊपर आप सनी भाई के स्टूडेंट ने प्रोडक्ट अप्रूव हो गई है वाकई अल्लाह के नाम पर मैं आपके साथ चालीस डॉलर लगाने के तैयार हूं आप मेरे पार्टनर बन जाए मनी को तो बीच में ला ही नहीं ना आप लोग ये तो मुझे कोई बोले ही नहीं की जी मैं गरीब आदमी हूँ पैसे तो है ही नहीं मैं मुझे कोई ये ना ये बात ना बोली मेरे साथ पैसे तो चल कर आ रहे हैं आपके पास आपको सिखा तो दिया मैंने पैसे कैसे चल कर आते हैं इन्वेस्टमेंट चल कर आती है आईडिया आपके पास चल कर आती है आप करने वाले बने पैसों को छोड़ दें अब पैसों की फिक्र नहीं करें मैंने अपना एक मिलियन यूएस डॉलर लगाया स्टूडेंट्स के साथ एक मिलियन यूएस डॉलर सोलह करोड़ में लगाए स्टूडेंट्स के साथ डूब गए मेरे अच्छे खासे डूबे उसमें मैं 2018 में मैंने लगाने शुरू किए थे अच्छे खासे डूब गए चार लाख डॉलर तो कम से कम मेरा डूबा उसके अंदर और छह लाख डॉलर मेरा उस छह लाख में से चार लाख मेरे अच्छे एसेट्स बने हैं दो लाख बस ठीक है सो सो रहे मेरा उस वक्त फेलियर एश्यू जरा हाई था 2017 2018 फिर 2019 में इंप्रूवमेंट आई 2020 में तो उंगली रख देते हैं हम प्रोडक्ट के ऊपर और वो उड़ जाती है प्रोडक्ट उंगली रखते हैं अब तो हम लोग उंगली रख के मैं बता दूंगा ये है उड़ने वाली पड़ा वो उड़ती है सक्सेस जबरदस्त हो चुका है है क्यों वो जो मेंबर्स उनको तो पता ही है मार्केटिंग जिंदाबाद मुझे तो नहीं पता प्रॉक्सी मार्केटिंग किसने स्टार्ट की थी बहरल जिसने भी की थी अल्लाह उसका भला करे क्या वैसे प्रॉक्सी मार्केटिंग पाकिस्तान की इतनी बड़ी आर्मी बन चुकी है कौन सा अमेजोन की लिस्ट है जिसको हम रैंक नहीं कर सकते अब अब सक्सेस रेशो हमारा बहुत हाई हो चुका है तो मनी मसला नहीं है लगा दें बारह डॉलर लगा दें बारह लगता है तो, हम करके तो अपनी लिस्ट को पहले पेज के ऊपर लेकर आते हैं तो मेरी कॉफी बिकनी शुरू हो गई अब मेरे आते हैं डेली पचास साठ पचास साठ पचास साठ पचास साठ ऑर्डर डेली का आता है मेरा एक ऑर्डर के ऊपर तीन डॉलर बनता है प्रॉफिट

फंडिंग एक घंटे में आ रही है आपके पास तो हाँ फिर बिजनेस आसान हो जाता है उसमें सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके तो मैंने जब उसको रैंक किया तो मेरा मंथली पांच हजार छह हजार डॉलर प्रॉफिट बनना शुरू हो गया अब मेरी लिस्ट पे कोई मीटू करके चिपक सकता है नहीं चिपक सकता कोई चिपकेगा मैं किक आउट करवा दूंगा उसको कोई हाईजेक करने की कोशिश करेगा करवा दूंगा कोई बड़ा मसला नहीं है तो अब ट्रेडमार्क मेरा है ब्रांड मेरा है मैंने मैंने देखा कि मेरे दिन के पचास बिक रहे हैं तो मैंने दो महीने की यानी कि तीन हजार यूनिटॉन रखवा दिया पिक करता पैक करता शिप करता रिटर्न करता करता पैक शिप रिटर्न रिफंड कस्टमर सपोर्ट करता सब कुछ करता तो फिर मैं क्या करता हूँ कुछ नहीं करता मैं मैं देखता हूं उसको मैं उसकी रैंकिंग पे काम करता हूं तो अब मेरी कस्टमर सपोर्ट कस्टमर कहता है जी मेरी शिपमेंट नहीं मेरी भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हैं अमेजोन से बात करें ना आप जाएं अमेजॉन को कॉल करें कस्टमर जाने अमेजॉन जाने मैंने कुछ नहीं करना आप। मैंने ना कस्टमर को सपोर्ट करनी है ना मुझे इटालियन की कस्टम्स ड्यूटी की फिक्र है ना मुझे यूके कस्टम्स ड्यूटी की फिक्र है ना मुझे इस बात की फिक्र है कि बायर को शिपमेंट क्यों नहीं मिली भाई नहीं मिली तो मेरा क्या कसूर है अमेजोन से बात करो ठीक है अब यहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी हम शॉपिफाई के स्टोर में अपना कस्टमर बनाएंगे और उस कस्टमर की ओनरशिप होगी हम उस कस्टमर को कुछ अपसेल करेंगे बाद में हम बोलेंगे कॉफी ली थी मोका वाली कॉफी भी ले लें ये वाली भी ले लें ये भी ट्राई कर लें हम उसको ये भी बेचेंगे वो भी बेचेंगे ये भी करेंगे वो भी करेंगे मैं नहीं करना चाहता ये सब मैं कहता हूं जितने बिक्रे हैं बहुत हैं मैं क्यों कस्टमर के पीछे पड़े हूं मैं नहीं बेचना चाहता मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि जेनी कौन है जेनी हमारी कॉफी खरीदती है और मैं जेनी को अप्रोच करूं कैसी लगी हमारी कॉफी आपको आपको ये वाली ट्राई करनी ये वाली ट्राई करनी क्यों मेरे घंटे खर्च होते हैं जब मैं ये काम करता हूं मैं कहता हूं मैंने अपने घंटे नहीं खर्च करने अपने घंटे अपने हाथ में रखने क्यों खर्च करूं अपने घंटे जी आप आप कस्टमर को जब अप्रोच करते हैं उसको अपसल करते हैं तो आपकी सेल बढ़ जाती है नहीं मुझे नहीं बढ़ानी सेल अपने मुझे नहीं बढ़ानी पांच छ हजार डॉलर आ तो रहा है मेरा और पांच छह हजार डॉलर मेरा आ रहा है कुछ किए बगैर ही आ रहा है तो फिर मैं क्यों सेल बढ़ाऊं मैं क्यों उसको यह भी अपसेल करूं ये भी अफसल करूं वो भी अपसल करूं और जैनी का नंबर निकालने की कोशिश करूं जैनी अमेजोन से मत खरीदो मेरी वेबसाइट से खरीद लो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्यों मैंने ये अमेजोन का स्टोर रखना ही कौन सा अपने पास मैंने तो स्टोर ही फ्लिप कर देना है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं जैनी से मैंने ये स्टोर बेच देना है तो मैं जाता हूं एम्पायर फ्लिप डॉट कॉम के ऊपर और अपना स्टोर सेल पर लगा दूंगा तो पांच छह हजार डॉलर पर मंथ मेरा प्रॉफिट है एम्पायर वालों ने इवेल्यूएशन की उन्होंने कहा जी आपको छत्तीस महीने का प्रॉफिट मिल सकता है तो मैंने कहा ठीक है छत्तीस महीने का प्रॉफिट जो मुझे देगा ले लो मेरा पूरा बिजनेस ले लो मैं अपनी पूरी दुकान बेचने के लिए तैयार हूं तो पांच हजार डॉलर मल्टीप्लाई बाय थर्टी सिक्स मंथस यह बनता है एक लाख अस्सी हजार डॉलर अब अगर ये छह हजार डॉलर था वो तो रफली दो लाख डॉलर बनता है तो मुझे एम्पायर फ्लिपर से किसी ने दो लाख डॉलर ऑफर किया मैंने कहा ये लो भाई मेरा अमेजोन का अकाउंट ले लो ये अमेजोन अकाउंट की लीगल ओनरशिप में अब आपको ट्रांसफर करूंगा अब ये बिजनेस आपका हुआ लाइए मेरा दो लाख डॉलर आप मुझे देते और ये दो लाख डॉलर में मैंने अपना पूरा बिजनेस बेच बेच दिया यहां से बनती बनती है है दौलत वो जो को है बेच रहे थे उससे किचन मनी महीने का पांच हजार छह हजार डॉलर पर मंथ जो मैं बना रहा हूं वो किचन मनी है और ये जो एक झटके मैंने दो लाख बनाया है ये कहलाती है दौलत ये कहलाती है एसेट फ्लिपिंग मैंने अपना एमेजॉन का पूरा एसेट बेच दिया अच्छा उसमें मैं

बीस महीने दे दूंगा और कुछ दे दूंगा कोई कैश पाकिस्तान में वहीं सेटल कर दूंगा आपको कहा जा रहे हैं, पे, जा रहे हैं पायर पे जिसकी वजह से मैंने लगा दिया आप सब लोगों को एसिड बनाने के ऊपर और मैं खुद बायर हूँ आप लोग एसिड बनाए मैं खरीद दूंगा ना आपसे अब आप बोलेंगे सनी भाई आपको खरीदने की क्या जरूरत है क्यों खरीदते हैं आप एसिड देखिए मैं एसिड इसलिए खरीदना चाहता हूं कि मैं क्रिएट नहीं कर सकता कैसी बात करते हैं सड़े पूरे पाकिस्तान को तो आपने क्रिएट करना सिखा दिया और आप कह रहे हैं आप क्रिएट मैं क्यों करूं क्रिएट क्यों करूं क्रिएट तैंतालीस साल का मैं बाबा हूं बच्चे ही बच्चे हैं मेरे घर ही तो घर हैं मुझे वो भी संभालने हैं क्यों करूं ये सब मैंने तो बिजनेस ही नहीं करना मैं अपनी जिंदगी में दोबारा बिजनेस नहीं करूंगा कभी क्यों करूं भाई आप लोग हैं ना बिजनेस बनाने वाले है ना आप लोग बनाए आप लोगों की जवानियां खरीद लूंगा मैं आप लोगों से मैं आप लोगों की जिंदगी के साल खरीद लूंगा आप लोग लगाए ना अपने दो दो साल एसिड बनाए ना जाके मैं हूं ना बायर आपका मैं खरीद लूंगा आपसे लॉजिक समझने की कोशिश करें आप लोग इंसानों की जिंदगी खरीदने की साइंस को समझने की कोशिश करें अगर आप लोगों ने मिलियनर या बिलियनर बनना है फ्यूचर में मैं आपकी जवानियां खरीद लूंगा आपसे आप, आप लगाए ना अपने दो साल जिंदगी के मैं क्यों लगाऊ अपने जिंदगी के दो साल क्यों लगाऊ भाई आप दस जवान लड़के अपनी जिंदगी के दो दो साल लगाए एसेट्स खड़े करें मैं आप लोगों के वो दो दो साल बीस बीस महीने की कीमत देकर खरीद लूंगा आपसे मैं तो अपनी जिंदगी के बीस साल बचा रहा हूं आप लोग लगाए अपने अब लॉजिक समझ आइए आपको क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी खरीदने वाला क्यों खरीद रहा है अब बेचने वाला क्यों बेच रहा है जी बेचने वाला इसलिए बेच रहा है कि वो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है वो जवान है खरीदने वाला इसलिए खरीद रहा है कि वो बबा हो चुका है वो कहता है मैं क्यों एसिड्स बनाऊं सुकून की जिंदगी गुजारो बच्चों के साथ वक्त गुजारो हाँ बेटा एसिड बन गया आपका चलो ये लो बेटा पैसे लो लाओ अपना एसिड मुझे दे दो मैं रखूंगा अपने पास मैं उसको एम्पायर कर दे दूंगा जाके मैं एक साल इंतजार करूंगा एक दो साल का खुद बेच दूंगा आपने कहता आप कर लें आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग कर लें जिसने खरीदना खरीद ले जिसने बेचना बेच दे अच्छा खरीदने वाला अच्छा चले मेरी तो लॉजिक समझ आ गई आपको सनी भाई तो मल्टी मिलियन है वो तो चले मिलियन डॉलर भी लगा के खरीद लेंगे किसी की जवानी खरीद सकते हैं आ, हम एवरेज बिजनेस ओनर्स क्या कर सकते हैं जी मेरे पास एक लाख डॉलर है आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी के एसेट्स खरीदे उसकी वजह यह है कि एम्पायर में जाके आप क्यों खरीद रहे हैं पाकिस्तान का यंग गली गली में एक एक बच्चा इस पर बना रहा है आप बच्चे ही खरीद लें बच्चा खरीदें आप लोग जाके बच्चे अपनी जवानी आपको बेचने के लिए तैयार हैं इस पर आप उनकी जवानियां खरीद लें खून छोड़ दें उनका आप, आप। नाराज नहीं होइएगा सनी भाई कहते हैं बच्चा खरीदो खून निचोड़ दो देखें बिजनेस में आप लोगों को बिजनेस की एक सेंस देना चाह रहा हूं मैं आपको बिजनेस की एक लॉजिक बता रहा हूं तो इसको बुरे लफ्जों में मत लेके जाइएगा इसको अच्छे लफ्जों में बिजनेस की टर्म में समझने की कोशिश करें मेरी बात को आप लोग एक बच्चे की जवानी खरीदने का मतलब यह है कि बच्चे का भी फायदा मेरा भी फायदा बच्चा भी खुश कि जी मुझे इन्वेस्टमेंट मिल रही है दस परसेंट बिजनेस में इक्विटी भी मिल रही है एक टके का मेरी जेब से पैसा नहीं लगा वो अपनी जवानी आपको बेचने के लिए तैयार है उसकी वजह बिजली से भरा हुआ है हम तो नहीं भरे हुए भाई हम तो बाबे हैं हमसे तो काम ही नहीं होता अब ना मुझसे कोई एसिड बनता है ना मैं कोई लिस्ट बना सकता हूँ अमेजोन के अकाउंट में लॉग इन हुए कितने साल तो हो गए होंगे मुझे पेपैल का अकाउंट मैंने आज तक खोल के नहीं देखा अंदर से मेरे हैं ना सीओ ये लड़के हैं ना यही कर रहे हैं सारे मैं बस इन्वेस्ट करके इनका वक्त खरीद लेता हूं मेरे तो इसी तरह पैसे बनते हैं ठीक है तो मैं बच्चा इस बात पे खुश कि उसको इन्वेस्टमेंट मिल रही है वो सीख रहा है वो एसेट क्रिएट कर रहा है उसे महीने की सैलरी भी मिल रही है जो मैंने रूल ग्रुप में डाल दिया है कि आपको बच्चा लेना है भाई पहले उसके 200 डॉलर महीने का कम से कम देंगे अब आप लोग जिसने इन्वेस्ट करना बच्चों के ऊपर 200 डॉलर पर मंथ फिक्स है कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल के ऊपर देने पड़ेंगे आपको और ये बूट कैम्प के स्टूडेंट्स हैं हाईली ट्रेन हैं और कैपेबल हैं ये वो लोग हैं जो बूट कैम्प के अंदर हैं जिनके पास बीसी का टैग लगा हुआ है और बीसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में जाके तीस हजार चालीस हजार पचास हजार डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक झटके में ला सकते हैं इन्वेस्टर्स ज्यादा परेशान हैं इस पर उन्हें बच्चे नहीं मिलते और बच्चे जो हैं वो इन्वेस्टर्स उनकी जान को आए हुए हैं अजीब ही इकोसिस्टम सिस्टम है भी है लेकिन है एग्जिस्ट करता आप लोगों के सामने तो मैंने अच्छा चलें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कुछ आम... हाफिज अहमद वाला आप लोगों को पता है शेख वेस वाला आप लोगों को पता होगा ये सारे वो एसेट्स मैंने खरीदे थे आ, मैंने इन्वेस्ट किया था इनके ऊपर और आ, इनके ऊपर मेरी भी इन्वेस्टमेंट है इमरान साहब की भी इन्वेस्टमेंट है आ, मेरे पास ये सिलसिला स्टार्ट करते कैसे हुआ था मेरा पहला एक बार स्टूडेंट आया था और वो शुरू शुरू में जब नया नया स्टार्ट किया था उस, उस वक्त मैं डर दर डर के इन्वेस्टमेंट्स करता था डर डर के डर डर के मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा की इन्वेस्टमेंट डर डर के करवाता था मैं उनसे मैं कहता था सात हजार आठ हजार दस हजार डॉलर के अंदर अंदर ये बिजनेस खड़ा करना है इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए क्यों बेचारा बैंक ना हो तो जाएगी बैंक होगी एंड फिर मेरे पीछे आ जाएगा पूरा पाकिस्तान के जी ये आपने तो ये करवा तो तो दिया तो मैं डर डर के स्टेप्स लेता था तो मेरा एक स्टूडेंट उसकी वो हाई वॉल्यूम में चला गया वो हाई वॉल्यूम में चला गया दो सौ तीन सौ दिन के आने शुरू हो गए उसके वो तो बेचारा बैंक सारे पैसे उसके लग गए वो मेरे पास आ गया कि जी अब मैं क्या करूँ मुझे भी नहीं पता क्या करो मैंने वैसे वेलुएट करके बोला जाओ ग्रुप से कोई मामू उठाओ और फिफ्टी परसेंट इक्विटी उसको भेज दो तो रेस कर लो कैपिटल उसने रेस कर लिया आई रियलाइज किया मैं ही कर देता पैसे मैं ही लगा देता इस बच्चे के ऊपर पैसे मिस्टेक तो हो गई बेसिकली तो वहां से मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था जो मैंने आप सब लोगों को ट्रेन कर दिया है कि जिंदगी की पहली स्टेज है किचन किचन की लूप से निकलना है आप लोगों ने किचन की लूप से निकल के आप लोगों ने एसिड क्रिएट करना है एसेट को बेच के फ्लिप करके आप लोगों ने थोड़ी सी दौलत बनानी है जब आप लोग दौलतमंद हो जाएंगे दौलत बन जाएगी तो आप जिंदगी की तीसरी स्टेज में दाखिल होंगे जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर बन जाना आप लोग इन्वेस्टर बन जाएंगे अब आप लोग बच्चों को खरीदना शुरू कर दें पहले आप बच्चे थे किसी ने आपको खरीदा था अब आप अमीर हो गए अब आप बच्चों को खरीदना शुरू कर दें अच्छा जब आप इन्वेस्टर बन जाएंगे जिंदगी की चौथी स्टेज आएगी जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन आप इंस्टीट्यूशन के स्टेज पर चले जाते हैं फिर आप इन्वेस्टमेंट करना भी बंद कर देना अब तो मैं नहीं करता करता हूं लेकिन अब कम करता हूं एक आध दो लाख डॉलर इधर लगा दिए उधर लगा दिए बस अब मैं इतना ज्यादा नहीं करता मिलियन मिलियन डेढ़ डेढ़ दो दो मिलियन डॉलर पहले मैं लगा रहा था अब मैं नहीं लगाता अब मैं इंस्टीट्यूशन की स्टेज पर जा चुका हूं लोग मेरे पास आते हैं कि अल्लाह के नाम पर अपना नाम हमें दे, दे दें आप सनी भाई ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि सनी भाई हमारे बिजनेस पार्टनर है आप बीस परसेंट ले, ले लें सनी भाई हमसे अपना नाम दे दें आप हमें कहलाती है लाइफ की चौथी स्टेज जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं जब आप एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं आपका नाम आप अपने नाम का कमाते हैं नाम का खाते हैं नाम का बनाते हैं पैसे नहीं लगते अब तो अब तो पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं रही अब मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूं भाई क्या इन्वेस्टमेंट करूं मुझे तो स्वेट इक्विटी मिल रही है अब तो, तो जिंदगी की चार स्टेजेस हैं जो आप लोगों ने क्रॉस करनी है सबसे पहले किचन की लूप से निकलना है पेट का मसला हल करना है पेट का मसला हल होगा तो अकल काम करेगी दिमाग काम करना शुरू करेगा एसिड बनाएंगे एसिड से आप फ्लिप करके दौलत बनाएंगे उसके बाद आप इन्वेस्टर बनेंगे उसके बाद आप एक इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे इंस्टीट्यूशन बनने की भी साइंस सिखाऊंगा आप लोगों को मैं सबसे पहले साइंस उसकी विजिबिलिटी द आर्ट ऑफ विजिबिलिटी जो मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूँ ग्रुप के अंदर तो अब आइए दोबारा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो पी एल एफ बी ए का जो असल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं अमेजॉन के ऊपर एक लिस्ट बनाता हूं और उस लिस्ट को मैं अपना एसेट 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 समझता हूं ये तो मेरा एसेट है और मैं उस एसेट को फ्लिप कर दूंगा मैं इस एमेजॉन के अकाउंट को बेच दूंगा अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ हाफिज अहमद का अकाउंट हमने बेचा तीन लाख यूएस डॉलर का उसका दस बारह हजार डॉलर महीने का प्रॉफिट था तीन लाख डॉलर में बेच दिया तीन लाख डॉलर में वो अकाउंट हमने बेचा और तीन लाख डॉलर का वो अकाउंट इस वक्त उन दोनों अकाउंट खैर बड़ी डिस्क्रिप्शन आई बड़े मिसाइल आए उस अकाउंट के अंदर आसान तो काम नहीं था दो सीईओ आए उसके अंदर दो डिफरेंट अकाउंट डिवाइड किए एक मामून के पास एक बकाश के पास बड़े मिसाइल आए लेकिन जो भी है अभी उन अकाउंट्स की सेल ऑप्टिमल सीजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहरल जब मसले नहीं होते तो उन की सेलें चली जाती है एक एक सत्तर हजार और एक एक अकाउंट में पंद्रह पंद्रह बीस बीस हजार डॉलर पर मंथ प्रॉफिट होता है अगर मैं उन दोनों को कंबाइन करके यानी मैं आपको दोबारा बताता हूँ हाफिस का अकाउंट जब मैंने बेचा था तीन लाख डॉलर का तो उस वक्त था दस बारह डॉलर महीने का प्रॉफिट अभी उसी अकाउंट का प्रॉफिट है रफली तीस हजार डॉलर से लेकर चालीस हजार डॉलर पर मंथ इस वक्त प्रॉफिट है डॉलर पर मंथ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय बनता है मिलियन यूएस डॉलर पूल फंड ने वो अकाउंट एक्वायर किया था पूल फंड वालों की मोजे लग जाएंगे जिस दिन ही मैंने दो अकाउंट बेच तो जिस दिन यानी कि हाफिज का अकाउंट मैंने एम्पायर पे जाके बेच दिया इसलिए नहीं बेच पा रहे कि एम्पायर कहता लाओ भाई पिछले दो साल की हिस्ट्री दो वो दो साल की हिस्ट्री नहीं है हमारे पास हिस्ट्री बिल्ड ही नहीं हो पा रही डिस्ट्रप्शन खत्म नहीं हो रही कंटेनर टाइम पे नहीं पहुंच रहा है इन्वेंट्री टाइम पे नहीं आ रही ये मसले वो मसले एक बार वो मसले हल हो जाए स्मूथली अकाउंट आउट ऑफ स्टॉक ना जाए कभी और इसी तरह बेहतर है एक आध साल के बाद वो पूरी हिस्ट्री जब हम जाके एम्पायर को देंगे और दिखा देंगे भाई ये देखो पैंतीस से चालीस हजार डॉलर या तीस हजार से चालीस हजार डॉलर मंथली प्रॉफिट है हमारा एवरेज और ये हमें छत्तीस महीने का बायर जो भी देने के लिए तैयार है ले लो भाई 1.2 मिलियन डॉलर का ये अकाउंट आपका हुआ तो तीन लाख डॉलर में हमने अकाउंट खरीदा और 1.2 मिलियन डॉलर में बेच देंगे तो ये एक अच्छी खासी जंप है हमारी हमने एसेड खरीदा बेचा अच्छा एसेट बनाया किसने अच्छा एक और एग्जाम्पल लेता तो हूँ वो भी पूल फंड में मैंने एक्वायर करवा लिया था नासिर की एग्जाम्पल नासिर सियालकोट से है। नासिर का अकाउंट हमने खरीदा सत्तर हजार डॉलर में और नासिर के अकाउंट का प्रॉफिट था तीन हजार चार हजार डॉलर तीन चार हजार डॉलर पर मंथ प्रॉफिट था मैंने उसको सत्तर डॉलर देके वो अकाउंट उसका एक्वायर कर लिया पूल फंड के लिए एक्वायर किया था नासिर का जो अकाउंट है वो इस वक्त बेच रहा है एवरेज मंथली प्रॉफिट तीन चार महीने की एवरेज निकली है मेरा ख्याल साठ हजार डॉलर सिक्सटी थाउजेंड डॉलर तो हमने सत्तर हजार डॉलर में खरीदा था सिक्सटी थाउजेंड डॉलर तीन चार हजार महीने में रिकवर हो चुका उसका अभी तक रिकवर हो गया तो हमने उन्हीं पैसों को यूज करके दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी अब उसमें तीसरी प्रोडक्ट भी लॉन्च होने जा रही है वो तो अकाउंट के बड़ा हो जाएगा नासिर का अकाउंट पोटेंशियली मैं एंपायर पे अगर उसको जाके बेचूंगा चार पांच लाख डॉलर का बिक जाएगा ये है पोटेंशियल ठीक है तो आपने पीएल के बिजनेस के अंदर एक चीज समझनी है कि आप एसिड क्रिएट करना चाहते हैं उस एसिड को फ्लिप करके आप बड़ी अमाउंट बनाना चाहते हैं उस बड़ी अमाउंट से आप दोबारा मल्टीपल एसेट्स खड़े करेंगे अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों को आता है जिनका किचन का मसला हल नहीं हुआ जिनका पेट का मसला ही नहीं खत्म हो रहा वो कद्दू एसिड बनाएगा बेचारा वो तो बेचारा भूख से तड़प रहा है वो कह रहा है जी पेट का मसला हल नहीं हो रहा आप मिलियन डॉलर की बातें करते हैं सनी भाई हमारे साथ इस इको सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि आपको इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म से मिलेगा सबसे पहले तो दो इन्वेस्टर्स आपने उठा लिए एक इन्वेस्टर दो सौ डॉलर दे रहा दूसरा इन्वेस्टर दो सौ डॉलर दे रहा है आपका हो गया चार सौ डॉलर पर मंथ अब आप मुझे बताएं पेट का मसला हल हुआ या नहीं हुआ या सुनो हो तो गया पेट का मसला हल आपका पॉलिसी थी ना पॉलिसी थी मैंने वैसे एक पोस्ट डाल के पेट का मसला हल कर दिया डंडा दे दिया ना इन्वेस्टर्स को इसलिए कि इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा हो गए घोड़े कम पड़ गए तो भाई इन्वेस्टर्स को लूटे ना थोड़ा सा और आप इन्वेस्टर हैं हमें लूटने का मौका तो दें थोड़ा सा आप पैसे हैं आपके पास थोड़ा सा हमें भी दें तो ना बच्चे को दो डॉलर आप महीने का क्या मसला है एसिड बिल्ड करने का शौक है आपको तो ना बच्चे का दो डॉलर उसका पेट का मसला तो हल करें पहले तो बच्चे का भी मसला हल हो गया और इन्वेस्टर को भी लॉयल्टी उसने बच्चे ने प्लेज कर दी कि जी अब मैं आपके साथ काम करूंगा एक साल दो साल जब तक ये एसेट फ्लिप नहीं हो जाता मैं इन आपके साथ रहूंगा आप दोनों के साथ रहूंगा अब मैं दो सौ डॉलर इधर से दो सौ डॉलर इधर से चार सौ डॉलर मेरा पेट का मसला हल हो गया अब मैं दोनों के एसेट्स बनाने में मसरूफ हो गया हंड्रेड परसेंट फंडिंग हंड्रेड परसेंट फंडिंग मुझे क्या मिल रहा है सैलरी भी मिल रही है और मुझे दस परसेंट की इक्विटी भी मिल रही है इन्वेस्टर दे रहा है उस अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पेपर पर साइन हो गया दस परसेंट मेरा आप फ्लिप करें इस अकाउंट में प्रॉफिट होगा लेट से तीन हजार डॉलर और तीन सौ डॉलर मेरा बाकी आपका सताइसो डॉलर प्रॉफिट आपका और जब ये अकाउंट लेट से एक लाख डॉलर में फ्लिप हो गया तो दस हजार डॉलर मेरा नब्बे डॉलर आपका तो एक सेंट लगाए बगैर बच्चे को एक पूरी इन्वेस्टमेंट में मिल गई उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई एसिड क्रिएट करने का अच्छा ये तो हो गया एक तरीका पेट का मसला हल करने का पेट का मसला हल करने का दूसरा तरीका बच्चे ने सीख लिया बच्चे ने सीख लिया स्किल गेन कर लिया उसने सीख लिया लॉन्च कैसे होती है एसिड कैसे खड़ा करते हैं रैंकिंग कैसे होती है तो बच्चे ने जाकर अपवर्क पे अकाउंट खोला फाइवर पे अकाउंट खोला और जाके अपनी सर्विसेज बेचनी शुरू कर दें वहां मिलेंगे आपको मोटे मोटे दुम्बे बेचारे गोरे परेशान हैं अच्छा मुझे नहीं बताया आप लोग मुझे नहीं बताइएगा जी गोरे मिलियंस ऑफ डॉलर बेचते हैं जो गोरे मिलियंस ऑफ डॉलर बेचते हैं तो मैं भी जानता हूं मैं तो हर साल जाता हूं हूँ कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करता हूं पूरे अमेरिका में हो रही होती है इंग्लैंड में होती है मैं जाता हूँ अटेंड करता हूँ मिलता हूँ गोरे मिलियंस ऑफ डॉलर बेचते हैं मैं मानता हूं तो कितने हैं वो कितने हैं Amazon के बिजनेस के अंदर 90% नाइनटी तो, तो लोगों के पैसे डूब जाते हैं क्या बिजनेस है के अंदर बेचारा गोरा बीस हजार तीस हजार डॉलर सबसे पहले तो गोरा जाके कोर्स खरीदता है पांच हजार डॉलर का कोर्स लेता है पहले तो जाके उसके बाद वो सारी कोर्स वीडियोस वीडियोस देखने के बाद बीस हजार डॉलर क्रेडिट लाइन से पैसे निकालता है मोर्गेज से पैसे निकालता है वो बेचारा कोई प्रोडक्ट हंट करके चाइना से सामान मंगवाता है उसके बाद लिस्ट करता है वो तो भाई कहता है बिकता क्यों नहीं है मैंने तो सुना था बड़ा बिजनेस होगा एमेजॉन के ऊपर 90 परसेंट लोगों के पैसे डूब जाते हैं एमेजॉन के ऊपर बनते किसके हैं भाई पाकिस्तान का सक्सेस रेशियो सेवेंटी परसेंट से ज्यादा है इस इको well सिस्टम वेल well फंडेड पैसे की कमी नहीं है ये है हमारी सक्सेस का राज पैसे पैसा पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा, पैसा, पैसा. क्यों तो चलो जी गरीब अमीर सारे बैठ जाओ चलो हम आपकी खाल उतारेंगे बच्चे खरीदो गरीब बच्चे भी कह रहे हैं जी गए भाई इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जाए ना बैंक से लेके दिखाए पैसे लेके दिखाएं आप लोग बैंक से पैसे बिजनेस करने जा रहा हूँ मुझे तीस डॉलर दे दो तो अमीरों को लाके सिस्टम में डाल दिया गरीबों को लाके सिस्टम में डाल दिया गरीबों को बोला चलो सीखो अमीरों को बोला चलो फंड करो दोनों का मसला हल हो गया ना ये है प्रॉक्सी मार्केटिंग ऑफ़ कोर्स क्या आर्मी है वैसे वो भी रैंकिंग रैंकिंग सारे वही करते हैं तो ये, ये कुछ वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सक्सेस रेट बहुत हाई है इस वक्त तो मैं मानता हूं गोरे मिलियंस ऑफ डॉलर बेचते हैं दस परसेंट बेचारे हमारी पॉपुलेशन जो मिलियंस ऑफ डॉलर बेचेगी वो ज्यादा होगी गोरों के मुकाबले में लेकिन अब जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है पाकिस्तानी जो है गोरों को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है करें लेकिन खाल उतारें जरा थोड़ी डुम्बे मोटे मोटे पंद्रह पंद्रह सो डॉलर चार्ज करें उनको बोले पंद्रह सो डॉलर दो हम आपकी उतारेंगे भी और फिर आपकी लिस्ट को भी रैंक करेंगे करें आप लोग तो। गोरे आपको पार्टनर बना देंगे बीस परसेंट तीस परसेंट का पार्टनर बना देंगे अपने अकाउंट के अंदर इक्विटियां भी देंगे आपको सैलरी भी देंगे और वीजा भी लगवा देंगे इटली का लगा ना एक लड़के का भी क्लाइंट ने तो लगवा के दिया इसलिए मैं बाकी आप सब लोगों को बार बार कह रहा हूँ वीजे लगवाएं वीजे लगवाए लगवाएं। गोरे वीजे लगवाएंगे आपके दुनिया भी घूमनी है सफर भी करना है आप लोगों ने तो आप लोगों को इक्विटिया भी मिल रही हैं पार्टनरशिप्स मिल रही हैं सैलरियां मिल रही हैं वीजे मिल रहे हैं चलें फिर करें फिर लेकिन खाद उतारें सही तरह से ये नहीं तीन सौ डॉलर में जाके बेच कर आ गए ये मत करें आप लोग जरा स्टैंडर्ड थोड़ी अपनी इज्जत जरा ज्यादा रखें उसकी वजह यह है कि महंगा बेचेंगे तो कम बेचेंगे कम बेचेंगे तो घंटे कम इस्तेमाल होंगे सकूंगी नहीं सुंदर आपको ज्यादा बेचेंगे सस्ता बेचेंगे घंटे ज्यादा इस्तेमाल होंगे क्वालिटी भी कम हो जाएगी और नींद भी पूरी नहीं होगी आप लोगों की तो महंगा बेचे बेहतरीन बेचे लेकिन महंगा बेचे महंगा बेचने से कम बिकता कम बिकने से क्वालिटी मेंटेन होती है ठीक है अच्छा चले ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को तो आप लोगों को साइंस समझ आ गई थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब पीएल की इब्तदा अब आप लोगों ने डिसाइड करना बीबीसी खोलें एफ होलसेल पूरा उसके अंदर मौजूद है जिसने सीखना सीखे आपने एफ होलसेल करना होलसेल कर लें शॉपिफाई करना शॉपिफाई कर लें कर लें कर लें आपकी मर्जी लेकिन अगर वो मुझसे पूछेगा जी दौलत बनाने का रास्ता बनाए पीएल में नजर ये नहीं कहता आप मिलियन बन जाएंगे लेकिन मैं ये कहता हूँ चांस है आपका पोटेंशियल है चांस ले लें भाई जिंदगी में जाए इतने चांसेस लें ले थोड़ा सा और ले लें अच्छा अब वीबीसी वीबीसी भी बन तो गई वीबीसी में सब कुछ है आप सीखे वहां से जाके पैलेस तो अब बीबीसी होना चाहिए ये जो अभी इक्कीस सौ लोग मैंने बूट के मैं रिजेक्ट किए पांच सौ को एडमिशन मिला अब अगर मुझे पैसे माने लेकिन मेरे तो पैसे पैसे बनते हैं मेरे मेरे बहुत बनते हैं मेरे बहुत बनते हैं आप परेशान ना हो आप लोग परेशान ना हो ये सनी भाई के पैसे क्यों बनते हैं परेशान ना हो करे मैं काबिल हूं अल्लाह दे रहा है मेरे बन भी रहे मेरी जिंदगी के तेईस साल लगे उसके पीछे मेरे ऐसे ही नहीं बन रहे तेईस साल के बाद बने मेरे तो कोई बात नहीं बनने दें ठीक है बीबीसी बूट कैंप मैं किसी को घुसने नहीं देता बूट कैंप मैं आसानी से क्यों घुसने दूं ऐसे ऐसे चलाक लड़के जो बूटकैप में इसलिए आते हैं कि सीखना विकना नहीं टैग लेना है टैग टैग की पावर है बीसी का टैग एक पावरफुल टैग है और बीसी का टैग लगते ही इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे आईडी आ जाएंगे दुमबे चलते हुए आएंगे हमारे पास तो टैग चाहिए लोग टैग के लिए आते हैं बूटकैप में सीखने के लिए कौन आता है बूटकैप में क्या सीखेंगे आप लोग आके सिखाता विखाता मैं कुछ भी नहीं हूं बीबीसी है ना जाओ वहां से सीखो तो बूट के स्टूडेंट्स अगर ये सोचें कि जी हम तो बूट में नौ सौ डॉलर देकर आए हैं तो किस लिए आए थे अगर बीबीसी से सीखना था तो बीबीसी तो फ्री में मिल जाती है हम लोगों को तो भाई फ्री में सीखे ना आप लोग जाके जाए ना यूट्यूब से सीखें बीबीसी से सीखें मुफ्त में सीख लें आप तो फिर बीसी में आए क्यों हम लोग अजी बीसी में इसलिए आए हैं आप लोग टैग एक तो टैग मिल रहा आप लोगों को सेकंड आप लोगों को प्रोडक्ट अप्रूवल मिल रही है प्राइवेट लेबल ब्रांड के बिजनेस के अंदर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट वो शख्स अप्रूव करे जिसकी अपनी चार प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई पूरी जिंदगी में या वो शख्स आपकी प्रोडक्ट अप्रूव करे तीन चार सौ प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठा हुआ आपकी मर्जी भाई आप सनी भाई के पास इसलिए आते हैं कि सनी भाई ने तीन चार सौ प्रोडक्ट लॉन्च की हुई हैं प्रोडक्ट की नब्स के ऊपर उंगलियां हैं उनकी एक स्क्रीन देख के मैं बता दूंगा चलने वाली नहीं चलने वाली लेकिन नंबर डाटा मुझे अपने मतलब का चाहिए होता मुझे मैसेज मच कीजिएगा मैसेज करके सनी भाई क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में पिशावरी चप्पल नहीं नहीं मेरा कोई ख्याल नहीं इसके बारे में उसकी वजह यह है कि ये प्रोडक्ट नहीं चलने वाली जो जो हमें चाहिए वो नहीं है जो हमें चाहिए

प्रोडक्ट अप्रूवल चाहिए उसके बाद लॉन्च सीखनी है लॉन्च सीखनी है जिसे हम कहते हैं बूटकैम लोग इसलिए आते हैं सीखने के लिए कोई नहीं आता बूटकैम के अंदर सीखने के लिए बीबीसी और बूटकैम की मजे की बात है नौ सौ डॉलर की बूट कैम की बात करते हैं हमें लोग ढाई हजार लोग अप्लाई कर रहे हैं ढाई हजार लोग कहते हैं अल्लाह के नाम पे नौ सौ डॉलर ले, ले हैं, दाखला बस मुझे मुझे ये बिल्ली का बच्चा है रिजेक्ट निकाल दो उसके मुझे चाहिए नहीं मुझे बिल्लियां नहीं चाहिए बिल्लियों से मुझे बहुत डर लगता है बिल्ली म्यू म्यू करती है बेचारी रोती है कम्पलेन बहुत ज्यादा करती है दुनिया से नाराज इमरान खान से नाराज मुझसे भी नाराज एक्सट्रीम कॉमर से भी नाराज बिल्लियां तो चाहिए मैंने बर्बाद किया है सुल्तानाबाद से निकल के तो मैं यहां तक पहुंचा हूं तो वो बिल्ली तो बिल्ली तो नजर ना आए मुझे किसी किस्म की बिल्ली नजर नहीं आनी चाहिए बिल्ली मेरे पास ना आए गलती से भी तो क्राइटेरिया है और मुझे नहीं चाहिए मुझे ये मैं मेरा क्या नौ सौ डॉलर मुबारक हो आपको एडमिशन मिल गया बुढ़ के चलो जी ढाई हजार लोगों से नौ सौ डॉलर पकड़े मेरे तो बन गए ना ढाई मिलियन यूएस डॉलर एक झटके में बना तो लिए मैंने नहीं चाहिए मुझे लूंगा अपने मतलब के लोग लूंग, लूंगा चुन कर लूंगा चुन कर लूंगा अपने मतलब के लोग लूंगा अपने मतलब के लोगों मतलब के साथ मैं काम करूंगा बाकी मुझे नहीं करना काम मुझे चाहिए नहीं है तो इसलिए बूट कैम्प में एडमिशन नहीं मिलता लोगों को ये वजह उसकी वीडियो बुटकेम लेना आप लोग जाके जाए मुफ्त में सीखें वीडियो बुटकेम के अंदर सब कुछ मौजूद तो है सारी बूट कैम्प के सेशन क्वेश्चन आंसर जूम सेशन हर हफ्ते जूम सेशन हो रहे होते हैं लोगों के सवाल जवाब सवाल जवाब सब रिकॉर्डेड मौजूद तो है वीडियो बुटकेम में वहां से सीखे आप लोग जाके वीडियो बुटकैम जी कितने का है जी एक सौ अस्सी डॉलर का ले लेना एक सौ अस्सी डॉलर बर्बाद कर दे अपने एक सौ अस्सी डॉलर आप लोग जिंदगी में इतना बर्बाद किया है इतना यूनिवर्सिटियों ने आपके फीसें ली हैं हमें भी लूटने का थोड़ा सा मौका दें अब आप लोग हमें भी लूटने दें अब आप लोग दे दें एक डॉलर आप लोग बर्बाद कर दें अपना एक डॉलर ट्राई कर ही लें अच्छा जब बीबीसी ले लिया ना एक डॉलर का रिफंड नहीं मांगिएगा रिफंड मत मांगे हम तो दे देंगे मांगिएगा नहीं आप पनिश करें अपने आप को सजा दें बुटकैम हो या वीडियो बुटकैम हो सजा दें अपने आप को कि मैं रिफंड नहीं लूंगा सजा दें ताकि तकलीफ हो यार पैसे लगाए हुए हैं कुछ तो सीख लूं पैसे लगा दिए मैंने करना पड़ेगा मुझे और अगर नहीं किया तो नहीं लेने पैसे ताकि तकलीफ हो मुझे पनिश करें अपने, अपने आप को सेल्फ ऑडिट पनिश करना सीखें अपने आप को तो 94 परसेंट लोग वीडियो बुटकैम वैसे फ्री में ले लेते हैं फ्री में लेना है, ले लें भाई आपकी मर्जी में तो आप लोगों को छोड़ दिया भांजा मस्किन से कोई भांजा ले आए है। बोले बेचारा बहुत गरीब इंसान है पचास हजार रुपए से कम इसकी तनख्वाह है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं उसकी यूनिवर्सिटी का एक लेटर डाल दें बैंक स्टेटमेंट डाल दें मुफ्त में ले, ले लें बीबीबीसी मुफ्त का लेने का तरीका बताते तो दिया आप लोगों को आपकी मर्जी भाई मुफ्त में लेना मुफ्त में ले लें पे करके लेना है पे करके ले लें दिल नहीं मानता पे कर दें डिस्काउंट चाहिए डिस्काउंट ले लें हमने तो आप पर छोड़ दिया क्या पैसे कमाने मुझे बीबीसी से लेकिन मेरी एडवाइस माने लुटवा लें थोड़ा सा हमें भी लूटने का मौका दें अब आप आपको थोड़ा सा लूटेंगे इतनी बड़ी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है नाइनटी फोर परसेंट लोगों को फ्री में बांटना है तो आप ही से आपको लूट लूट के ही तो बांटेंगे अब लीच वालों की इतनी खाल उतारते हैं हम लोग आठ हजार डॉलर मांगते हैं हम हम भी कहते हैं जी खाल उतारे क्यों अमीर क्यों है आप चलें आठ हजार डॉलर दें तो इन्हें लूट लूट के ही तो सपोर्ट कर रहे हैं इतने बड़े इकोसिस्टम को हम लोग इतने लाख लोग फ्री में सीख रहे हैं कैसे सीख रहे हैं कैसे चल रहा है ये इतना बड़ा इको सिस्टम कैसे चल रहा है इसी तरह से तो चल रहा है अमीरों को लूटो और गरीबों को बेचारों को बांट दो गरीबों को लूट के मिलियन नहीं बन सकते आप पॉसिबल नहीं है बेचारा गरीब कितना मिलियन बना देगा आपको मिलियन बनने के लिए अमीरों को लूटा जाता है हमेशा ठीक है ये पॉइंट लॉजिक भी क्लियर हो गया आप लोगों को चले अब आइए दोबारा तो हमें पीएल की साइंस समझ आ गई हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया आपकी मर्जी अब जो करना है करें आप लोग आपने पीएल करना है पीएल करें आपने होलसेल करना है होलसेल करें भाई आपकी जिंदगी आपकी मर्जी मैंने आपको फाइनल कंक्लूजन बता दिया है एफ बी ए होलसेल के मॉडल में बनेगी किचन मनी आपकी दौलत फुल स्टॉप नहीं बनने वाली आपकी आपकी मर्जी अच्छा आप कहते हैं नहीं चलो मैं अभी यह से स्टार्ट करता हूँ हजार डॉलर बनाता हूँ फिर मैं एक दिन जरूर इनशाला पीएल की तरफ वो दिन नहीं आएगा आपका मेरा भी नहीं आया था मेरा भी वो दिन आया ही नहीं जब तक मैं बैंक नहीं हो गया मैं पीएल की तरफ नहीं आया वो दिन आएगा नहीं उसकी वजह ये आप बिजी होते जाएंगे बिजी होते जाएंगे बिजी होते जाएंगे दूसरी प्रोडक्ट तीसरी प्रोडक्ट चौथी प्रोडक्ट पांचवी प्रोडक्ट मज़ा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है

दौलत बनाने का एक ही फॉर्मूला ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें ऑटोमेशन हो घंटे नहीं चुसे जाए मेरे। मेरे घंटे ना चुसे बस घंटे कम से कम लगे मेरे तो पीएल के अंदर हम कर ये रहे हैं पीएल की बात कर रहा हूं अब हम कर ये रहे हैं। मैंने, मैंने, मैं क्या करता हूं मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स के घंटे खरीद लेता हूं मेरा स्टूडेंट एसेट बनाता है मैं कौन सा बनाता हूं ऑफिस बना रहा है अवेज बना रहा है सारे लड़के मिलके एसिड बना रहे हैं मैं इनके घंटे खरीदे जा रहा हूँ इनके साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ मैं अच्छा एक तो स्टेप ये हो गया अच्छा आगे ये कौन सा काम करते हैं इन्होंने भी घंटा तीवी देख ली है सबने ये भी कहते हैं हम भी घंटे खरीदेंगे ये आगे आप उनसे छोटे बच्चों के घंटे खरीद लेते हैं जिसकी वजह से वीए की मोजें लग जाती है तो काम असल में वी करता है मेरा सीईओ भी नहीं करता ये मेरे जितने सीईओ ईओ है मेरे पैंतीस चालीस के करीब सी हैं जो वो लड़के हैं मेरे स्टूडेंट जिनके साथ मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं जिनके साथ मेरे अकाउंट चल रहे हैं और आ, ये लड़के जो हैं रैंकिंग कर रहे हैं स्ट्रेटेजिस्ट मेरे पास तो समरी आती है छोटी सी मेरा दिन का पांच मिनट लगता है मैं अगर अपने मोबाइल के अंदर चेक करूं तो मैं आपको सबसे पहले आ, मैं यहां पे टाइप करूंगा सीईओ व्हाट्सएप के अंदर और ये मेरे सारे सीईओ के अकाउंट जिसमें एक है सुहेल तारीख मुल्तान वाला आप लोगों को पता है अली गोहर सियालकोट वाला अली गोहर के अकाउंट को अगर मैं चेक करूं क्विकली क्या हो रहा है इस वक्त तो अली गोहर के अकाउंट में इस वक्त अली गोहर के अकाउंट में इस वक्त ढाई सौ यूनिट अच्छा ये क्योंकि मैंने इनको सबको एक ही चीज सिखा दी है मैंने कहा एक ही प्रोडक्ट के ढाई सौ तीन सौ ऑर्डर दिन के आने चाहिए हमें तो वो प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए जिसपे दस बीस ऑर्डर दिन के आते हैं बिजनेस नहीं करना वो वाला तो अली अलीगर के अकाउंट में तीन अड़ा दिन के आ रहे हैं। है दिन रिपोर्टें चेंज कर ये है मेरा काम। आपने भी वही कर सब करना है एक दिन जो मैं कर रहा हूं तो किचन से निकले एसेट क्रिएट करें फ्लिप करें इन्वेस्टर बने इंस्टीट्यूशन बन जाए एकदम ठीक है तो अब काम कर रहे हैं

उसको भी नहीं पता तो थोड़ी सी खिचड़ी बन गई पाकिस्तान में घंटा थ्यूरी कुछ ज़्यादा ही समझ आ गई लोगों को हर बंदा कहता है काम नहीं करना आउटसोर्स करना है वो जिसको आउटसोर्स करता है वो भी कहता है मैंने भी देख ली घंटा थ्यूरी काम नहीं करना आउटसोर्स करना है जिसको किया था उसने कहा मैंने भी देखी हुई है आ, काम नहीं करना आउटसोर्स करना है ये सिस्टम हो गया खराब काफी बच्चों को अब मैंने डंडा देना शुरू कर दिया अब मैंने कहा खबरदार अगर किसी बच्चे ने आउटसोर्सिंग की बच्चे खराब हो रहे हैं हवा में बच्चे हर बच्चा घंटा थ्यूरी आप आपकी तो उम्र है काम करने की आउटसोर्सिंग हमारे जैसे बाबे करते हैं आपकी उम्र है काम करने की अब मुझे कोई बच्चा नजर आ जाए जो आउटसोर्स करता हुआ पकड़ा जाए डन अलाउड नहीं है तो आप एस ए इन्वेस्टर जिस बूटकेम के स्टूडेंट के पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वो काम करेगा स्टॉप मुझे नहीं चाहिए मेरे पास पार्टनरशिप की जब रिक्वेस्ट आती है कि जी करनी है एक ही सवाल बच्चे की उम्र बताएं क्या है जी बच्चा 22 साल का गो है बच्चा काम करेगा लेकिन अगर बच्चा 30 साल का निकले देन इट्स डिफिकल्ट 30 साल वाला चलो कोई बात नहीं 20 वाले के साथ आउटसोर्स करके आप उसके साथ काम कर ले मिल के कर ले तो ये स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है मुझे काफी सारी नाराज ना आप लोग इस बात पे भाई कहते हैं बाबों का, का हो सकता है नहीं नहीं, वो बाबा बहुत डिसएडवांटेज है इस वक्त जो चालीस साल का भी हो सका है हो चुका है और कहता है मेरा अकाउंट खाली है वो है सबसे बेचारा अंडर प्रिविलेज ग्रुप के अंदर आता है ऐसा बाबा जो खाली बैंक अकाउंट लेके बैठा हो चालीस की उम्र में खाली बैंक अकाउंट चालीस की उम्र में इंसान अपनी औकात का खाता है आप चालीस की उम्र में सत्तर हजार रुपये तनख्वाह है आपकी तो भाई पिछले बीस साल के कर्मों का नतीजा है सत्तर हजार रुपये तनख्वाह पिछले बीस साल की मेहनत का कमाके खा रहे हैं इस वक्त आप। आपका एम्प्लॉयर कहता है क्या तजर्बा है आपका अल्लाह बीस साल का तजर्बा इस इंडस्ट्री में ये लीजिए आपकी औकात सत्तर हजार रुपये महाना ये थी आपकी वैल्यू सब बीस साल के तजर्बे की वैल्यू सत्तर हजार रुपए कहा चले गए थे आप जी वो नाई की दुकान में ऑफर आ गई थी मैं नाई की दुकान में क्यों बने थे नाई भाई आप भाई तो गलत इंडस्ट्री गलत स्किल और जिंदगी बीस साल निकाल दिया आपने अपने अब आप क्या करें री दोबारा सीखें ठीक है दोबारा आ जाए तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हमें एक आइडिया हो गया पीएल हमने डिसाइड कर लिया हाँ, पीएल मुझे समझ आ रहा है और पीएल जो है प्राइवेट जो है इसमें क्रिएट तो हो और मैं को तो फ्लिप फ्लिप कर सकता करके मैं एक लाख डॉलर दो लाख डॉलर बना सकता हूँ उससे मैं मल्टीपल पीएल के एसेट्स तो बना सकता हूँ और इवेंचुअली मैं इस मॉडल को ग्रो करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा ठीक है अब इसमें भी एक और स्ट्रेटेजी बता दूं आपको आसान उन लोगों के लिए जिनकी किचन मनी का इशू सॉल्व हो चुका है सारा मसला किचन मनी का किचन मनी का मसला हल हो गया आप फोकस के साथ एसिड बनाए फ्लिप सेल करें फ्लिप करें एसिड बनाए फ्लिप करें एसिड फ्लिप करें।, करें आप लोग ये यह है यहां से बनेगी आप लोगों की दौलत चलिए पार्ट क्लियर हो गया अब आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ तो जाते हैं अच्छा जी आईडी कैसे बनेगी ठीक है हमें पी एल एस ए समझ आगे हमने जी पी एल एफ में जाना है एफ बी होलसेल भी समझ आ गया हम वो भी कर सकते हैं वो भी ऑप्शन है हमारे पास अगर खासतौर पे जो अमेरिका में एलएलसी बेस्ड जिनके अकाउंट्स हैं वो एफ बी होलसेल कर सकते हैं लेकिन जिनके अकाउंट उमान से हैं इंडोनेशिया से हैं वियतनाम से हैं मलेशिया से फिलीपींस से चाइना से वो एफ बी होलसेल कर सकते हैं लेकिन बहुत खतरनाक हो जाएगा अकाउंट में एक छोटी सी वायलेशन आनी अकाउंट सस्पेंड हुआ रीस्ट्रेट होना बहुत मुश्किल है वो अलग बात है कि हम दुनिया का हर अकाउंट मिनिस्टर कर भी लेते हैं पैसे लगते हैं हो जाता है लेकिन नहीं ना ही करें तो बेहतर है तो जिन्होंने अभी होलसेल करना है वो एमेजोन यूएस का अकाउंट खोलेंगे और एलएलसी पर खोलेंगे और फिर ब्रांड्स की हंटिंग करेंगे और ब्रांड्स वालों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे अकाउंट खोलेंगे उनसे सामान ऑर्डर करेंगे और दस 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 दर दर दस यूनिट दस लिस्टों पे भेजेंगे और फिर चेक करेंगे कौन सी लिस्टों की क्या परफॉर्मेंस है और फिर डिसाइड करेंगे किसको रखना किसको नहीं रखना

पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा नेक तरीन लोग पाकिस्तान में रहते हैं इसमें कोई शक नहीं मैं बहुत खुश होता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं नेक लोग देखता हूँ पाकिस्तान में और वो कहते हैं हमने नेक काम करने हैं सारे तो आ, सारे नेक तरीके आपको मिल जाएंगे उसके अंदर और आई बनाने के लिए हर इंसान नेक ही तरीके इस्तेमाल करना चाहता है इसमें कोई शक नहीं आप लोग वो आई की वीडियो देख लीजिएगा वहां से सीख लेंगे पार्ट मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो ये है कि पार्टनरशिप मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है क्यों मुझे दो लोगों को कनेक्ट करना है एक इन्वेस्टर और एक बच्चा दोनों कनेक्ट हो जाए और दोनों इन्वेस्टर जो है वो कहता है मैं 70 परसेंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं और बच्चा कहता है मैं 30 परसेंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं और इन्वेस्टर कहता है मैं इंग्लैंड में रहता हूं मैं आईडी देने के लिए तैयार हूं और इस स्टैम्प पेपर पे दोनों साइन करें इसी को आर्बिटर बना लें इसी आर्बिटर उस वक्त होती है जब दोनों बूटकैम्प के अंदर होते हैं अदरवाइज अगर एक मेंबर नॉन बूट कैम्प है इसी आर्बिटर नहीं बनेगी उसकी वजह यह है कि वी डोंट नो तो इसी आर्बिटर जब बन जाती है उससे फायदा यह होता है कि पाकिस्तान की कोर्ट में अगर आप वो केस लेके जाते हैं तो पाकिस्तान की कोर्ट ये कहती है कि आपके आर्बिटर ने जो फैसला सुना दिया है वही हमारा फैसला है वापस जाओ घर जाओ अपने आर्बिटर का फैसला ही फाइनल फैसला होता है उसके अंदर हमारे पास मत आओ ये फायदा होता है तो उसके लिए दोनों बुटकैन के अंदर होते हैं अच्छा ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को तो आई डी बन जाएगी आई डी के लिए वो सेशन आप लोग देख लें पार्टनरशिप वाला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को अच्छा चले अब आइए नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ चलते हैं। <coughs> क्या बेचे मैं जी पीएल का एसिड बनाना चाहता हूं तो अब मैं क्या बेचू पीएल uh, का एसिड बनाने के लिए हम एक ऐसी प्रोडक्ट पर काम करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कलर्स ना हो बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो बहुत ज्यादा साइज ना हो बहुत ज्यादा ऑप्शंस ना हो उसकी वजह यह है कि मैं अगर अमेजोन के ऊपर मिठाई टाइप करूं तो पचास किस्म की तो मिठाइयां आ जाती हैं तो एक बायर कहता है मुझे लड्डू चाहिए एक कहता है मुझे चमचम -चम चाहिए एक कहता है मुझे जलेबी चाहिए मेरा कीवर्ड जाहिर हीलियम दिखाता है कि जी तीस हजार लोग मिठाई टाइप करते हैं लेकिन वो डिवाइड हो रहा है मेरा की डिवाइड हो रहा है तो इसके अंदर सबसे जो बेस्ट है बीबीसी के अंदर जाके आप लोग सीख लें बीबीसी के अंदर जाके सीखें प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत वीडियो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है मैं आपको बस बेसिक गाइडलाइन दे देता हूँ बेसिक गाइडलाइन ये है कि बेसिक गाइडलाइन ये है कि हीलियम का सर्च वॉल्यूम पंद्रह से बीस हजार का होना चाहिए पंद्रह से बीस हजार का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए मेरा फेवरेट है तीस हजार चालीस हजार पचास हजार का सर्च वॉल्यूम जंगल स्काउट की जो हम सेल देखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि मैं एवरेज एक्सपेक्ट करता हूं सत्तर सौ सत्तर सौ सत्तर सौ सो, 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 सो और दिन के अगर आ गए तो मेरी नजर में एक अच्छी प्रोडक्ट है तीन हजार यूनिट तो बिके उसके महीने के अगर मैंने तीन डॉलर बना लिया एक यूनिट में तो मेरा तो नौ हजार डॉलर महीने का बन गया नौ हजार डॉलर महीने का बनने का मतलब मेरा साढ़े तीन लाख डॉलर का एसिड क्रिएट हो गया मैं इसको साढ़े तीन लाख डॉलर में फ्लिप कर दूंगा एंड आई मूव ऑन एक झटके में साढ़े तीन लाख डॉलर बनाया अब मैं ऐसे मल्टीपल बना सकता हूं मैं इस एंगल से देख रहा हूं उसको आप लोगों के लिए मैं प्रिफर करता हूं हूँ साढ़े तीन माह से ही डेढ़ लाख पौने दो लाख डॉलर का एसेट बनाने को टारगेट रखें टारगेट करें आप लोग इस चीज को मिनिमम मैं समझता हूँ तीन हजार डॉलर पर मंथ प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम इतना होना चाहिए और एक साल में बनेगा एक साल लग जाएगा आपका इस प्रॉफिट तक पहुंचते पहुंचते ठीक है अच्छा एक साल की जर्नी है ये एक साल लग जाएगा आपको तो बीस हजार का हीलियम का सच वॉल्यूम होना चाहिए प्रोडक्ट अभी कोरोना की वजह से काफी चेंजेस आई हुई हैं बहुत ज्यादा चेंजेस हैं अब मुझे मैं आपको या तो कोरोना का क्राइटेरिया बता दूं या अदर डेज का बता दूं कोरोना का बता देता हूँ आपको कोरोना के टाइम ये एक डेढ़ साल चलेगा ये पीरियड हम लोगों का इस दौरान में हम छोटी प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं बड़ी में नहीं करना चाहते अदर अदर ड्यूरिंग डेज नॉर्मल दिनों में हम बड़ी प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हैं लेकिन कोरोना के टाइम पे हम छोटी प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे दस डॉलर के अंदर अंदर कोरोना की वजह से अदरवाइज पंद्रह डॉलर बीस डॉलर में मुझे कोई इतराज़ नहीं है लेकिन कोरोना की वजह से लोगों की बाइंग पावर थोड़ी सी कम हुई हुई है तो हमारी कोशिश है कि दस डॉलर के अंदर अंदर की प्रोडक्ट हो और कम से कम पचास सत्तर सौ पचास सत्तर सौ यानी कि पंद्रह सौ ऑर्डर पर मंथ उसके बिकने चाहिए तो अगर मैंने जंगल स्काउट में देखा टॉप के जो दस सेलर्स हैं वो बना रहे हैं एवरेज मतलब नजर आ रहा है कि हाँ मेरे पंद्रह सौ अट्ठारह सौ यूनिट महीने के बिक जाएंगे ये मेरे नजर में एक अच्छी प्रोडक्ट है अच्छा रिव्यूज के बारे में सुन ले आप लोग अगर मैं देखूं कि यहाँ पर टॉप टेन के अंदर रिव्यूज हमारी ब्लीडिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा हमारा लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा एसिड पड़ जाएगा बहुत पेगा हम लोगों को हमारी कोशिश है तीस चालीस पचास हजार डॉलर के अंदर कोई एसिड बन जाए हम लोगों का तो हम लोग ये देखना है कि तीन सौ चार सौ सात सौ बारह सौ पंद्रह सौ तीन सौ पांच सौ रिव्यूज अगर हैं इसका मतलब हाँ कम्पीटेबल है हम आराम से आधे रिव्यू भी कर तो तो हम मैंने अगर सेलर में देखा कि एक सेलर जो इसमें तीन सौ रिव्यू वाला है उसके पंद्रह सौ यूनिट महीने के बिक रहे हैं इसका मतलब मैं डेढ़ सौ भी कर लूंगा तो मैं इसके बराबर आ जाऊंगा क्योंकि गेम जो है वो रिव्यूज से ज्यादा सेल्स वेलोसिटी की होती है

तो खातन की जो जो भी प्रोडक्ट जो खातन परचेस करती हैं उनमें रिटर्न्स चूंकि बहुत ज्यादा आते हैं हम ऐसी प्रोडक्ट में काम नहीं करना चाहते रिटर्न आएंगे मेरी मेरी लिस्ट लिस्ट डैमेज डैमेज हो जाएगी तबाह हो जाएगी मेरी लिस्ट सत्तर अस्सी सौ ऑर्डर से ड्रॉप हो गए पंद्रह बीस ऑर्डर पर डे पर आ जाएगी अगर मेरी लिस्ट हर्ट होनी शुरू हो गई तो हम चाहते हैं हमारा फोकस है मर्दों की प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस है उनके रिटर्न कम आते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं हम बैटरी वाली प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं हम मोटर वाली प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं हम उस हर प्रोडक्ट से दूर रहना चाहते हैं जहाँ पे खतरा हो मॉल फंक्शनिंग का खतरा हो ऐसी प्रोडक्ट बेचने में एतराज नहीं मुझे लेकिन चाइना में उसकी इतनी ज्यादा डिटेल में चेकिंग करनी पड़ती है वहां पे आप क्वालिटी एश्योरेंस का जो बंदा हायर करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पच्चीस करता है अब हमें उसको हंड्रेड परसेंट प्रोडक्ट में इंस्पेक्ट करवाना पड़ेगा वो महंगी पड़ जाएगी हम लोगों को तो हम चाहते हैं कि मोटर ना हो कंपोनेंट ना हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ना हो हम एवॉइड करते हैं सिंपल सा पुर्जा उठा लें सिंपल सब फूज है सिंपल सी प्रोडक्ट है कोई मोटर नहीं है बटन नहीं है कोई बटन नहीं दबाना पड़ा आप लोगों को कोई इसमें बैटरी नहीं है मोल्ड uh, से निकलेगी ये प्रोडक्ट मोल्ड में बन जाएगी और इसके हाँ ये प्रोडक्ट मेरी नजर में एक अच्छी प्रोडक्ट है मुझे खैर इसका वॉल्यूम नहीं पता मुझे नहीं पता कितने लोग ढूंढ रहे हैं इसको uh, लेकिन इसमें एक इशू है वो ये है कि ये डेंटल प्रोडक्ट है ये एडिबल uh, तो नहीं है uh, लेकिन टॉपिकल है ये प्रोडक्ट टॉपिकल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मुंह को टच कर रही है स्किन को टच कर रही है इनकी सर्टिफिकेशन के इश्यूज आ जाते हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करेंगे लेकिन लेट्स से अगर ये टॉपिकल या डेंटल प्रोडक्ट ना होती सिंपल सी प्रोडक्ट होती तो चलो मैं इसको कंसिडर कर लेता कि हाँ इसके दिन के अगर सौ ऑर्डर का पोटेंशियल है मेरे पास एक्सिलेंट हंड्रेड ऑर्डर पर डे का मतलब तीन हजार ऑर्डर महीने के एक डॉलर भी बना लिया तो तीन डॉलर तो मरे से मरा बन जाएगा तीन हजार डॉलर का मतलब मरे से मरा एक लाख डॉलर का मेरा एसिड क्रिएट हो रहा है मैं इस एंगल से देख रहा हूँ अच्छा ये हो गया थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को अच्छा अब आ जाइए हेयर कॉम हेयर कॉम हेयर कॉम, कॉम के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अः सुअर की खाल से बनती हैं वो तो ब्रश इतना स्ट्रांग होता है

तो ऐसी काफी सारी काफी सारे फिल्टर्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर काफी फिल्टर्स लगे हुए आपके ऑन एवरेज मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ पांच महीने लगा देता अपनी जिंदगी के एक प्रोडक्ट फाइनली अप्रूवल तक पहुंचते पहुंचते चार तीन चार महीने तो नॉर्मल है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है इस पूरे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग ही तो सब कुछ है प्रोडक्ट ही तो नहीं मिलती प्रोडक्ट ही नहीं मिलने वाली है आपको मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को ये नहीं बोलिएगा सनी भाई आपने कहा था हम मिलेगा बनने वाले जिन्होंने कहा था वो उनके पास चले थे मेरे पास मत आइएगा आप लोग प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको आसानी से ये सबसे मुश्किल करीन काम है पैसे तो मामूली सी बात है एक पोस्ट डाले पैसा चलकर आ जाएगा आपके पास आईडी मामूली सी बात है आईडी चलकर आ रही है पैसे चलकर आ रहे हैं ये है सबसे मुश्किल करीन काम प्रोडक्ट नहीं मिलने वाली आपको आप तो प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आएंगे अप्रूव नहीं होंगे आपकी यानी कि ए का जो प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम है वो इतना टफ है कि अभी इसके ऊपर अटैक्स हुए हमारे डैशबोर्ड के ऊपर हमारे सिस्टम के ऊपर कहाँ से हैकिंग अटैम्प हो रही होती हैं अटैक्स हो रहे होते हैं पता नहीं कौन कौन कर रहा होता है जो लोग प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं हमारे सिस्टम से तो हमने भी सिस्टम बनाए हुए हैं काफी बड़े बनाए हुए हैं काफी पुराने हम भी इनका हो गए अंदर ठीक है अच्छा चले ये पार्ट क्लियर हो गया प्रोडक्ट हंटिंग को क्लियर हो गया कि इसमें टाइम लगेगा ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है आप लोग थक जाएंगे प्रोडक्ट हंट कर -कर कर, कर 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 थक जाएंगे आप लो. आप लोग 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 मोस्ट लाइकली जो गिव अप करते हैं वो यहाँ पर आके इस स्टेज पे गिव अप कर देते हैं फंडिंग की वजह से पैसों की वजह से कम लोग गिव अप करते हैं क्योंकि पैसे सबको पता है पैसे तो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये वो पॉइंट है अच्छा यहां पर आके अब मैं सबको बताता हूं कि जो बाबे हैं वो पार्टनरशिप करते हैं बच्चों के साथ बच्चे प्रोडक्ट हंट करें तो बच्चा जो है जो बुटकैम्प के अंदर है उसको चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग करे आईडी और इन्वेस्टमेंट बाबा जी दे, दे देंगे आपको ठीक है आईडी एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इशू और, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं कहता हूं कि आप प्रोडक्ट हंटिंग मत करें आपका काम नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग करना ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारा बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे ने क्या प्रोडक्ट हंटिंग करनी है कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिका में रहने वाले ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आप जॉबें करें आप बहुत मसरूफ है आप लोग अजीत सनी में हमारे पास तीन से चार घंटे हैं डेली के मुझे नहीं बोले तीन से चार घंटे मुझे नहीं बोले आप लोग कहने की बातें होती कोई घंटे वंटे किसी के पास नहीं होते ये चार दिन प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना चौथे दिन नींद आ जाएगी सो जाएंगे आप चौथे दिन आपके बस की बात ही प्रोडक्ट हंटिंग करना तो बच्चों को प्रोडक्ट हंटिंग करने दें आउटसोर्स कर दें डॉलर देने बच्चे को चार सौ डॉलर देने बोले तुम करो प्रोडक्ट हंटिंग बच्चे को करने दे, बच्चा उसके पास है ही क्या पीछे बैंक अकाउंट है चार पैसे उसके अंदर टाइम तो है नहीं तो ओवरसिस अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी हुई जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वो ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग सनी zzz1 कॉम स्लैश जेड 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 वन जन जर जमीन दौलत औरत और जमीन इसकी पूरी साइंस मैंने एक्सप्लेन की हुई है जमीन कब बदलनी चाहिए कब नहीं बदलनी चाहिए तो पूरी लॉजिक आप लॉजिक से सुनिएगा पूरा सब्जेक्ट आपको क्लियर आ, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे पाकिस्तान से निकलना कब निकलना कब नहीं निकलना कब निकलना बाहर वालों को कब पाकिस्तान आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए सेकेंड पासपोर्ट कैसे लेना है किसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किस उम्र में क्या करना चाहिए किस उम्र में नहीं करना चाहिए सुन लें आप लोग एक बार सुन लें ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आ, लोग जिंदगी गुजारने के बाद सुनते हैं कहते हैं काश किसी ने पहले बता दिया होता काश लोग काश ही करते रहते हैं बेचारे सुन लें एक बार आप लोग आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा ये सुनने के बाद ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो अब आइए दोबारा हमने ये सब समझ लिया पीएल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमने प्रोडक्ट हंटिंग का एक आइडिया ले लिया कि अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे होगी मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूंगा हम दोनों मिलके कर लेंगे और 40 और 20 वालों की पार्टनरशिप हमेशा वाइबल है 40 चालीस के दो बाबे आपस में पार्टनरशिप कर लें वाइबल नहीं है नॉट वाइबल अनल आप लीज के अंदर हैं दो बाबे मिलके कहते हैं जी हम इकट्ठे पैसे जमा करते हैं और इसी भाई सनी भाई आप ही करें आप ही घोड़ा ढूंढ के लाएं हमारे लिए आप ही प्रोडक्ट ढूंढें आप ही सब कुछ करें हम तो कुछ नहीं कर सकते ठीक है वो वाइबल है दो बाबे मिलके पार्टनरशिप करेंगे जी हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, करेंगे वाइबल नहीं है नहीं होने वाली आपसे प्रोडक्ट हंट एक्सेप्शन लोग हमेशा होते हैं दस परसेंट है नब्बे परसेंट फेल हो जाएंगे आपके पैसे डूब जाएंगे ना प्रोडक्ट हंट हो पा हो नहीं आपसे ना आप लॉन्च कर पाएंगे आपके पैसे डूब जाएंगे नहीं करें ये काम आप लोग तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कीजिए आप लोग चले हमने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली मुबारक हो प्रोडक्ट मिल गई अच्छा जी अब आइए लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स के ऊपर क्या है हम चाइना से ऑर्डर करते हैं चाइना में प्रोक्यूमेंट है अलीबाबा से ऑर्डर कर लें सिक्सटीन जो भी जो उनकी चाइनीज वेबसाइट है वहां से ऑर्डर कर लें जमीन पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं चाइना के अंदर उनसे ऑर्डर कर लें मकसद पहले हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर चाइनीज थे चाइनीज कुछ मैंने ऐड किए हुए थे प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया हमारे पाकिस्तानी आ, आते चले गए चाइना चाइना बेस्ड पाकिस्तानी मेंबर्स आ गए तो फिर हमने चाइनीज को फारिग कर दिया क्योंकि हमारी लॉजिक ये है कि भाई आपस में लेना एक दूसरे को पैसे आप लोग आपकी जेब से पैसे निकल के या तो मेरी जेब में आए मेरी जेब से उनकी जेब में चले जाए उनकी जेब से इनकी जेब में चले जाए हमारे दरमियान रोटेट करे पैसा हमारी जेब से निकल के किसी के बाहर न जाए हाँ गोरे से निकल के हमारी जेब में आ जाए तो बहुत मजबूरन होंगे तो हम चाइनीज को पैसे देंगे अदरवाइज वी डोंट वांट हम नहीं चाहते ऐसा हो तो पाकिस्तानी सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे वो आपके लिए सोर्सिंग भी कर देंगे वो आपके लिए लॉजिस्टिक्स भी कर देंगे वो आपका सामान अमेजोन तक पहुंचा देंगे ये सब डूएबल है अब इसमें कॉम्प्लीकेशंस भी हैं पहली बात तो जो पार्टनरशिप वाले जो लोग होते हैं वो पेपर पर साइन करते हैं यूएस की एलएलसी अगर है तो दोनों पार्टनर्स का उसमें नाम आ जाता है यूके यूके की अगर लिमिटेड कंपनी है है पाकिस्तानी पार्टनर पार्टनर और अमेरिकन आ, दोनों का नाम आ जाता है उसके अंदर तो दोनों मिलके पार्टनर बन जाते हैं उसके अंदर दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं लीगली कर सकते हैं पाकिस्तान में स्टैंप पेपर पे भी आप लोगों ने साइन कर दिया और उधर आपने यूके की लिमिटेड कंपनी में अपने पाकिस्तानी पार्टनर को इंक्लूड कर दिया इससे ये होता है कि आप दोनों की पार्टनरशिप लीगल हो जाती है अच्छा उसके बाद जब चाइना से ऑर्डर करते हैं तो मेरी नजर में जो आसान तरीका है पाकिस्तान से जब चाइना पेमेंट भेजने जाते हैं तो फिर बड़ी पेमेंट्स नहीं जा सकते हैं, छोटी छोटी पेमेंट में जाते हैं अदरवाइज लोग होंडी करना शुरू कर देते हैं तो आप या तो पाकिस्तान से अपनी यूके लिमिटेड कंपनी के अंदर पैसे भेजें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें उसको एफ में डिक्लेयर करें कि जी मेरा यूके में बिजनेस है मैं उसको इतना ओन करता हूं एफ को भी डिक्लेयर कर दें इधर यूके लिमिटेड कंपनी में भी लीगल ओनर बन चुके हैं आप यूके कंपनी से चाइना पैसे भेज दें आप लोग ये ज्यादा आसान है एक तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड आ गया उसका आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई इतना सामान आपने खरीदा है और उसके बाद मजे की बात यह है कि लोग दो दो तो तीन तीन साल तक टैक्स ही नहीं देते और ये कोई आ, कोई चोरी नहीं हो रही टैक्सी को चोरी नहीं करता पाकिस्तान वैसे भी आपको पता तो बहुत नेक होते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा नेक तरीन लोग तो मुझे पाकिस्तान में मिलते हैं और मैं बहुत खुशी होती है मुझे मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे नेक लोग कहते हैं कि हम बहुत नेक हैं और हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हम हम एमेजन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को फॉलो करना चाहते वैसे वो बड़ा कुछ करते हैं पाकिस्तान में लेकिन इट कम्स हम टर्म्स ब्रेक नहीं करना चाहते मौलवी साहब कहते हैं टर्म्स ब्रेक करने से हो जाती है तो, तो खैर लोगों के अपने भी कुछ मसाइल हैं उस पर मेरी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग सनी अली डॉट कॉम स्लैश नेक लोग अच्छा अब आइए तो अगर आपने इंग्लैंड से बिजनेस किया और दो साल तीन साल तक टैक्स नहीं दे रहे आप दो तीन साल कोई टैक्स नहीं है ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेशन अमेरिकन साली दो तीन साल कोई टैक्स नहीं, allergy, साल कोई नहीं। उसकी होती है बिजनेस कि किया मैंने ब्लीडिंग की मैंने मार्केटिंग किया मैंने ये किया मैंने वो किया मेरा स्टाफ मेरे रिसोर्सेज क्या कौन सा प्रॉफिट होना है आपको पेपर वर्क में आपने दिखा तो दिया जब तक वो आपका चालीस हजार डॉलर आर पूरा नहीं हो जाता आप प्रॉफिटेबल टेक्निकली नहीं है हमारी नजर में तो हम प्रॉफिट बना रहे हैं ठीक है तो अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर लोग मैं तो मैं तो खैर नहीं करता मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूं लोग ये सब करते हैं और वो आ, दो तीन साल तक टैक्सेस पे नहीं करते लीगली लीगली नहीं करते लीगली उनके ऊपर टैक्सेस लाइ, लाइबिलिटी भी नहीं होती उनके ऊपर और जो लोग Uh, मामू का अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं और मामू को मामू उसमें निकल जाते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी ओनर ओनर ओन करता है है टैक्स की ट्रांसफर हो जाती है। लोग ये सब मैनेज कर लेते हैं तो दो तीन साल तक ये सब पॉसिबल है आपने चाइना से सामान खरीदा लॉजिस्टिक्स वाले के साथ डील की लॉजिस्टिक्स वाला कहता है मैं आपका सामान चाइनीस वेयर हाउस से लूंगा और एमेजोन के वेयर हाउस तक तो पहुंचा दूंगा आपने उसके साथ रेट तय किया अगर अमेरिका के लिए आप लॉन्च करने जा रहे हैं तो अमूमन हम डी चाइना से जब निकलेंगे, के पौंते -पौंते मेरी क्या कॉस्ट आएगी उसने कहा बाईस सेंट कॉस्ट आएगी एक डन बाइस सेंट फ्लैट दस यूनिट बाईस सेंट मैं आपको पे करने जा रहा हूं बाईसो डॉलर में मेरा सामान चाइना से अमेजोन के दरवाजे पे पहुंचा दो ठीक है ये पार्ट क्लियर हो गया अच्छा अगर हम यूके की करने जाएंगे ये डिलीवरी फिर उसमें वैट की आ जाती हैं अब वो भी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसके लिए आप देखिएगा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वैट की क्या साइंस है और कैसे हम वैट को कैलकुलेट करते हैं इनपुट वैट आउटपुट वैट कैसे फिगर आउट किया जाता है अच्छा ये पार्ट क्लियर हो गया अब आ जाइए हम लोग आते हैं हमारी प्रोडक्ट चाइना से निकल के अमेजोन के वेयर हाउस में आ गई है अब हम उसकी रैंकिंग पे काम शुरू करेंगे रैंकिंग रैंकिंग कैसे होती है एक है है एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ग्रुप में सारा दिन यही तो डिस्कस होता रहता है हम लोगों का रैंकिंग कैसे होती है हमारी लिस्ट जो है वो पहले पेज पे कैसे आती है और यहां पर आके आपको इन्वेस्टमेंट्स के कुछ नंबर समझ रहे होंगे मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स के कुछ नंबर बता देता हूँ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ये है पॉइंट अब हम लोग समझ लेते हैं रफ आइडिया देने लगा आप लोगों को आप सबसे पहले ये बताएं कितने पैसे कमाना चाहते हैं आप जी सनी भाई आ, मैं तो एक लाख डॉलर महीने का बनाना चाहता हूँ ठीक है घर जाए सो जाए ये आप अनरियलिस्टिक नंबर्स मेरे पास मत लेकर आया करें रियलिस्टिक गोल सेट करें शॉर्ट टर्म गोल सेट करें लॉन्ग टर्म नहीं करें आप लोग लॉन्ग टर्म मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग टर्म की पाकिस्तान में प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है

बाईस परसेंट तेईस परसेंट चौबीस परसेंट पच्चीस परसेंट के दरमियान होगा इन्वेस्टमेंट तो हो कितनी चाहिए होती है डबल कर दें आप इसी नंबर को डबल कर दें बाईस का मतलब चवालीस हजार डॉलर रफ आइडिया दे रहा हूं चवालीस हजार डॉलर के अंदर प्लस माइनस थर्टी परसेंट कर लें अब आप लोग जिसका मतलब कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो रफली हो सकती है आ, आ, पैंतीस हजार डॉलर से लेकर पचपन हजार डॉलर तक तो पैंतीस से लेकर पचपन हजार डॉलर लगाऊंगा तो कहीं जाके बाईस हजार डॉलर की सेल आएगी बाईस हजार डॉलर की सेल के बाद पांच हजार डॉलर का प्रॉफिट आएगा ये एक बहुत ही रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ अच्छा चले ये भी आइडिया हो गया तो पांच हजार डॉलर पर मंथ अगर मेरा आना शुरू हो जाता है तो कब आएगा अब ये भी सुन लें अब आप लोग बिजनेस के अंदर आपको आपका पैसा हमेशा क्लाउड ख़्ु में फंसा होता है मेरा कितना पैसा क्लाउड में फंसा होगा मेरा पैसा क्लाउड में कहां पे है आपका पैसा मेरा पैसा है कहां बेसिकली मेरा पैसा आमतौर तो तो पे तीन जगहों में फंसा होता है एक मेरा चाइना में फंसा होता है एक मेरे समुंदर में होता है एक मेरा अमेजोन के वेयर हाउस में होता है यानी शुरू में मैंने दस यूनिट भिजवाए थे मेरे सौ अठे दिन के आने शुरू हो गए और तीन हजार यूनिट महीने के आने शुरू हो गए तो दस हजार का मतलब तीन सवा सवा तीन महीने की इन्वेंट्री थी जो मैंने भिजवा दी उसके बाद मैं फ्लैट आउट हो गया उसके बाद मेरे पैसे खत्म हो गए अब मैं बैंक करप्ट हो जाऊंगा <coughs> अगर आप इस सस्टेन नहीं कर सकते इस साइकिल को तो आप बैंक करप्ट हो जाएंगे आपके पैसे नहीं बनेंगे इसलिए कि कैश फ्लो तो समझने पहले आप आप ये समझ रहे थे कि मैं दस हजार यूनिट दूंगा और मेरे पैसे जैसे बनेंगे मैं और ऑर्डर ले लूंगा गलत ऐसा नहीं होता आपका सामान दस हजार यूनिट भूल जाए तो फंस गए वो तो के वेयर हाउस में जाके फंस गए अपनी जेब से पैसे निकालें और सप्लायर को बोले अगले तीन महीने का बनाना शुरू कर दो तो मुझे बीस महीने की सॉरी बीस हजार यूनिट चाहिए छह महीने को कवर करने के लिए

अच्छा मैं चाइनीस को बोला जल्दी से भेजो जल्दी से भेजो मेरे मेरे दिन के सो ऑर्डर मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं तो मैं तो परेशान हो रहा हूँ तो मैं बहुत जल्दी आउट स्टॉक हो जाऊंगा तो जल्दी भेजो मेरा सामान जल्दी भेजो जल्दी भेजो जल्दी भेजो उसने जल्दी भेजा सामान आपका समंदर में लहरता हुआ जा रहा है अमेजोन की तरफ जा रहा है मेरा पैसा हमेशा तीन जगहों में फंसा होता है समंदर में शिप के अंदर कंटेनर के अंदर मेरा कुछ पैसा अमेजॉन के वेयर हाउस में फंसा होगा और मेरा कुछ पैसा चाइना में सप्लायर के पास फंसा होगा जब तक ये तीन जगह में आपका पैसा नहीं फंसेगा आप तो पैसे बना ही नहीं सकते इस बिजनेस के अंदर तो कितने पैसे चाहिए हमें अब आइए कोरोना टाइम्स की बात सुन लें छह महीने की इन्वेंट्री वाजिब है आपके ऊपर इतनी तो भेजे अब एमेजोन आप, आप। छह महीने की इन्वेंट्री चाहिए कम से कम चाहिए अब आप लोगों को पुरानी बातें हो गई महीने दो महीने की इन्वेंट्री भेज पुरानी हो गई है एयरलाइंस तो काम ही नहीं कर रही ओशन स्लो स्लो रिंग रिंग के जा रहा है उधर एमेजन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उधर डिस्ट्रप्शन ही डिस्ट्रप्शन चारों तरफ डिस्ट्रप्शन है आपके इस वक्त छह महीने की इन्वेंट्री भेज दें अब आप लोग तो मेरे देख महीने की इन्वेंट्री तो ब्लीडिंग के नाम अच्छा जी सनी ब्लीडिंग का कितना बजट होता है मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ ये सब रफ नंबर्स हैं कोई भी एक्यूरेट नंबर नहीं है ये सब एस्टिमेट्स हैं सिंपल कैलकुलेशन बताऊं आपको कि आप फ्लॉस कितने का बेच रहे हैं पांच डॉलर का बेच रहे हैं महीने के कितने बिकेंगे अजी मेरी कैलकुलेशन बता मुताबिक मेरे तीन हजार यूनिट बिक जाएंगे ठीक है एक महीने की इन्वेंटरी, ब्लीडिंग के नाम कितने तीन हजार यूनिट कितने के पांच डॉलर के हिसाब से कितना मना पंद्रह हजार डॉलर गया पंद्रह हजार डॉलर आपकी ब्लीडिंग का बजट है ये मेरी रफ एस्टिमेट है उसकी वजह यह है कि ये तीन यूनिट जब मैं रीड करूंगा तो इसमें मेरे एक यूनिट पांच डॉलर का मेरा तो इसमें प्रॉफिट भी था नहीं नहीं सनी भाई एक मेरा तो, आ रहा है। तो, असल ब्लीडिंग तो मेरी तीन डॉलर की के आ रहे है। एक्स्ट्रा इधर उधर के पैसे लग रहे हैं आपके पैसे के के ब्लीड होंगे इधर उधर लॉस होगा फेसबुक का अच्छा खासा पैसा भी खर्च होना है तो वो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक एक महीने की इन्वेंट्री ब्लीडिंग के नाम सेलिंग प्राइस पूरे महीने की निकाल लें आप तीन हजार यूनिट का मतलब पंद्रह हजार डॉलर ब्लीडिंग का बजट होना चाहिए अच्छा जी इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए इन्वेंट्री होनी चाहिए आज के दौर में कोरोना के दौर में छ महीने की तीन हजार डॉलर मल्टीप्लाई बाय सिक्स मंथ अट्ठारह हजार यूनिट होने चाहिए आपके पास अच्छा जी लर्निंग कॉस्ट कितनी आ रही है जी मेरी लर्निंग कॉस्ट आ रही है डेढ़ डॉलर तो फिर अट्ठारह हजार यूनिट मल्टीप्लाई बाय डेढ़ डॉलर ठीक है ये बन गए आपके रफली सत्ताईस हजार डॉलर सत्ताईस हजार डॉलर की आपने छह महीने की इन्वेंट्री ले ली अब आपको पता है आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएंगे पीस ऑफ माइंड के साथ अब आप काम कर सकते हैं अफरा तफरी नहीं होगी स्ट्रेस नहीं होगा हम स्ट्रेस लेना नहीं चाहते असल में हम तो ये बिजनेस करिए इसलिए रहते रात को सुकून की नींद सो सके ऐसे ही है तो हमने छ हजार हमने सत्ताईस हजार डॉलर की इन्वेंट्री खरीद ली और हमने पंद्रह हजार डॉलर ब्लीडिंग का बजट साइड पे कर दिया अब आप कैलकुलेट करें कितना हुआ ये आपका आपका ये रफली फोर्टी थ्री थाउजेंड बन गया अच्छा अब कितना एक्सपेक्ट करूं चले कैलकुलेट करते हैं कितना बनेगा तीन हजार यूनिट महीने के बिक रहे हैं आपके डेली के शो ऑर्डर आते हैं कितने का बेच रहे हैं आप पांच डॉलर का बेचते हैं पांच डॉलर मल्टीप्लाई बाय तीन हजार यूनिट आपका रफली जो मंथली सेल हो रही है वो इस वक्त अट्ठारह हजार डॉलर की हो रही है सॉरी पंद्रह हजार डॉलर की तीन हजार यूनिट मल्टीप्लाई पांच डॉलर अब ये पांच भी हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे होती रहेगी कभी आप पांच का बेचेंगे कभी पांच का बेचेंगे जैसी अपॉर्चुनिटी देखी प्राइस बढ़ा दी जैसे ही देखा कंपटीशन देखा प्राइस थोड़ी सी कम कर दी अमेजोन को पिकटैक शिप किए जा रहा है तो मेरे पंद्रह सोलह पंद्रह सोलह हजार डॉलर महीने का बिक रहा है अच्छा डेढ़ डॉलर का अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ पांच डॉलर की सेल के ऊपर तो ये बन रहा, है मेरा 30 बन रहा है तो मैंने अगर डॉलर के ऊपर तो चार हजार ठीक है चार हजार डॉलर अगर मैंने मंथली बनाना शुरू कर दिया अच्छा कब करूंगा मैं ये बनाना शुरू कब होगा वो दिन कब आएगा सनी भाई अब आइए टाइमलाइन समझ लीजिए आपको सबसे पहले आप इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं हंटिंग से स्टार्ट करते हैं तो पहला डॉलर बनते, 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 की तजर्बों के बाद तो के के आपको बता रहा हूँ नंबर लाइन आप कहते हैं कि मैं तो बारह महीने तो जो है सस्टेन करना मेरे लिए इसमें मुश्किल है कि मेरे पेट के मसले नहीं खत्म हो रहे तो ठीक है आप आप प्लेटफॉर्म के अंदर आने के बाद सबसे पहले सीखते हैं फ्री आप दूसरे लोगों के वन 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 टू 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 ग्रुप ज्वाइन करते हैं वहां से आप फ्री लांसिंग सीखते हैं लॉन्च सीखते हैं और गोरों को जाके लॉन्च सर्विसेज बेचना शुरू करें आपको दो तीन क्लाइंट्स मिल गए चार चार सो डॉलर वाले या हमारे प्लेटफॉर्म में किसी ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर दी दो डॉलर सैलरी देनी शुरू कर दी दो लोगों से चार डॉलर उठा लिया एक हाथ गोरे से तीन डॉलर बना लिया तो पांच छह सौ हजार डॉलर

क्योंकि तीन चार महीने तो आपके खाली प्रोडक्ट हंटिंग में निकल रहे हैं एक दो महीने सोर्सिंग में निकल रहे हैं समान तक जब जिस दिन आपने स्टार्ट किया था समान तक आते आते आठ महीने जिंदगी के निकल गए आपके नवे महीने में आपकी लॉन्च हुई है एक महीना पूरा ब्लीडिंग के नाम दसवें महीने में ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है इतना भी आसान नहीं है सब अभी मेहनत करेंगे आप इसके अंदर और इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन अभी पूरी पूरी रातें शुरू में जागेंगे आप लोग शुरू में जब आपके रिफंड हो रहे होते हैं ब्लीडिंग हो रही होती हैं आप लोगों को गिव अवेज कर रहे होते हैं उस वक्त आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन लड़के आपको पता है पाकिस्तान में वो आउटसोर्स कर देते हैं वीए को वीए बहन को आउटसोर्स कर देता काम तो कोई करना नहीं चाहता पाकिस्तान में हर कोई कहता आउटसोर्स कर दो तो डू ए पहले ठीक है लेकिन काबिल लड़कों को आउटसोर्स करें नालायकों को आउटसोर्स ना करें अच्छा चले ये पार्ट भी क्लियर हो गया आप लोगों को अब आ जाइए नेक्स्ट टाइम मैंने आ, ये मुझे टाइमलाइंस का थोड़ा आइडिया हो गया ठीक है मैं समझ गया कि टाइमलाइंस क्या है इस बिजनेस के अंदर और आ, आ, कब जो है मैं बारह महीने में, में मेरी इनकम कब स्टार्ट होगी ठीक है अच्छा अब मैंने एक साल के बाद प्रॉफिट बनाना शुरू किया जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तो एक साल के बाद मेरे चार हजार डॉलर अफली बनना शुरू हो गया सेकंड प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया मैंने और मैंने सबसे पहला मेरा गोल ये है कि मैं अपना आरओआई आई कंप्लीट करूं जिसे एक साल लगेगा आरओआई आई कंप्लीट होते होते दूसरा साल मेरी जिंदगी का गुजर गया और अब मेरा आर ओ आई कंप्लीट हो गया मैंने अपने जो लगाए थे वो बना लिया ज्यादा प्रोग्रेस करनी है आप लोगों ने एक ही निश के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें दो तीन प्रोडक्ट्स आप लोग लॉन्च करें एक ही निश के अंदर अगर आप लोग ज्यादा स्पीड में बनाना चाहते हैं ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ये भी डूएबल है अब आइए बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास क्या स्ट्रेटीज हैं वो ये सब कैसे कर सकते हैं और बड़ी गेम कैसे खेल सकते हैं बड़ी गेम बड़ी गेम है इलीट वो बड़ी गेम है इलीट वालों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम एक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर लें और वो इसी करके दे रही है इसी घोड़ा ढूंढेगी इसी प्रोडक्ट ढूंढेगी और दोनों को बोलेगी शुरू हो जाओ ये तो चले आसान हो गया आप लोगों के लिए

लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है तीन या चार में लॉन्च की है तीन चार प्रोडक्ट्स मिलकर पचास हजार डॉलर पर मंथ की सेल दे हैं हमें, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है उसमें पचास हजार डॉलर की सेल के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दस हजार से पंद्रह हजार डॉलर पर मंथ प्रॉफिट होना चाहिए ये मेरी एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर चीजें एक्सपेक्टेशन राइट भी हो सकती है लेफ्ट भी हो सकती है लेकिन मुझे ये ज्यादा सेफ नजर आता है मॉडल इसमें सेफ्टी नेट इसलिए मुझे नजर आता है उसकी वजह ये है कि जब आप तीन या चार प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं कितनी फेल हो जाएंगी उसमें से आपकी चले मान लेते हैं एक प्रोडक्ट फेल हो गई आपके ख्याल में दूसरी भी फेल हो जाएगी चले मान लेते हैं दूसरी भी फेल हो गई आपके ख्याल में तीसरी भी फेल हो जाएगी ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा सारी प्रोडक्ट मुबारक हो फेल हो गई आपकी चारों की चारों फेल हो गई मुबारक हो अब आप आपको अब आप घर जाइए सो जाइए डूब गए आपके सवाल इतना आसान है जिंदगी की इतनी मारे खाने के बाद तो इतने तो इतना तो एक्सपीरियंस गेन किया अब वो तीन या चार प्रोडक्ट इतने नंबर इतनी रिसर्च तीन तीन चार चार महीने रिसर्च में गुजर जाते हैं हमारे खाली इसी भी गुजर जाते हैं कि क्या लॉन्च करना क्या नहीं करना रुचैक रुचेक ये है वायबल प्रोडक्ट ये चलेगी चलो अब इसकी बहन को ढूंढ के लाओ नीश के अंदर बहन भाई बनाते हैं ना एक ही नीश होती है उसकी कैटेगरी के, के अंदर एक ही प्रोडक्ट इस सिमिलर कीवर्ड्स के अंदर तीन चार हम ढूंढ के निकाल के लाते हैं तीन चार को इकट्ठा लॉन्च कर देते हैं तो भाई एक गई दो डूबी बाकी तो दो चलेंगे ना आपकी तो उसका गो, गोल गोल ये होता है कि पचास हजार डॉलर की सेल होनी चाहिए दस से पंद्रह हजार डॉलर पर मंथ प्रॉफिट होना चाहिए ये है उसका गोल ठीक है तो अब आपने इसको जितना बड़ा करना कर ले जितना बड़ा करना करने मेरे अपने अकाउंट से और मैं आ, मैं आ, तीन प्रोडक्ट्स भी अगर कर दू एक अकाउंट के अंदर तो लाख सवा लाख डॉलर की महीने की सेल हो जाती है पच्चीस हजार डॉलर महीने का प्रॉफिट निकल आता है उसमें ये मेरे अपने कुछ अकाउंट्स हैं जिनके मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे अपने कुछ क्लोज स्टूडेंट्स के साथ मेरी पार्टनरशिप हुए उनके अंदर मैंने ये किए हुए हैं तो तीन प्रोडक्ट्स चार प्रोडक्ट एक नीच की अच्छी सेल हो जाती है आपको एक लाख डॉलर पर मंथ तक लेके जाना है तो दो ढाई लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट जेब में रखें आपका लाख डॉलर की सेल हो जाएगी लाख डॉलर में 25 से तीस हजार डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा 25 से तीस हजार डॉलर मल्टीप्लाई बाय 36 मंथ्स ये बनता है 1.2 मिलियन डॉलर का एसेट तो ढाई लाख डॉलर से लाख की सेल लाख की सेल में पच्चीस तीस का प्रॉफिट पच्चीस तीस के प्रॉफिट से मिलियन डॉलर का एसेट बन जाता है ये है बड़ी गेम जिन लोगों को बहुत बड़ी गेम खेल रही है ठीक है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को आइडिया भी हो गया इन्वेस्टमेंट का भी आइडिया हो गया अब आइए रैंकिंग की तरफ चलते हैं हम लो, हम लोग फाइनल फाइनल सब्जेक्ट सब्जेक्ट लोगों का का आज अच्छा अब रैंकिंग क्या है रैंकिंग कैसे की जाती है अमेजोन के पहले पेज पर पे कैसे लेकर आते हैं इसमें सारी वीडियोज हैं दुनिया जहान की वीडियोज मौजूद हैं मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि आ, हम रैंकिंग में करके आ रहे हैं बेसिकली हम लोग रैंकिंग में गिव अवेज करते हैं गिव अवेज का मतलब होता है हम सेल्स बढ़ाते हैं हम अमेजॉन को दिखाना चाहते हैं देखें लोग टूट पड़े हैं मेरी प्रोडक्ट के ऊपर अमेजॉन के कहता सुबह अल्लाह क्या हो रहा है ये इतना ही पसंद लोगों को इतनी पसंद डेली के शो ऑर्डर्स क्या प्रोडक्ट है ये इतनी सेल्स वो इसकी चलो वही ऊपर आ जाओ तो अब आपने जब वो कीवर्ड टाइप किया मेरी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल डेंटल फ्लॉस मैंने जाके डेंटल फ्लॉस टाइप किया मेरी प्रोडक्ट तो पंद्रहवें सफे पे थी तो हम लोग उसके कुछ यू बनाते हैं सुपर यू कहते हैं उसको और हम लोग लोगों को जाके बांट देते हैं हम लोग लोगों को कहते हैं अल्लाह के नाम पे मुझे लूट लो फेसबुक पे एड्स चलाते हैं लोगों को कहते हैं कि आपको डेंटल फ्लॉस चाहिए मुफ्त में ले लो अमेरिका में उन्हें जो लोग मुफ्त में लेते हैं उन्हें हम जेनी कहते हैं वो जेनी कहते हैं इसको जेनी कहती है अच्छा मुफ्त में चलो मैं लेने के लेती हूँ वो जेनी खरीदती है आपसे और डेली के सो जेनिया खरीदे जा रही खरीदे जा रही हूँ और आपके फिर उसमें भी टेक्निकलिटीज हैं उसे हम एम सी वन एंड एमसी टू लॉन्चेस कहते हैं एमसी वन लॉन्च यू आर एल की लिंक होते हैं जो जेनी क्लिक करती है लैंड करती है खरीद के चेकआउट कर लेती है और एम सी टू कहते हैं आ, उन पर को जहां पे जेनी को हम कहते हैं कि जेनी Amazon पे जाओ और टाइप करो पहले और फिर मेरी प्रोडक्ट को ढूंढो और फिर खरीदना उसको जेनी जाती है टाइप करती है ढूंढती है और खरीद लेती है उसको Amazon तो का जो सिस्टम है वो ट्रेन हो रहा होता है कि बड़ी बात है इतने सारे छोड़ के यही खरीदना था इसने ये बहर में ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता मैं सिर्फ आप लोगों को एक रफ आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर आती है पाकिस्तान की एक आर्मी है वो उसे हम कहते हैं मार्केटिंग आर्मी वो काम करती है वो बड़ी आर्मी बन चुकी है और इन फैक्ट दे वर्किंग वो लोग गोरों को भी ये सर्विस देते हैं चाइनीज को भी देते हैं पाकिस्तानी को भी ये सर्विस बेचते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं मार्केटिंग के अंदर ये एक अच्छी खासी बड़ी टीम काफी बड़ी एक आर्मी है और ये लोग भी पैसे कमाते हैं अच्छे खासे पैसे कमाते हैं अच्छा इसमें सारे खुश हैं उसकी वजह ये कि अमेजोन का जो सेलर है उसने तो पहली बजट बनाया हुआ पाकिस्तान में पहली बार जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था तो लोग तो कहते थे कौन सी ब्लीडिंग कैसा बिजनेस है जिसमें ब्लीडिंग होगी मामू को जाके पहले तो बच्चे कन्विंस करते थे कि मामू बिजनेस है क्या बिजनेस है Uh, हो इसमें। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होगी इसमें सा बिजनेस नहीं थे तो अब अब तो ट्रेन हो गए ना पूरी कॉमी ट्रेन हो गई सबको पता भाई ब्लीडिंग मसला है मसला नहीं है दस हजार पंद्रह हजार ब्लीड कर दो भाई लगा दो दस पंद्रह हजार क्योंकि रिटर्न का पता है सबको सबको पता है इसका रिटर्न क्या आना है बाद में एक एक साल के अंदर पूरे पूरे एसिड की कॉस्ट निकल आनी उसके बाद इसको फ्लिप करके जितने का मैं बेचूंगा क्रीम है वो बटर है वो वो बटर पूरे का पूरा बटर मेरे हाथ में आ जाना तो उस वक्त ये जरा डिफिकल्ट था ये कॉन्सेप्ट अब ये बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम हजार यूनिट लेट से बहाने के लिए तैयार हैं तो हमने डेली जाके सत्तर अस्सी सत्तर अस्सी सत्तर अस्सी पचास सत्तर अस्सी पचास सत्तर अस्सी यूनिट देने शुरू कर दिए लोगों को और लोग जाके अमेजोन पे की टाइप करके आपकी प्रोडक्ट ढूंढ के परचेज करते हैं और फिर अच्छा अब इसमें हम अमेजोन पे जेनी को ये कहते हैं कि रिव्यू मत देना हम ये नहीं चाहते कि जेनी को बोले रिव्यू देना अच्छा ऊपर से फाइव स्टार देना फाइव स्टार मांगेंगे तो अब वो हमारे कुछ रिलीजियस अपलिकेशन भी आ जाती है यहाँ पे कि जी हम ये गलत काम कर रहे हैं जैनी को कह रहे हैं फाइव स्टार रिव्यू दो ये गलत है हम नहीं चाहते कि जैनी फाइव स्टार रिव्यू दे हम आ, हम जैनी को ये कहते हैं कि आप हमें ऑनेस्ट रिव्यू देना है तो दे दो अदरवाइज मत दो दो ही नहीं रिव्यू ही ना दो क्यों रिव्यू से ज्यादा सेल्स वेलोसिटी की जरूरत है हमें रिव्यू नहीं चाहिए सेल्स वेलोसिटी चाहिए हमें सारी गेम है की। हम जेनी को कहते हैं अल्लाह के नाम पे रिव्यू मत देना रिव्यू मत देना रिव्यू मत देना लेकिन जेनी इखलाकन दिए जा रही है इखलाकन दिए जा रही है वो इखलाक में मारी हुई है हम कह रहे हैं अल्लाह के नाम मत देना रिव्यू तो रिलीजस वाला भी मसला हल कर दिया हमने असल में हम बहुत नेक लोग हैं हम चाहते हैं कि जी डिप्लोमेसी से काम करें बेसिकली ये डिप्लोमेसी कहलाती है तो हम चाहते हैं कि आ, हम मुंह से ना बोले हमें पता है कि ये एक इशू आ जाएगा यहाँ पे हम मुंह से बोल रहे हैं कि रिव्यू मत देना मसला ही हल कर दिया हमने अब इसमें जिसने जो बोलने हैं बोल दे हमने तो सीधा सीधा नेक काम किया यहाँ पे कि हम मुंह से कह रहे हैं कि मत देना मत देना क्यों क्योंकि amazon की Terms of Services के टर्म्स ऑफ सर्विसेज के खिलाफ है रिव्यू मांगना तो हम नहीं मांग रहे हमें नहीं चाहिए अच्छा अब गिवअवेस का जो कांसेप्ट है वो टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अंदर amazon खुद गिवअवेस ऑफर करता है amazon खुद भी देता है कि आप गिवअवेस देने हैं, तो आप दें वो एक अलग इश्यूज हैं वो आप लोग नेक लोग वाली वीडियो देख लीजिएगा तो नेक लोग जो हैं वो आ, उनके अपने कुछ मसائل हैं बहरहाल अब इस सब्जेक्ट को आप लोग तो छोड़ें आपको थोड़ा सा एक देना था। आप कैसे हमारी करती है, करके कैसे ऑर्गेनिक हम बिल्ड होते हैं एक आज साल में हमारी कोशिश है कि हमारा आर कंप्लीट हो और हम इस एसेट को फ्लिप कर दें और मुझे भेज दीजिएगा आप लोग मेहरबानी करके अः मैं मैं ही खरीद लूंगा आपके एसेट्स और मैं ही खरीद रहा हूँ ज्यादातर के एसेट्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एसेट फ्लिपिंग या एसेट्स जो है मेरे पास ही आते हैं आमतौर तो पर तो मेरे ही स्टूडेंट्स बना रहे हैं मैं ही खरीद लेता हूँ तो बाकियों को खरीदने का मौका नहीं मिलता तो अब उसका सोल्यूशन भी फिगर आउट कर रहा हूँ एक तो पूल फंड था तो पूल फंड के थ्रू एक्वायर कर लिए जाए ताकि मैं इन्वेस्टमेंट्स ना करूं तो बहरहाल वो कुछ सोल्यूशन हमने प्लेस में रखे हुए हैं चले ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को आप लोगों को काफी हद तक आज आइडिया हो गया होगा कि इस बिजनेस के अंदर कैसे हम लोग uh, जो है वो जीरो से uh, स्टार्ट है, करते हैं कैसे बिल्ड होते हैं कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं कैसे रैंक करते हैं और पार्टनरशिप्स कैसे होंगी और इसकी लिगैलिटीस क्या हैं uh, ये थे आज के आप लोगों के पॉइंट्स ठीक है तो हम काफी हद तक आज का Uh, जो सफर है हमने डिस्कस uh, कर लिया है अगर आप लोगों के क्विक क्वेश्चंस क्विक मेरा ख्याल है थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग अगर हैं आप लोगों के कुछ थोड़े से क्वेश्चंस तो आप लोग कर लें मसला ये है कि क्वेश्चंस uh, तो बहुत ज्यादा होंगे मुश्किल हो जाएगा वैसे हैंडल करना <coughs> um, ROI वैसे गोल तो हमारा ये होता है कि एक साल के अंदर आर हो जाए एक आइडियल बिजनेस वो है जो टेयर वन बिजनेस मैं कहता हूँ टियर वन बिजनेस वो होता है जो आपको एक साल के अंदर आर कंप्लीट कर देता है और ऐसे बिजनेस दुनिया में कम ही होते हैं तो अब एमेजोन के अंदर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक साल दो साल तीन साल कुछ भी हो सकता है अगर प्रोडक्ट काम की निकल आई तो एक साल अगर वो अच्छी नहीं निकली तो भी दो साल और अगर बहुत बुरे हालात हुए तो तीन साल अगर उसने डूबने हैं तो पैसे डूब जाएंगे आपके तीस परसेंट पैसे लोगोंगे डूब जाएंगे सत्तर परसेंट जायेंगे अच्छा जी आ, आ, पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं आप कहीं से भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं हो तो पहले आप प्लेटफॉर्म के अंदर पहले सीख लें ये सिस्टम चल कैसा रहा है कैसे इस इको में काम हो रहा है अच्छा जी नहीं ये वीडियो रहेगी वीडियो रहेगी अच्छा जी प्राइवेट लेबल देखें एसेट्स बनते रहेंगे और ये सिलसिला क्या तक चलता रहेगा लोग एसेट्स बनाते रहेंगे एसेट्स फ्लिप करते रहेंगे आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखना था वो ये था कि दौलत हमेशा गुडविल से बनती है जो आपने जो बिजनेस खड़ा किया है आपने उसकी गुडविल कमांड की है कि लाओ मुझे तीन साल का प्रॉफिट दे दो ये मेरा गुडविल है दौलत आपकी वहां से बन रही बायर भी खुश है खरीदने वाला भी खुश यार मैंने आपकी जवानी खरीद ली और बेचने वाला भी खुश कि यार दौलत आ गई मेरे पास दोनों ही खुश है बेसिकली इसके अंदर ठीक है तो अः चलता रहेगा ये सिलसिला बस ये है कि Amazon.com जो है वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है वहां पे Amazon यूके में ब्लीडिंग कम होती है बिजनेस भी कम होता है तो हम लोग अमेजोन यूके के अंदर हाई वॉल्यूम नीचे में अगर चले जाए वो कम ब्लीडिंग के अंदर एक अच्छा एसिड बन जाता है आपका लेकिन आप कहते हैं नहीं इससे भी सस्ते में कोई माइक्रोपियल एसिड बना लें वो आपके बनेंगे दुबई के अंदर सऊदीया के अंदर मलेशिया के अंदर बनेंगे यहाँ पे माइक्रो पीएल एसेट्स बनते हैं आपके और माइक्रो पीएल एसेट्स के अंदर आप लोग पांच हजार डॉलर के इन्वेस्टमेंट के अंदर एक छोटा सा एसेट खड़ा करते हैं दिन के दस ऑर्डर आ रहे हैं महीने के तीन सौ ऑर्डर आ रहे हैं एक ऑर्डर पे पांच डॉलर बन रहा है या तीन डॉलर भी बन रहा है तो चलो आठ सौ पांच सौ छह सौ सात सौ आठ सौ डॉलर मेरा महीने का बन जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी माइक्रो पीएल एसेट्स बनते हैं ठीक है तो आप लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट से जिन्होंने करना है वो माइक्रो पीएल एसेट्स को एक्सप्लोर करें बूट कैम्प के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही पार्टनरशिप कर सकते हैं जो इन्वेस्टर उनके साथ पार्टनरशिप में आता है क्योंकि जो लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं घोड़ों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो बूट कैंप ज्वाइन करते हैं एज अ इन्वेस्टर तो तीस साल का बंदा चालीस साल का बंदा पचास साल का बंदा ओवरसीज पाकिस्तान है वो भी बूट कैम्प के अंदर आएंगे और जो लड़के हैं वो भी बूट कैंप के अंदर आएंगे लड़कियां भी बूट कैंप के, के अंदर आएंगे और फिर आपस में लोग पार्टनरशिप कर लेंगे तो बुटकेम के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट पर काम कर सकते हैं वन टू वन वाले दो प्रोडक्ट्स पर काम कर सकते हैं इलीट वाले तो कर सकते हैं लेकिन मैं सबको उनको इनकरेज करता हूँ कि ना ही करें भाई आप आप इलीट हैं क्यों बड़े काम करें ना आउटसोर्स करें कुछ ना करें कुछ ना करके पैसे कमाएं मजा तो इसी में ही है ना कुछ ना करके दौलत बनाना कुछ ना करके पैसे कमा लेना ये कम वक्त में पैसे बना लेना तो अपनी अपनी प्रिवलेज के हिसाब से काम करें आप लोग जून uh, का तो स्टार्ट हो गया बुट कैंप और उसमें 500 लोग अप्रूव uh, हुए थे और 2100 जो है वो रिजेक्ट हुए थे उसके अंदर लेकिन आज जो मैंने पोस्ट डाली है वो उन लोगों के लिए है जो इस बात पे रिजेक्ट हुए थे कि आपने या तो ग्रुप में छह महीने नहीं गुजारे अभी तक या आपने तीन महीना प्लस फिफ्टी परसेंट बीबीसी नहीं किया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों की इस बात पे रिजेक्शन थी और अब आपका टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है आप लोग अपील डाल दें अप्लाई कर दें आजमा लें ट्राई कर लें जिनका हो गया मुबारक हो हो जाएंगे कुछ लोगों के हो भी जाएंगे और जिनका नहीं हुआ वो फिर नवंबर दिसंबर के बैच में अप्लाई कर लीजिएगा आप लोग और मेरा लास्ट ईयर जो था सिलेक्शन रेशो था थर्टी थ्री परसेंट एप्लीकेंट्स और सिक्सटी सेवन परसेंट एप्लीकेंट्स को हम रिजेक्ट करे थे इस साल जो अप्रूवल हुआ है वो है ट्वेंटी एट परसेंट और जो हमने रिजेक्ट किए हैं वो सेवेंटी टू परसेंट है ये वक्त के साथ ये बढ़ता रहेगा ये गैप बढ़ता रहेगा दिसंबर के बैच में हो सकते 75, 76 हो सकता है लोग रिजेक्ट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी अप्रूव हो जाए अगले साल इससे भी कम लोग अप्रूव होंगे तो वक्त के साथ ये और टाइट होता जाएगा और टाइट होता जाएगा और टाइट होता जाएगा मुझे नहीं चाहिए मुझे घोड़े चाहिए गुरीले चाहिए मुझे बिल्लियां नहीं चाहिए मुझे खतरनाक लोग नहीं चाहिए ग्रुप के अंदर जहां मुझे अपनी शक हो जाए कि ये मेरी इज्जत पे जो है ना ये ये शख्स जो है ये मेरा रिस्क है ब्रांड के ऊपर मुझे वो बंदा ही नहीं चाहिए मैं क्यों लू रिस्कू तो मेरा तो बड़ा सिंपल है आप जाए ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई करें पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है हार्वर्ड के अंदर चुन के निकालते हैं वो लोग चुन के लेते हैं इसलिए पूरी दुनिया अप्लाई करती है उनके पास तो पाकिस्तान में हर बंदा का है जाए ना सीख लें किसी के पास जाए सीख लें गली गली में अमेजोन का बंदा बैठा हुआ जी हमसे सीख लो अल्लाह के नाम पे आप उनके पास जाए उनसे सीखें मैं तो चुन के लूंगा अपनी मर्जी के अपने मतलब के लोग लूंगा हमेशा ठीक है ये वजह मेरे पास रिजेक्शन ज्यादा होने की <coughs> कैनेडियन मार्केट जिन्हें दस बारह हजार डॉलर का बजट है आप कैनेडियन मार्केट में चले जाएं जिनके पास पांच हजार डॉलर का बजट है वो ऑस्ट्रेलिया दुबई सऊदी अरब को एक्सप्लोर कर लें जिनके पास बीस हजार डॉलर का बजट है वो यूके की तरफ चले जाएं लेकिन अगेन जो लोग बूट कैम्प के अंदर है, वो 30 देन हैं वो तीस परसेंट में रखें तीस आपको चाहिए होगा सेवेंटी आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनर आपके साथ इन्वेस्ट कर देगा लेकिन दोनों की इक्विटी फिफ्टी फिफ्टी होगी ठीक है तो से अगर आप के आप के अंदर हैं यूएस में लॉन्च करना चाह रहे हैं चालीस हजार डॉलर की तीस से चालीस हजार डॉलर का लेट से बजट है तो आपकी जेब में कम से कम दस बारह हजार होना चाहिए बाकी आपका इन्वेस्टमेंट पार्टनर लगा देगा आपके साथ लेकिन फिफ्टी फिफ्टी शेयरिंग फिफ्टी फिफ्टी है अच्छा जी ठीक है नेगेटिव रिव्यूज देखिये नेगेटिव रिव्यू अटैक्स होंगे गंदे गंदे अटैक्स होंगे आ, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है लेकिन हम काउंटर करेंगे फिर उनको काउंटर करेंगे काउंटर करने के बहुत तरीके हैं लोग नए रिव्यूज पे काम करते हैं बिजाई के पुराने को रिमूव करने की भी कोशिश करते हैं पच्चीस तीस जनि हम मिल अगर रिपोर्ट कर दें एक रिव्यू के खिलाफ तो वो रिव्यू अमेजोन का सिस्टम खुद बहुत रिमूव कर देता है तो बहुत तरीके हैं काउंटर करने के महंगे हैं लेकिन शुरू में ब्लीडिंग ज्यादा होती है शुरू में मेहनत करनी पड़ती है एक बार लिस्ट जम जाती है ना आपकी नाच सौ हजार उस आती है उसके बाद अटैक्स कम हो जाते हैं उसके बाद अटैक्स इसलिए कम हो जाते हैं कि नए आने वाले चाइनीज कहते हैं इसको क्या अटैक करें ये तो पहले ही जमा हुआ है आप वैसे ही महंगा बेच रहे हैं और आपका महंगा बिक रहा है उनका सस्ता नहीं बिक रहा आपका महंगा बिक रहा है क्यों जम गई है आपकी लिस्ट टॉप स्पॉट पे चली गई अनटचेबल स्टेटस पे जा चुकी है वो आपके वो फिर मसले खत्म हो जाते हैं लिस्ट जो जो ग्रो करती रहती करती रहती आपकी लिस्ट फूल के बड़ी होती जाती होती जाती इतनी बड़ी हो जाती है वो तो अनटचेबल हो जाती है आपकी लिस्ट ठीक है ठीक है जी आज का सेशन हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं अभी अः हम लोग इनशाला आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स करते रहें ग्रुप में सीखें बीबीसी में सीखें वीवीआईवी की वीडियोस आप लोग देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वीवीआईवी की वीडियो देखें आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा आ, मैं अमेजॉन को एज अ टूल देखता हूं मैं अमेजोन का कोई ट्रेनर वेनर नहीं हूं ना मैं आपको अमेजोन सिखा रहा हूं मैं तो सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि अमेजोन से दौलत कैसे बनाई जा सकती है मैं ये साइंस सिखा रहा हूँ आप लोगों को अमेजॉन नहीं सिखाऊंगा आपको इधर क्लिक कर दो उधर क्लिक कर दो कहीं यूट्यूब से सीख ले आप लोग बीबीसी से सीख लीजिएगा ठीक है बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने सब का सबका थैंक यू वेरी मच इनशाला आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी ग्रुप में आप लोग मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वहां कर लीजिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज